हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। और आज हम अपने सेकंड चैप्टर की क्लास लेकर के आप सबके सामने हाजिर हैं। ध्यान रखिए, लाइक शेयर करते चले जाने, क्लास को जितना मल्टीपल जगह पर आप शेयर करेंगे उतनी जल्दी अपनी क्लासेस रेगुलर अपलोड होती रहेंगी, ठीक है। तो आप सब पर भी ये डिपेंड करता है कि अगर कोई आपको बहुत डिटेल से लाइन बाय लाइन क्लासेस, बहुत क्वालिटी से क्लासेस आपको प्रोवाइड यहाँ पर करवा रहे हैं, तो यू हैव टू शेयर दैट दोज क्लासेस, ठीक है। तो उनको शेयर करो जितना ज़्यादा अपने आप फ्रेंड्स के पास, सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस सीरीज, है ना, डेली 1 PM पर। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम एम लक्ष्मीकांत में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। सबसे फेवरेट और सबसे किसी भी एग्जाम का, जो भी एग्जामिनर है उनका सबसे फेवरेट हॉट टॉपिक जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। बेसिकली खास करके अगर हम बात करें तो MCQ जो होते हैं वहां पर क्वेश्चन आते हैं। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जहां पर MCQ वाला जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से हर जगह कोई ना कोई क्वेश्चन, इवन UPSC में भी एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, क्या प्रोसेस रही, किस किस तरीके से चीजें हुई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या हुआ, ठीक है, कितना टाइम लगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया वो क्या हुआ, फर्स्ट सिटिंग कब हुई, साथ ही आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या चीज हुई, इंडिया की जो एक्टिंग पार्लियामेंट है अस्थाई संसद वो कौन रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी कमिटीज, उन कमिटीज में कौन कौन मेंबर थे, उन सबको हम थोड़ा सा यहां पर डीपली देखेंगे। तो मजा आएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपके लिए स्टडी कराने की मेरी तरफ से कोशिश रहेगी। चलिए तो क्लास स्टार्ट, ऑनलाइन लाइव ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन अच्छी अपनी स्ट्रॉन्ग करें तो आप अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पर जाकर के, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपका सिलेक्शन वहां से हो जाएगा, ये एक वहां पर बेनिफिट है। अभी अनअकैडमी पर बहुत सारे ऑफर्स चले हुए हैं, 1 अगस्त से प्राइस जो है फीस का वो बढ़ जाएगा, हाइक हो जाएगा। अभी आपको अनअकैडमी पर बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट जो है मिल जाता है। ऑलमोस्ट आप देखिए कि सारे बैच, आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आपकी बुक्स, आपका ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, ये सभी चीजें आपको कंप्लीटली कोर्स के साथ फ्री मिल जाती हैं। तो अभी आपके पास एक चांस है 1 अगस्त से पहले, अगर आप अनअकैडमी का कोर्स लेते हैं LY लाइव कोड अप्लाई करके, तो आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस में वो हो जाएगा। साथ ही UPSC CSE एश्योर आपके लिए है। अगर आप 2 ईयर या उससे ज्यादा का कोर्स अनअकैडमी पर ज्वाइन करते हैं तो अनअकैडमी आपको ये एश्योरिटी देती है, आपको एक तरीके से गारंटी होगी कि अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो अनअकैडमी 1 ईयर एक्स्ट्रा आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करेगी, फ्री में क्लासेस मिलेंगे। तो ये बेस्ट है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं 1 अगस्त से पहले। अभी 49,000 प्लस के 1 ईयर की कोर्स की फीस है, 71,000 2 ईयर की और 87,000 3 ईयर की। कंप्लीट कोर्स है, प्री मेंस इंटरव्यू। अगर आइकोनिक लेना चाहते हैं तो आइकोनिक की फीस आपके सामने यहां पर है, 1, 2 और 3 ईयर्स की, ठीक है। रेफरल कोड याद रखना है आपको, LY लाइव लगाना है। ये सारी टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीटली फ्री मिल रही है, 20 बुक ये आपको अवेलेबल रहेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में डिलीवरी, होम डिलीवरी हो जाएगी। साथ ही आप अनअकैडमी से एजुकेशन लोन के थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आप EMI में पैसा देना चाहते हैं तो लोन का फॉर्म जो है या उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने प्रोवाइड कर रखी है, वहां से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। साथ ही नए बैच जो है 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, 28 जुलाई से नया बैच जो है स्टार्ट होगा, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल स्टेटस, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सब कहीं। करना क्या आपको, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करना है, अपना UPSC CSE का गोल सेलेक्ट करना है और ग्रीन कलर में जो गेट सब्सक्रिप्शन है इस पर टच करना है, तो आपके सामने 2 टाइप के कोर्स यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, प्लस और आइकोनिक 2 कोर्सेज आपको मिलते हैं। आइकोनिक में अनअकैडमी की तरफ से आपको एक मेंटर प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही आंसर राइटिंग की एक फैसिलिटी आपको एक्स्ट्रा वहां से मिलती है, जिससे कि आप मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका रिजल्ट क्लियर, एग्जाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज डबल ट्रिपल हो जाती है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है प्लस और आइकोनिक में, बाकी सारी चीजें सेम है। हाँ, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए और मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो ये रेफरल कोड यूज कीजिएगा LY लाइव, LY LIVE,
जब भी कोर्स ज्वाइन करें इसी रेफरल कोड को अप्लाई करके कोर्स ज्वाइन करना है LY Live, तो आपको फीस में डिस्काउंट भी हो जाएगा और हमारी प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। ऑप्शनल अगर आप अलग से लेना चाहते हैं सेपरेटली, तो उसके लिए भी आप LY Live रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, डिस्काउंट हो जाएगा। Unacademy Combat हर संडे LY Live कोड के साथ आप ज्वाइन करके बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। ये मेरे कोर्सेज हैं, अगस्त में दो ऑप्शनल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, PSIR ऑप्शनल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रेफरल कोड याद रखिएगा LY Live, जब भी ज्वाइन करें इसी रेफरल कोड के साथ ही ज्वाइन कीजिए, आपको डिस्काउंट और प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर वन एंड वन, वन ऑन वन गाइड करता हूँ, और यही चीज की रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में एग्जाम क्लियर करने के लिए, कि आपको कोई टीचर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो और टीचर आपको डायरेक्टली गाइड करे, तो वो मैं करता हूँ, वीडियो कॉल के थ्रू भी करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अगर कभी भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, क्लासेस आपको सभी की मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि केवल ओनली मेरी ही क्लास मिलेगी, क्लास आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, सब टीचर्स की अवेलेबल रहेंगे, लेकिन मैं आपको प्रॉपर पर्सनली गाइड कर सकता हूँ, जो हो सकता है कि बाकी जगह से आपको गाइडेंस ना मिल पाती हूँ। तो उसके लिए आपको ये रेफरल कोड अप्लाई करना पड़ेगा LY Live, इसको अप्लाई करते हुए कोर्स ज्वाइन करना है, तो फिर उस समझना कि आपकी पूरी जर्नी, एग्जाम की जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा, वन ऑन वन आपके साथ जुड़े रहेंगे। चलिए तो आज की क्वेश्चन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं अपनी, फर्स्ट इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक सेकेंड, चलिए जी, तो हाउस द जोस, कैसा है जोस? क्लास रेगुलर मैराथन चलते रहेंगे, 3-3 आवर की क्लासेस रहेंगी, ठीक है, तो मैराथन क्लासेस ही होंगी। लाइक शेयर करते आना है क्लास को और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमने देखा, तो उसमें हमने बेसिकली कुछ चीजें देखी, कुछ एक्ट्स देखे कि कैसे इंडिया का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ, इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, और जितने भी एक्ट्स हमने पढ़े थे उन्हीं एक्ट्स को ही कंबाइंड करके, उनसे ही इंपॉर्टेंट कुछ चीजों को लेकर के हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया, हमारे संविधान में हमने उनको जोड़ा। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारा जो संविधान बना, अब वो बनाया किसने, कैसे बना? अब एकदम से तो आसमान से तो टपका नहीं कि एक बुक मिली, जैसे कि आज होता ना जादू, आप लोग ढूंढते हैं, प्रेयर करते हैं कि भगवान मेरे को गाड़ी चाहिए, गाड़ी दे दो, फिर सपने में आता भगवान ऊपर से कहते हैं ये लो गाड़ी बेटा, मैं तेरे से बड़ा खुश हूं, ले जा। तो ऐसा तो हुआ नहीं इंडिया के साथ कि इंडिया ने एक डिमांड की कि भाई हमें संविधान दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, और कोई आकर के कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पकड़ा करके चला गया, ये लो आपका कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है, काम करो, ऐसा तो हुआ नहीं है ना, इस तरीके से चीजें हो भी नहीं सकती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे और संविधान बना कैसे और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों और इतना अच्छा कैसे बन पाया? देखो 1947 में वो इन्फोर्स में आया था, लागू हुआ था, तब से आज तक वर्क कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज जो थी वो इंडिपेंडेंट हुई, फ्री हुई, आजाद हुई, ठीक। लेकिन उनमें से ओनली इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो तब से लेकर के आज तक स्टेबल है, उसमें कभी भी कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ये नहीं मिला, है ना, जैसे पॉलिटिकल अनरेस्ट देखते हैं उस तरीके की चीजें नहीं मिली इंडिया में, ना ही कोई डिक्टेटरशिप देखने को मिली, डेमोक्रेसी लगातार कंटिन्यूस इवोल्व होती चली गई। रीजन क्या रहा, हम क्यों इतने ज्यादा इवोल्व हो पाए, बाकी अदर कंट्रीज नहीं हो पाई? उसका मेन रीजन था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हमारे जिस, और वो कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा, इतना बेटर तरीके से बनाया गया था कि आज भी हमें यूनाइट करते हुए एकदम यूनिटी के साथ प्रोग्रेस की ओर कंटिन्यू वो लेकर के चलता है, इतने अच्छे आपके पास राइट्स सब कुछ है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार बना कैसे और किस किसने बनाया, है ना, हु आर द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश रूल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, ब्रिटिशर्स ने हमें एक बार बोला भी था कि चलो भाई हम आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ आपकी सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, लेकिन उसके बाद से चीजें हुई नहीं, ब्रिटिशर्स का मन था नहीं हमें इंडिपेंडेंट करने का, हमें आजाद करने का। तो हमने
डिसाइड किया था कांग्रेस, वो डिसाइड कर रही थी उस टाइम कि ठीक है भाई ब्रिटिशर्स ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो धीरे 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 हम अपना अपोज जो इसका अपोजिशन करते हैं इंडिपेंडेंस की हमारी जो डिमांड करते हैं उसको हम धीरे धीरे स्ट्रोंग करते चले जाएंगे। लेकिन वो इंडिपेंडेंस मिलना तो बाद की बात है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हम किस तरीके से गवर्न करेंगे, कैसे काम करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज ही आजाद हुए और आज ही आजाद होकर के एक ही दिन में हमने पूरा इंडिया का स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया, पूरे इंडिया को सारी चीजें से रेडी करके दे दी, वो तो पॉसिबल नहीं होता। तो कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उस टाइम, उनको एक चीज का अंदाजा हो गया था कि हाँ भाई ये तो ठीक है कि हमें आजादी चाहिए, लेकिन आजाद होने के बाद हम कैसे गवर्न करें, कैसे वर्क करें, कैसे शासन करें कि दोबारा से ब्रिटिश जैसी या कोई और इस तरीके की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप से, या कोई ब्रिटिश जो क्राउन है इस तरीके की गवर्नमेंट जो है वो हम पर आकर के अपने हमको कॉलोनाइज ना कर ले, हमें कब्जा ना कर ले, हम वापस एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में ना इन्वॉल्व हो जाए। तो इसके लिए जरूरी था कि हम आजाद होने से पहले ही हमारे लिए कुछ स्ट्रक्चर डिसाइड कर लें, इंडिया का स्ट्रक्चर, फ्यूचर स्ट्रक्चर कैसे होगा, कि कैसे हम वर्क करेंगे। बेसिकली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले जो की प्रोसेस कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उसमें क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, वो चीज। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं फ्यूचर में, लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, जैसे आपको लगता है कि रिटायर हो गए, वर्क कर रहे हैं अभी तो ठीक है, जवान है, यंग है, लेकिन रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद आपके पास जॉब नहीं है, सैलरी नहीं है, फिर क्या करोगे? तो आप वो फ्यूचर प्लान जो इन्वेस्ट करते हैं, जो पॉलिसीज लेते हैं ना LIC टाइप से, तो उनसे आपके पास रिटर्न आता है, पैसा आता है, तो आपका आगे का काम लाइफ जो बड़े आराम से कटती है, आराम से एंजॉय करते हो, घूमने फिरने जाते हो, है ना। ऐसे ही उस टाइम हमारे लीडर्स भी सोच रहे थे कि भाई इंडिपेंडेंस तो ठीक है, आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन आजादी के बाद हम रूल कैसे करेंगे, इंडिया को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो ये आइडिया सबसे पहले, अगर हम आइडिया की बात करें तो 1934 में, ये थोड़ा सा स्लाइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगले में ठीक हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट की बात करें तो MN रॉय ने 1934 में ये आइडिया दिया कि यार हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, संविधान बनाना पड़ेगा जिसमें हम कुछ रूल रेगुलेशन लिखें। और हम वैसे भी इंडियंस हैं, विदाउट रूल रेगुलेशन के तो किसी चीज को एक्सेप्ट करते नहीं है, मानते नहीं है, ठीक है। तो हम कोई चीज रिटर्न में हमें देखने का बड़ा शौक होता है ना, हम उसी चीज पर बिलीव करते हैं जो रिटर्न में हो और क्लियरली लिखी हुई हो। अगर क्लियरली लिखा नहीं होगा तो हम उनको अवॉइड करने में बहुत सारा वो करते हैं। जैसे नॉर्मली आप किसी भी पर्सन को किस कोई सही गाइड करेंगे, कोई सही तरीके से कोई चीज बताओगे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि आप रास्ते पे जा रहे हो कहीं पर और कोई वहां पर स्पिट कर रहा है, थूक रहा है, और आप कहोगे कि नो, थूकना गलत बात है, है ना, आपको सड़क के ऊपर नहीं थूकना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। इंडिया में ऐसे होता है ना, जो पान खा रहे होते हैं खूब सारा मुंह के अंदर पान और वो डाल करके भरे रखेंगे, फिर आप उनको कहोगे कि थूको नहीं, तो इतनी देर में वो ऐसे हाथ लगाएंगे करके यूं जोर से थूक के बोलेंगे, अमा मियां यूं बताओ कहां लिखा है कि यहां थूकना नहीं है, लिखा कहां है ना। तो हम रिटर्न चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं बेसिकली। अगर कहीं रिटर्न में होता है तो हम मानते हैं कि हाँ भैया ये ऑथेंटिक है, तो ऑथेंटिसिटी उस चीज की वो प्रूव होती है अगर कोई चीज हम रिटर्न में लो के रूप में हम लिख दें, नहीं तो हम नहीं मानते हैं। तो MN रॉय ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट रखा। और उसके बाद 1935 में क्या होता है, इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। MN रॉय ने जो आइडिया दिया उसको अडोप्ट करते हुए कांग्रेस जो टाइम थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने ब्रिटिशर से डिमांड रखी और कहा कि भाई ठीक है हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हम आजाद होंगे, आजाद होने के बाद हमें काम करना है, तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय हम फ्री तो थे नहीं, तो हर चीज के लिए हमें ब्रिटिशर से पूछना पड़ता था, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, डिमांड करनी पड़ती थी। तो हमने डिमांड रखी ब्रिटिशर्स के सामने कि भैया वी वांट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमें हमारा संविधान चाहिए। फर्स्ट टाइम ऑफिशियली ये हुआ। तो MCQ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे MCQs में पूछ लिया जाएगा कि इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से आपसे सवाल देंगे। तो आपको 1935 ईयर याद रखना है। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एडवोकेट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया,
तो उसमें आपको कई सारे ऑप्शंस दे देंगे, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस दे देंगे, उसमें जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय और बी एन राव, इस तरीके से ऑप्शंस देंगे। तो उसमें आपको टिक लगाना होगा किस पर, बी आप सबने देखा कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि एम एन रॉय आएगा, बी एन राय आएगा, कौन आएगा, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो इस तरीके से आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चंस जो है बनते हैं। अब ये 1935 में हमने डिमांड रखी, ठीक है। अब डिमांड होने के बाद ब्रिटिशर्स ने हम पर ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं दिया हुआ, उनको लगा यार ये तो कांग्रेस है, इनका तो काम ही यही है, कभी ना कभी आते हैं लेटर लेकर के आकर के पकड़ा देंगे कि लो ये हमें डिमांड चाहिए। अब इनकी हर डिमांड थोड़ी पूरी करेंगे, इनकी डिमांड मानना ना मानना तो ब्रिटिशर्स के हैंड में था, उनके हाथ में था, तो इग्नोर करते थे, नहीं मानते थे कि चलो यार क्या आ जाओ। वो अपना ही एक्ट ले आए, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान की मांग की, वो उन्होंने 1935 का एक्ट ले आए, बोलो कि ये लो भाई आप सभी के लिए। क्या मेरे साउंड आपको आ रही है विजिबल? एक मिनट, तो उसके बाद इंडियंस ने ना इसके लिए हार नहीं मानी, उन्होंने लेट गो नहीं किया, वो लगातार कंटिन्यूअस इस एफर्ट में रहे, और उन्होंने ये देखा कि भाई अभी इंडिया के अंदर जो स्ट्रक्चर है ब्रिटिशर्स का वो बड़ा खराब स्ट्रक्चर है, लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लोगों के पास राइट्स नहीं है, तो ऐसे में पूरे इंडिया के लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें रिप्रेजेंटेशन रखना पड़ेगा, सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन रखना पड़ेगा। अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं रखेंगे तो इसका मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाने वाले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा जो कुछ ही लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, ओनली कुछ सेलेक्टेड पर्सन उनका ही आइडिया उसमें जो रहेगा, तो वो पूरे इंडिया के लिए वर्क नहीं कर सकता। इस चीज को उन्होंने महसूस किया, और 1935 का एक्ट था, तो उस 1935 के एक्ट तक आपने देखा ना इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस का प्रोविजन था, जो चुनाव की प्रणाली थी, उसमें सभी को वोटिंग का राइट नहीं था। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप राइट वोट डाल सकते हैं, आप हाईली एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल हैं तो आप वोट डाल सकते थे, आप बहुत ज्यादा टैक्स एक लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते थे तो वोट डाल सकते थे, ओनली इंडिया के ऑलमोस्ट 9-10% लोगों के पास वोटिंग के राइट, बाकी के पास तो थे ही नहीं, फिर बाकी के लोग क्या करते है ना, तो उनका राइट, उनकी डिसीजन, उनके जो जो आवाज है, उनकी जो समस्याएं या प्रॉब्लम वो कैसे सोल्व होती, वो तो तभी होती ना जब वो भी इन्वॉल्व होंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की प्रोसेस में। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 1938 में इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ द आईएनसी डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, उन्होंने क्लियरली अनाउंस कर दिया जवाहरलाल नेहरू ने कि भाई हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं देखेंगे। अभी तो बहुत हो गया यार ब्रिटिशर्स, तुमने खूब परेशान कर लिया हमने, तुमने खूब हमें अपने ऑर्डर पर अपने इशारों पर नचा लिया ना, ब्रिटिशर्स ही बनाते थे जो भी चीज होती थी, जितने भी एक्ट्स आते थे ब्रिटिशर्स लेकर के आते थे, इंडियंस का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, 1919 का एक्ट, 1935 एक्ट, कुछ भी वो अपनी अकॉर्डिंग बना करके बोलते कि लो भाई अब इसके अकॉर्डिंग इंडिया पर गवर्नेंस होगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्लियरली कह दिया कि नो आफ्टर इंडिपेंडेंस वी डोंट वांट एनी इंटरफेयर फ्रॉम आउटसाइड, किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए हमें, हम अपने आप बनाएंगे है ना, वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट सेल्फ, डूइंग बाई आवर सेल्फ, डूइंग इट आवर सेल्फ, हम कर सकते हैं, और इंडिया के लिए जरूरी है कि हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजों को डिसाइड करें। तो क्लियर कर दिया उन्होंने कि हम आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं रखेंगे। सेकंड चीज उन्होंने बोली कि अडल्ट फ्रेंचाइजी, उसके बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे, संविधान सभा, जिसकी डिमांड 1934 में एम एन रॉय ने रखी, 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली अनाउंस किया, 1938 में इन्होंने बोल दिया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी वो अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस के ऊपर जो इलेक्ट होंगे वो होंगी, ठीक है, ये रहा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। अब ये बात इन्होंने क्यों कही, इसका रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स जो है ना वो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भी वो कोशिश यही कर रहे थे, उनकी ट्राई यही थी कि उसमें ब्रिटिशर्स रहे, इंडियंस को भी रखा जाए लेकिन कुछ रखें, ज्यादा नहीं रखें, ब्रिटिशर्स मेनली रहे, ये उनका एक टेंडेंसी थी। तो ये उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने रखा प्रोविजन, इस डिमांड को
ब्रिटिशर्स ने स्टार्टिंग में तो इग्नोर किया, ब्रिटिशर्स बड़े चालाक थे, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, स्टार्टिंग में इग्नोर किया, लेकिन 1940 में उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसका रीजन क्या था समझिएगा, द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इट नोन एज अगस्त ऑफर 1940, अगस्त प्रस्ताव इसको कहा जाता है, 1940 का एक्सेप्ट किया। इससे पहले ब्रिटिशर्स कभी भी इंडिया को कंप्लीटली अपने अकॉर्डिंग वर्क करने का परमिशन नहीं देते थे। यहां पर 1940s में ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और इंडिया को कहा कि जाओ आप बनाओ अपना संविधान, है ना, यू ऑल, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं कि ओनली इंडियंस विल फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, है ना, नो ब्रिटिश इंटरवेंशन इज विल बी देयर। ये चीज उन्होंने एक्सेप्ट की। इसका रीजन ये था कि 1939 में एक इंटरनेशनल जो जितने भी इवेंट्स होते हैं उनका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हर कंट्री के ऊपर। आज तो पड़ता ही है, उस टाइम भी पड़ता था, 1930s में भी पड़ता था। 1939 में क्या होता है कि वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो जाती है, दूसरा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार टू। अब जब वर्ल्ड वार टू स्टार्ट होता है तो ब्रिटिशर्स को रिक्वायरमेंट होती है सोल्जर्स की, सपोर्ट की। अब वो कैसे मिलता, इंडिया से उसको सोल्जर्स मिल सकते थे, सपोर्ट मिल सकता था, उनके सपोर्ट पर ही वो वर्ल्ड वार में जीत सकती थी, अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन रख सकती थी। साथ ही ब्रिटिशर्स को ये भी डर था कि ये सेकंड टाइम है, वर्ल्ड वार है, पता नहीं कितना चलेगा, वर्ल्ड वार की कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि कब खत्म होगा, लंबा चलेगा। अब ऐसे में अगर ब्रिटिश की जो कॉलोनीज है वही उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देंगी तो उनको तो अपनी सारी की सारी कॉलोनीज को फ्री करना पड़ जाएगा, छोड़ना पड़ जाएगा, भागना पड़ेगा। इंडिया से उनको सबसे बड़ा खतरा था क्योंकि 1857 के अंदर हम उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर चुके थे और ब्रिटिशर समझ चुके थे कि इंडिया की पावर को, कि भाई वो 1857 को तो जैसे तैसे हमने उसको रोक दिया, लेकिन अब अगर सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम अगर इंडिया वाले अगेंस्ट हो गए तो भाई भागना पड़ेगा, तो कोई हमारे पास सोल्यूशन रहेगा नहीं। तो इंडिया को अपने पक्ष में लेने के लिए, सेकंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व करने के लिए, साथ ही इंडियंस को रिवोल्ट से रोकने के लिए उन्होंने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, है ना। वैसे नहीं करते, देखने में आपको लगेगा कि अरे वाह अपने आप लाइन पे नहीं आए, इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी थी, सेकंड वर्ल्ड वार थी जिसने उनको लाइन पर ले आए, एक्सेप्ट कर लिया। इसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना है, ठीक है। अगस्त ऑफर जो है 1940s का, वो क्या था, वो ये था कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी, अडल्ट फ्रेंचाइजी पर डिमांड की थी, विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस की डिमांड की थी, ओनली फॉर इंडियंस बाय इंडियंस इस चीज की डिमांड की थी, वो सारी की सारी डिमांड्स यहां पर एक्सेप्ट कर ली गई। पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया फर्स्ट टाइम ये चीज हुई। तो इसलिए ये अगस्त प्रस्ताव जो है, अगस्त ऑफर जिसको बोलते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से इसको रखना है। अब होता क्या है कि इंडिया प्रेशर बना रहा था लगातार, इंडिया के जितने भी लीडर्स थे वो ब्रिटिशर्स पर, ब्रिटेन पर बोल रहे थे कि भाई कहां है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर तो एक्सेप्टेड है बट वेयर इज द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, वेयर इज द प्रोविजन ऑफ फ्री इंडिया। तो लगातार उनके ऊपर जो है प्रेशराइज हो रहा कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, स्टार्टिंग में उन्होंने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए एक बार एक व्यक्ति है जिनको स्टैनफोर्ड क्रिप्स बोलते हैं, उनको उन्होंने भेजा। इन 1942 सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, केम टू इंडिया विद ए ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडोप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वार टू। ठीक है, अभी भी ब्रिटिशर्स जो है ना वो इंडिया को आजादी देने की नहीं सोच रहे थे, फ्रीडम देने की नहीं सोच रहे थे, उनको लग रहा था कि चलो एक काम करते हैं कि हम वर्ल्ड वार टू खत्म होने के बाद इंडिया को इस तरीके से समझाते हैं कि चलो तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, अपना संविधान बना लो, है ना, अपने अकॉर्डिंग रूल करो, लेकिन अपना होल्ड भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। तो 1942 में पहली बार इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक व्यक्ति भेजे गए जिसको सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो है वो बोला जाता है, और क्रिप्स मिशन भी इसको कहा जाता है, ठीक। लेकिन यहां पर कुछ चीजें
जो थी वो समझिए कि क्या हुई। उस टाइम इंडिया के अंदर दो बड़े बड़े मेजर पार्ट थे, एक मुस्लिम लीग और एक आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुस्लिम लीग की डिमांड ये हो रही थी कि वो अलग से अपनी एक कंट्री बने, अलग से एक पाकिस्तान नाम से कंट्री बनाया जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम तक चाहती थी कि विभाजन ना हो, डिवीजन ना हो, सिंगल, वही जो हमारा इंडिया था वही इंडिया रहे। और क्रिप्स मिशन जो था जिसमें आया, तो इसमें प्रोविजन यही था कि पूरे इंडिया के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगी, होल इंडिया के लिए। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्सेप्ट अलग अलग सेपरेटली उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उनका यह था कि पूरा इंडिया है ना, तो पूरे इंडिया के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो द क्रिप्स प्रपोजल वाज वर रिजेक्टेड बाई द मुस्लिम लीग विच वॉन्टेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इन टू टू ऑटोनोमस स्टेट्स विद टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। अब मुस्लिम लीग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब एक्सेप्ट नहीं किया तो एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट था, मुस्लिम लीग में भी बहुत सारे अच्छे लीडर्स थे, टॉप के लीडर्स थे, बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी थी। अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो रेडी नहीं हो रही इसको करने के लिए, तो रेडी नहीं हुई तो ये रिजेक्ट हो गया। और ब्रिटिशर्स को तो यही चाहिए था, ब्रिटिशर्स बड़े चालाक थे, वो माइंड से बड़ा खेलते थे, उनको पता था, उन्होंने सोच लिया था, उनको दिख गया था, ये फ्यूचरिस्टिक प्लान करते थे, उनको दिख गया था कि भाई हम ये डिमांड लेकर के चलते हैं, वन सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। उनको पता था कि मुस्लिम लीग इज देयर एंड दे विल नेवर एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, तो वो प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा, सो ब्रिटिशर्स कैन एक्सटेंड देयर रूल ऑन इंडिया। वो सोचते थे कि फिर से हम और एक्सटेंड कर लेंगे, और हुआ भी ऐसा ही, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन यहां पर ब्रिटिशर्स थोड़ा सा एक चीज समझने में गलती कर गए कि इंटरनेशनल लेवल पर जो उनको लग रहा था कि भाई हमारी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका उनके साथ है, सोवियत संघ, यूएसएसआर, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, सारी सुपर पावर एक साइड है, तो उनको लगता था कि यार हम तो सुपर पावर है, हम तो कुछ भी कर लेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बस कैसे भी खत्म हो जाए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो मैक्सिमम अगर किसी को नुकसान हुआ, जो पावरलेस कंट्री होगी, वो फ्रांस एंड ब्रिटेन थे, जो सुपर पावर होते थे, वो पावरलेस हो गए, बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ। अमेरिका एंड यूएसएसआर, दे बिकम द सुपर पावर, न्यू सुपर पावर इन द वर्ल्ड। और जो ब्रिटेन और फ्रांस थे वो फॉर्मर हो गए, है ना, यूरोपियन सुपर पावर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो अब डिस्ट्रॉय हो गया, कंप्लीटली ओवर हो गया, इरा ऑफ यूरोपियन सुपर पावर्स जो थी वो एंड होगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा हुआ तो इंडिया में भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफी सारी उस समय अलग अलग आंदोलन होने लगे, है ना, महात्मा गांधी ने कई सारे आंदोलन उस समय चलाए, तो उसके बाद कई सारे मूवमेंट हमने वहां पर मूवमेंट किए, आजादी की मांग, है ना, डिमांड फॉर फ्रीडम, वो बहुत तेज बढ़ने लगी। तो फाइनली ब्रिटिशर्स ने किया गया, एक नया मिशन भेजा जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन, उसको इंडिया में भेजा गया, ठीक है। और ये देखिए 1946 का कैबिनेट जो मिशन था उसके साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनके सारे, ये फोटो थोड़ी सी ब्लर है क्योंकि ओरिजिनल फोटो बहुत इतनी क्लियर नहीं थी, आज की तरह उस टाइम डिजिटलाइजेशन था नहीं तो इतनी क्लियर क्वालिटी नहीं आती थी। तो ये उस टाइम की फोटो है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो और जो कैबिनेट मिशन है उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रहा था, चीजें हो रही थी, मुस्लिम लीग भी है, सारे के सारे लोग यहां पर हैं। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो आया। अब इस में भी मुस्लिम लीग जो है वो इस बात को लेकर के स्ट्रिक्ट थी कि भाई नहीं, हमें हमारी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, वी वांट अवर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान, है ना, वी डोंट वांट टू बी ए पार्ट ऑफ इंडिया, सो वी वांट अवर फ्रीडम, वी ऑल्सो वांट अवर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अलग से हमारी संविधान सभा भी चाहिए। अब इस प्रोविजन को कैबिनेट मिशन ने भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। व्हाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, अब आपको लगेगा कि यार ये रिजेक्ट हो गया तो फिर ऐसे में तो कैबिनेट मिशन भी रिजेक्ट हो जाना चाहिए, यहां से भी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बननी चाहिए। लेकिन यहां से उन्होंने एक आइडिया निकाला, एक नया, एक
कॉन्सेप्ट रखा, जो लास्ट पिक्चर मैंने आपको दिखाई ना, यहां पर देखिए पिक्चर कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कैबिनेट मिशन, इन सब लोगों ने आपस में बातचीत की, डिस्कस किया, तो एक मिडल वे निकाला गया, मिडल वे जिसको बोलते हैं बीच का रास्ता, ना तेरा ना मेरा, दोनों का इस तरीके से हम करते हैं। कई बार लड़ाई होती है जब सब्जी में मोल भाव नहीं देखते, मार्केट में जाते हैं आप सब्जी खरीदने जाते हैं, और सब्जी खरीदने खास करके हमारी मम्मी है या आंटीज हैं, है ना, वो जाकर के सब्जी कभी लेती है तो जाकर के रेट पूछते हैं, भैया आलू कितने का दिए, है ना, फिर आलू वालू बोलेगा 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, भैया इतना महंगा, ओ माय गॉड, वी कांट अफोर्ड 10 रुपीज केजी आलू, मैं आपको 5 रुपीज केजी दूंगी, आई विल गिव यू 5 रुपीज, है ना, किस तरीके से मोल भाव होते हैं। फिर आलू वाला कहेगा कि ना 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 मैडम जी, 5 रुपए में काम नहीं चलेगा, है ना, 8 रुपए की तो मेरी खरीद है, मैं कैसे दे दूं, 8 रुपए में तो मैं खरीद करके लेकर जाता हूं। तो फिर फाइनली वो आपस में एक म्यूचुअल डिसीजन पर चलते हैं, फाइनल करते हुए कि देखो भैया चलो 5 नहीं तो आपका भी 10 नहीं, हम एक काम करते हैं 7.5 रुपीज उस पर वो कर लेते हैं, खत्म करते हैं बातचीत, है ना, मैं 7.5 रुपीज दूंगी, आप 1 केजी आलू दीजिए, तो दोनों उस चीज पर एग्री हो जाते हैं बीच बीच में। ऐसे ही यहां पर एक मिडल वे निकाला गया, और मिडल वे क्या निकाला गया, वो ये निकाला गया कि उनको अलग से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही दे दिया गया, अलग से तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाई गई मुस्लिम लीग के लिए, बट दे हैव गिवन सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन मुस्लिम इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया कि इट पुट फोर्थ हेयर स्कीम फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग। एक नया आइडिया उन्होंने यहां पर प्रोवाइड की, ठीक है, इस तरीके से चीजें भी, अरे वो इस तरीके से लेडीज वो नहीं बोलती, लेकिन मैं वो बता रहा हूं कि जैसे मैंने देखा है बहुत सारे, किन के बारे में बात करते हैं, वो बेसिकली एक बहुत हाई क्लास सोसाइटी से होते ना, मैंने देखा वो वैसे तो कितना भी पैसा वेस्ट कर लेंगे, है ना, 1000 रुपए वेस्ट कर देंगे, लेकिन जब सब्जी खरीदने जाएंगे या जो सब्जी फ्रूट खरीदने, तो कई बार वो मार्केट में आते, मैंने देखा बड़ी बड़ी मर्सिडीज में, बीएमडब्ल्यूज में आकर के मार्केट में आएंगे सब्जी मंडी में अपने नौकर के साथ, है ना, अपने हेल्पर के साथ, और फिर वहां पर वो जो गरीब लोग हैं उनके साथ बेचारों के साथ इस तरीके से बार्गेनिंग कर रहे हैं कि ना 10 रुपीज नहीं 7.5, वैसे वो एक सिंगल आइसक्रीम खाने के लिए 1000 रुपीज 1000 रुपए जाकर के दे देंगे, लेकिन यहां पर नहीं देते। तो वो उनकी मैं एक इस तरीके की मैंने कुछ सिचुएशंस, कुछ एग्जांपल्स मैंने डायरेक्टली देखे हुए हैं अपनी आंखों से, तो वो मैंने एक आपके लिए एक्ट करने की कोशिश की कि इस तरीके से बात करते हैं। बाकी इंडियंस तो अलग तरीके से ना, जो नॉर्मल फैमिली की वो तो सीधी जाकर के बोलती है भाई देना है तो दे, ना देना तो मत दे, ना जैसे हरियाणा के टाइप हमारी मम्मी होगी, वो भाई 10 रुपए किलो आलू, मम्मी ने बोल दे कि 9 रुपए दूंगी, दुकानदार आलू वाला मना करेगा, अरे तू राख ले तेरे घर जा, 9 रुपया दूंगी, लेना है तो दे, ना देना तो मैं और करने जाऊँ, घना ही उरे, और भी घने दुकानदार ही देख, 10 लोग खड़े हैं, वो उस तरीके से करते हैं। तो वो एक अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। अब चलो उस जोक सपाट उनको छोड़ देते हैं, यहां पर आते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि एक नया आइडिया निकाला, और उस नए आइडिया में क्या किया गया, उसमें मुस्लिम लीग को अलग से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई, रिजर्वेशन वाला जो प्रोविजन है वो इस तरीके की चीजें यहां पर कर दी गई, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, और 1946 में हमारे संविधान सभा का पहली बार फॉर्मुलेशन हुआ, गठन हुआ, और वो प्लान क्या था उसको समझिए, उस प्लान के अंदर किस तरीके से सीटें डिवाइड की गई, क्योंकि मुस्लिम लीग को भी सेटिस्फाई करना था ना, उसको भी उसके अंदर साथ में रखना था। तो सबसे पहले डिसीजन किया गया कि द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू 389 मेंबर्स होने चाहिए थे, 296 सीट्स वर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट्स। अब उस टाइम इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, केवल मुस्लिम लीग और कांग्रेस वाली डिस्प्यूट नहीं था, प्रिंसली स्टेट्स भी थे भाई, प्रिंसली स्टेट जहां पर राजा महाराज, किंग एंड क्वीन एंड नवाब, वो वहां पर शासन करते थे, उनको मनाना भी बड़ा खतरनाक चीज था। कैबिनेट मिशन आया तो उसमें प्रोविजन ये था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, किन के लिए, जो हमारे जो ब्रिटिश इंडिया का जो एरिया है जिसके लिए 296 सीट हमने रखी हैं, तो
तो ये इनका प्रोविजन था। प्रिंसली स्टेट्स को वो भी, पहले तो वो इंडिया में आना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि भैया इंडिया के अंडर में अगर एक गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे तो उनको उनके रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, और राजा महाराजा वो किसी की सुनते थोड़ी है, किसी की मानते थोड़ी है। हिज हाइनेस हिज किंग, है ना, राजा धीराज महाराज पधार रहे हैं, नो, अलग टसम होता था उनका, एक सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे किसी को भी, वो लोग किसी के अंडर में काम क्यों करेंगे। तो उनको मनाना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट बनाना एक बहुत बहुत कहते ना टेढ़ी खीर, बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही हार्ड काम था। तो इसमें सीटों को डिवाइड कर दिया कि भाई ठीक है 93 सीट हम प्रिंसली स्टेट्स को देते हैं और बाकी सीट्स जो हैं वो हम ब्रिटिश इंडिया वाले एरिया को देंगे। और इसके लिए ब्रिटिश इंडिया की जो 296 सीटें थी, ठीक है, अब इसके लिए भी इन्होंने ये कहा, इन चीजों को तो छोड़ दीजिए, इन्होंने बेसिकली ये कहा कि ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ ग्रुप और ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। जितने भी हमारे ब्रिटिश कंट्रोल्ड वाले एरिया थे, जितने भी स्टेट्स थे और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उन सभी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, किसी को छोड़ा नहीं गया, किसी को साइडलाइन नहीं किया गया, इग्नोर नहीं किया गया, उनके लिए बस उनकी पॉपुलेशन को एक स्टैंडर्ड बना दिया कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन, जितनी कम पॉपुलेशन उतना कम रिप्रेजेंटेशन। तो पॉपुलेशन के बेसिस पर उनको यहां पर रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली सीटें जो है वो दी गई। रफली वन सीट वॉज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, तो हर 1 मिलियन पर एक सीट जो है रफली वहां पर दी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतने स्ट्रक्चर और इतना सारा हमारे पास फंक्शनरीज नहीं थे कि हम पूरी पॉपुलेशन को, जिस तरीके से आज सेंसस होता है तो उस टाइम भी हम सेंसस बहुत अच्छे से कंडक्ट करा पाते, तो एक रफली आइडिया के तौर पर लेते हुए 1 मिलियन पर 1 सीट हमने उस समय कर दी। अब आप कहोगे सर 1 मिलियन पर 1 सीट तो ओनली इतनी सीट, लेस देन 400 सीट। अभी क्लियर हो गया होगा मेरे को लगता है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा है ना टेक्निकल प्रॉब्लम मेरे साथ है यहाँ पर, तो थोड़ा 1 मिनट के लिए, विद इन 1 मिनट में वो रिजोल्व हो जाती है, तो भागना नहीं है, जाना नहीं है, स्टे करना है, रुकना है, ठीक है, क्योंकि हमें यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, तो हमें एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है, मैराथन दौड़ना है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, थोड़े मोटे हर्डल्स आते हैं, तो उसमें साइड में नहीं जाना है, बने रहना है, एंड तक बने रहना, बीच में नहीं जाना है, बीच बीच में थोड़े टाइम के लिए इस तरीके के टेक्निकल एरर्स जो हैं वो आते रहते हैं, तो चिंता नहीं करना। अब इसके बाद क्या होता है इसको समझते हैं। अब जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए प्रपोजल एक्सेप्ट तो कर दिया, कैबिनेट मिशन सेंड भी कर दिया, सीटें एलोकेट भी कर दी, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक स्ट्रॉन्ग असेंबली बने। वो हमेशा ये चाहते थे कि इंडिया की असेंबली ऐसी बने जिसमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, एक दूसरे के साथ भिड़ते रहें, क्योंकि उन्होंने देखा था हमारे इंडिया के अंदर सोसाइटी, जो हमारे इंडियन सोसाइटी, उसमें रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर कितने सारे सेपरेशंस थे ना, कितने सारे अलगाव, अलग अलग चीजें थी, और हम उनको लेकर के आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते भी थे, फाइट भी करते थे। तो वही कॉन्सेप्ट वो यहां पर भी लाने की कोशिश कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीट्स अलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, फर्स्ट इज मुस्लिम, सेकंड इज सिख एंड जनरल। जनरल मतलब सभी कम्युनिटीज, मुस्लिम और सिख्स को छोड़ करके ऑल, उसमें फिर एंग्लो इंडियंस भी आ गए, हिंदूज भी आ गए, बौद्ध, जो भी जितने भी इंडिया में कम्युनिटीज है सब। अब ऐसा क्यों किया, इसका रीजन ये था, बताया तो ये गया कि ठीक है हम इनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, मुस्लिम एंड सिख्स इनको हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ताकि ये भी अपने आप को यहां पर रिप्रेजेंट कर सकें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें और इंडिया के अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प कर सकें। लेकिन इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव यही था, उनको लगता था कि
हाँ, मुस्लिम्स आर सेपरेट कम्युनिटी, सिक्स आर सेपरेट कम्युनिटी, हिंदूज आर सेपरेट कम्युनिटीज, है ना, दे विल फाइट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दे विल नेवर बी एबल टू मेक ए स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। उनको लगता था, ब्रिटिशर्स को यही माइंडसेट था, वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उनको ये पता ही नहीं था कि भाई तुम कितना भी कर लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो ये इस चीज को नहीं समझ पाए कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ऑल आर ब्रदर सिस्टर्स, है ना, यूनिटी यही है। जब इंडिया की बात आती है, इंडियननेस की बात आती है, तो हम कोई कम्युनिटी, कोई रिलीजन, कोई कास्ट नहीं देखते, फिर उस टाइम हम इंडियंस हो जाते हैं। वो इस जो फीलिंग थी, इस इमोशन, वो इस इमोशन को भूल गए, उनको आइडिया नहीं था कि इंडिया के इमोशंस भी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इन्होंने सेपरेटली इनमें डिवाइड किया, उनको लगता था कि आपस में लड़ेंगे, लेकिन हम तो आपस में लड़े ही नहीं, क्योंकि इंडिया की बात थी, इंडिया की फ्रीडम की बात थी, सारे के सारे एक साथ ही रहते थे, स्ट्रॉन्गली यूनाइटेड होकर के सबने अच्छे से वर्क किया, है ना, सारे के सारे ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। अब वो उस टाइम की बात कर रहा हूं, अभी की मैं बात नहीं कर रहा, अभी आप सोचो कि अभी भी सर आप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बना दोगे, शादी किससे करेंगे, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहता बच्चों के दिमाग में, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, और स्कूल में पढ़ते टाइम फिर हम प्लेज करते हैं ना वहां पर जाकर के, और प्लेज करते हैं कि इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलना होता है, तो जो लड़के होते हैं वो जाकर के स्किप कर देते सिस्टर्स को, है ना, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड नन, ऐसी लड़कियां होती थी हमारे स्कूल में, तो वो करती थी, ऑल इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई नन एंड सिस्टर्स, है ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्लेज करते नहीं थे, हमें लगता था कि ये प्लेज कर ली तो भाई सारे लड़के लड़के भाई बहन हो जाएंगे, जो इसको पसंद करते हैं वो भी भाई बहन होगी, शादी किससे करेंगे, विवाह किससे करेंगे भाई, प्यार किससे करेंगे, बहने और भाई हो जाएंगे तुम, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट नहीं की बात नहीं कर, वो अलग कॉन्सेप्ट है, यहां का मतलब ये था कि हम ब्रदरहुड की फीलिंग थी, एक यूनाइट, एक साथ रहने की फीलिंग थी, ठीक है, इंडिया के लिए हम सब एक साथ हो जाएंगे, तो ये उस इमोशंस, जो ये इमोशन थे, इंडियन इमोशन थे, उसको वो नहीं समझ पाए ब्रिटिशर्स, तो ये हमारे लिए बेसिकली एक अच्छा ही रहा, सबको रिप्रेजेंटेशन भी मिला और हमने एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, इनमें हमने डिवाइड किया। अब एक और समझना है कि इसके लिए क्या हुआ, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव जो था, अगस्त ऑफर जो था ब्रिटिशर्स को, हमने जो डिमांड रखी थी ना 1940s में, जो अगस्त ऑफर की हम बात कर रहे थे, उसमें तो जवाहरलाल नेहरू की डिमांड थी कि हम अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, लेकिन इंडिया में पॉसिबल नहीं था उस समय कि सभी लोगों से वोट कराया जाए, कि पूरे इंडिया के लोग वोट करके फिर इनको इलेक्ट करें, तो उस चीज को कांग्रेस ने भी समझा, मुस्लिम लीग ने भी समझा कि भैया उस टाइम हमारी असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सेपरेट ऑल इंडिया लेवल पर इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, हो भी नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि इससे पहले हमारे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस था नहीं, तो इसलिए इसको एक अलग तरीके से हमने इसको सोल्व किया, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको समझिए, आपने 1909 का एक्ट देखा था, फिर उसके बाद 1919 का एक्ट आया, फिर 1935 का एक्ट आया। 1909 में हिंदू और मुस्लिम इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया, है ना, आपने देखा ना कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए गए थे। तो उसके बाद से ही इंडिया में जो लोकल लेवल पर जो थे, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी इंडिया में, उनमें जितना भी इलेक्शन होता था वो हर कम्युनिटी अपनी ही कम्युनिटी के लिए वोट करके इलेक्ट करती थी। 1919 में एक्सटेंड हुआ, 1935 में उसको और एक्सटेंड कर दिया गया, है ना, 1909 में केवल हिंदू मुस्लिम था, 1919 के एक्ट से एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन इंडियंस, सिख, इनको भी अलग कर दिया गया। 1935 में हिंदूज को भी अलग करने की ट्राई की गई थी, लेकिन उनको वहां पर रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया गया दलित्स के लिए, लेकिन विमेन वर्कर्स और उन के लिए अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिए गए। तो उसी बेस पर यहां पर भी किया गया कि भाई जितने सिख हैं वो सिख को इलेक्ट करके भेजेंगे, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम को इलेक्ट करके भेजेंगे, जो बाकी जनरल हैं वो जनरल कैंडिडेट को इलेक्ट करके भेजेंगे, अपनी अपनी प्रोविंशियल असेंबली से वो जो मेंबर थे वो इलेक्ट करेंगे, सभी लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिला, ठीक है, केवल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स थे
उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने वोट डाला। कॉमन पीपल, आम आदमी को वोट डालने का राइट नहीं मिला था और उस समय पॉसिबल भी नहीं था, यह चीज समझना है, ठीक है। जबकि जवाहरलाल नेहरू की डिमांड यही थी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, लेकिन उस समय वो पॉसिबल नहीं था। तो स्टेट जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स थे उन्होंने वोट डाला, उन्होंने इलेक्ट किया, ये हुआ। अब इसके बाद एक और चीज हुई कि प्रिंसली स्टेट्स थे, अब उन प्रिंसली स्टेट से कैसे लेकर के आएंगे भाई रिप्रेजेंटेशन, कैसे उनको मंगाएंगे। अब प्रिंसली स्टेट्स वाले तो इलेक्शन करवाएंगे, भाई आप राजा हो किसी जगह पर, मान लेते हैं आप राजा हो, आप किंग हो, ठीक है, या आप एक फैमिली हो, एक फैमिली में आप हेड ऑफ द फैमिली हो, फुल डिक्टेटर चलता, फुल रोब चलता है, मूछ पे ताव लेकर वैसे, अरे छोर तुन्नू बता, तन्ने म्हारी बात क्यों ना मानी, मैं तन्ने कहो थो हुक्का भर ला दे, हुक्का क्यों ना भर के लाया है, मतलब इस तरीके से डर जाते थे ना हमारे हेड ऑफ द फैमिली से, जैसे वो कहते हैं वही मानते थे हम, आप सभी लोग डर जाते थे कोई की ये क्या, अगर नहीं मानेंगे तो डांट। ऐसे ही राजा महाराज होते हैं, अगर तुम उनको कहो कि भाई तुम्हारे प्रिंसली स्टेट से हम इलेक्शन के थ्रू किसी को वहां पर भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो ये तो उनके प्राइड के लिए, उनके सम्मान के लिए बहुत खराब चीज होगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते इसको। आई एम किंग, Why I should follow your orders? है ना? क्यों फॉलो करें तुम्हारे ऑर्डर भाई, मैं तो राजा हूं क्यों मानूं? तो ये प्रॉब्लम था कि वहां से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते थे, तो उसका भी एक रास्ता, एक तरीका निकाला। और तरीका क्या निकला, वो ये निकला कि ठीक है भाई चलो इनके भी सेटिस्फाई कर देते हैं, इनके भी प्राइड को बनाए रखते हैं, हमने उनको क्या कहा कि तुम खुद इलेक्ट, तुम खुद नॉमिनेट करो, है ना, आपको ही पावर दे दी गई। जो प्रिंसली स्टेट्स के वो जो थे, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, यानी कि कहा कि भाई ठीक है आप ही नॉमिनेट करो, आपके में इलेक्शन नहीं कराएंगे, आप महाराज हो, यू आर हिज हाइनेस, व्हाई शुड वी मेक द प्रोविजन टू प्रोविजन ऑफ इलेक्शन फ्रॉम योर प्रिंसली स्टेट, यू आर द किंग, गो एंड नॉमिनेट, Use your power, है ना। तो उनको भी हमने सेटिस्फाई किया इस तरीके से कि ठीक है भाई तुम नॉमिनेट करो। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका नेचर ऐसा रहा कि वो ना तो कंप्लीटली इलेक्टेड थी और ना ही कंप्लीटली नॉमिनेटेड थी, वो बैलेंस था, उनका मिक्सर था, है ना, पार्शियली इलेक्टेड पार्शियली नॉमिनेटेड। इसीलिए कहा जाता है इट इज थस क्लियर दैट The Constituent Assembly was to be a partially elected and partially nominated body. और ये आपके लिए बहुत important है, ये वाली लाइन, ये आपका नोट्स में अंडरलाइन करके हुए बना लेना है, ठीक है, नोट्स में राइट डाउन कर देना है कि हमारी Constituent Assembly जो partially elected and partially nominated है। कई बार questions आ जाते हैं ना कि Indian Constituent Assembly is fully elected body, सब मैक्सिमम लोग लगते अरे हाँ इलेक्टेड ही थी, टिक लगाओ, करेक्ट करो, नो दैट इज रॉन्ग, गलत है वो, सही क्या पार्शियली, है ना, कुछ प्रिंसली स्टेट्स को हमने प्रोविजन किया कि ठीक है आप नॉमिनेट करो। तो ये हमारा एक प्रोविजन था। अब इसके बाद होता क्या है कि ये सारी चीज होगी, इसको आप स्किप कर दीजिए, इसका कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। इलेक्शन कैसे हुआ, इलेक्शन हुआ जुलाई अगस्त 1946 में, जो ब्रिटिश प्रोविंसियस थे ना उनमें इलेक्शन होना था, तो जुलाई अगस्त में वहां पर इलेक्शन हुए, ठीक। द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट्स अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946, ये हुए। ये मामला तो ठीक ठाक निपट गया क्योंकि ये तो इलेक्शन का था, लेकिन मामला आ गया प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर। अब प्रिंसली स्टेट्स को ये अलग से प्रोविजन कर दिया था कि यू कैन नॉमिनेट योर रिप्रेजेंटेटिव फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट राजा तो राजा होते हैं, किंग तो किंग होते हैं, वो थोड़ी सुनेंगे किसी की, वो इंडिया के अंडर में वर्क थोड़ी करेंगे, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर में वर्क थोड़ी करना चाहेंगे। इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई, दैट इज एंड ऑफ मोनार्की, है ना, व्हेन देयर इज डेमोक्रेसी
एंड ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, देन देयर इज नो चांस फॉर द मोनार्की. राजतंत्र की व्यवस्था रहती नहीं, डेमोक्रेसी तो राजाओं को एक्सेप्ट नहीं करती. और प्रिंसली स्टेट के जो वहां के हेड्स थे, जो राजा नवाब महाराजा होते थे, वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट रहे, उनकी जो पावर है वो रहे, वो अपने अकॉर्डिंग करे. सुपर पावर होते थे और कुछ ज्यादा ही ऐसो आराम की जिंदगी की, लग्जीरियस लाइफ की उनको वो थी, रिस्ट्रिक्शंस उनको पसंद थे नहीं. तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बोल के ना हम नहीं आ रहे भाई, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे ही नहीं, हम नहीं नॉमिनेट करेंगे. वी डोंट वॉन्ट टू नॉमिनेट एनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आवर प्रिंसली स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्यों? क्योंकि वी वॉन्ट अवर फ्रीडम, वी वॉन्ट अवर पावर. आजाद रहने हैं, आजाद नहीं रहेंगे तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, है ना. जो राजा महाराजा इतने सारे घूमते थे, है ना, 10-10 रानियां, 50-50 रानियां, 20-20 रानी, जो भी पसंद आ गया, मेरी रानी बनोगी, है ना, बन जा तू मेरा राजा, है ना, इस तरीके से गाना होता है. आज हम गाना गाते, उस टाइम बना लेते थे, कोई भी रास्ते में चलता हुआ कोई लड़की जा रही पसंद आई, आज से ये मेरी रानी, है ना. कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई रास्ते में जा रहे, आज से ये प्रॉपर्टी मेरी. कोई घोड़ा रास्ते में कहीं पर जा रहा है और राजा ने देख लिया पसंद आ गया, आज से ये हॉर्स मेरा. बेसिकली कहने का मतलब, कुछ भी करने की फ्रीडम अपनी मर्जी से, वो फ्रीडम नहीं रहती अगर डेमोक्रेसी में आ जाते. तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. उन्होंने क्या किया, हाउएवर द 93 सीट्स अलोटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. वो उसमें आए ही नहीं, ठीक है, अलग रहे, सेपरेट रहने का उन्होंने डिसीजन लिया. ये चीज रहा. अब इसके बाद इनिशियली ध्यान रखना, इनिशियली प्रिंसली स्टेट्स नहीं थे, लेकिन बाद में आ गए थे, क्योंकि बाद में उनके सामने कोई चॉइस बची नहीं. अब आप में से कोई भी दोस्त अगर उनको ऐसे लगता हो कि भाई प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं, उनसे कोई आया ही नहीं, तो ऐसा नहीं है. बाद में वो सभी लोग आ गए थे वहां, ठीक है. बाद में कब आए वो मैं समझाऊंगा, उसका भी रीजन था, उनके पास कोई चॉइस नहीं बची थी इसलिए आए. स्टार्टिंग में थोड़ा सा उन्होंने नखरा किया, नखरा करते नखरा तो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें इलेक्शंस होते हैं, प्रिंसली स्टेट उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं. तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस 12808 सीट्स, द मुस्लिम लीग 73 सीट्स एंड स्मॉल ग्रुप्स और जो बाकी इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे उन्होंने 15 सीट्स जीते. तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिली, मुस्लिम लीग को कम मिली, और बाकी जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे उनको और भी कम सीट्स मिली. ये इंडिया में रहा. तो ये नया पहला हमारा इलेक्शन हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई. अब उसके बाद ये भी ध्यान रखना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या मेरी आवाज आ रही है, मैं विजिबल हूं आप सभी को, हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? अरे मेरी पिक्चर नहीं आ रही ना, मेरी पिक्चर गायब होगी शायद, फोटो मेरी स्टक हो गई. हाँ, केवल आवाज आवाज आ रही थी, फोटो गायब हो गई थी, वीडियो विजिबल नहीं था, तो वहां पर चले गए. ठीक है ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे. अभी हुआ क्या कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपने देखा कि कंप्लीटली इंडियंस ने, सभी इंडियंस ने, All citizens of India, उन्होंने तो इलेक्ट किया नहीं, लेकिन उसके बावजूद इंस्टेड ऑफ दैट इंडिया में सभी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिला. ये एक बहुत खासकर अच्छी विशेषता थी. ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, द असेंबली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, दैट इज हिंदूज, मुस्लिम, सिख, Parsis, Anglo-Indians, Indian Christians, SC/STs, including women of all these sections. यानी कि हमने डायरेक्टली इलेक्शन नहीं किया, उसके बावजूद भी हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी,
सब लोगों में कि सभी कम्युनिटीज को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिला। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ को कम मिला, कुछ को ज्यादा मिला, लेकिन उसका रीजन ये था कि पॉपुलेशन इतनी थी। अब आपकी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, अब आपकी पॉपुलेशन ओनली 100 होगी तो आपको कम रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, सीधी सी बात है। पॉपुलेशन के बेस पर ही रिप्रेजेंटेशन रखोगे, इक्वल तो दे नहीं सकते कि भाई एक की पॉपुलेशन 100 है, एक की 1 मिलियन है, एक की 10 मिलियन है, हर किसी को हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दे तो वो तो इनजस्टिस हो जाता। तो ये भी एक कोई नहीं, वो थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती रहती हैं यहाँ पर, इंटरनेट की समस्या है मेरे साथ, ठीक है। आ जाओ सभी लाइव आ जाओ, लाइव क्लास चल रही है। तो इंडिया में हमने क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन सबको मिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हर सेक्शन को यहां पर रिप्रेजेंटेशन मिला, इवन वीमेन्स भी हर सेक्शन की वहां पर थी। अब इसमें उस टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, कोई भी बड़ा लीडर, चाहे वो सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो, बी आर अंबेडकर हो, जितने भी जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, सब वहां पर इलेक्ट होकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ गए। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, एक बहुत बड़ा सरप्राइज कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महात्मा गांधी नहीं थे, ठीक है। द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। बहुत बड़ा सरप्राइज, एकता कपूर वाला सीरियल अगर इस टाइम होता, सोचो कि एकता कपूर उस टाइम होती और वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन देख रही होती और उसको पता चला महात्मा गांधी नहीं है और वो उसके ऊपर सीरियल बना रही है, फिर इस तरीके से 3 टाइम उसकी आवाज आती, क्या 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 है ना, वाई वाई वाई, 3 बार ऐसे करते ना हर चीज को ड्रामेटाइज करते हुए, तो सबके दिमाग में आगे क्यों भाई, महात्मा फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं, आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो इधर नहीं आए। उसका रीजन था, उसका रीजन ये नहीं था कि बाकी लोगों ने उनको इलेक्ट नहीं किया, ऐसे किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि वो महात्मा गांधी को इग्नोर कर देते। महात्मा गांधी ने खुद अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं बनाए, वो अपनी ही मर्जी से उन्होंने किया कि ना मैं नहीं बनना चाहता। रीजन था, समझिए, महात्मा गांधी की फिलोसफी एक अलग साइड से चलती थी, वो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते थे। महात्मा गांधी जो है ना, इनका सीधा सा फंडा था, डेमोक्रेसी चाहते थे, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी वो किस लिए बनाई गई थी, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए थी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि वहां पर आप अपने, अरे यार मैं फिर से स्टक हो गया, चलिए इसको देखते हैं। देख क्या हुआ, महात्मा गांधी क्या चाहते थे, वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को पसंद करते थे, लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट पर थी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब कि भाई आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, वो पार्लियामेंट में जाएगा और वो आपके बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग का काम करेगा। महात्मा गांधी कहते थे कि नो दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द इंडियंस, वी हैव to give power to Indian citizens only. Each and every citizen should have equal
पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, ये उनका एक कॉन्सेप्ट था। तो पंचायती राज जिसको हम बोलते हैं ना लोकल लेवल पर रूरल, उसको बेस पर इंडिया में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। वो कहते थे कि भाई वी डू नॉट नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें ग्रास रूट डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट है। उनको उनका कहना था कि भारत जो है गांवों का देश है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस, सो हमें विलेज के डेवलपमेंट पर फोकस करना पड़ेगा, वी शुड फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ विलेज, सो वी हैव टू गिव द पावर टू कॉमन पीपल्स, है ना, इक्वल पावर, वो ये चाहते थे। बाकी लोग इसके लिए रेडी हुए नहीं। कॉन्सेप्ट अच्छा था महात्मा गांधी का, ऐसा नहीं था खराब था, अच्छा कॉन्सेप्ट था, देना चाह रहे थे। लेकिन एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना और उस सिचुएशन में उसको एग्जीक्यूट करना, इसमें बड़ा डिफरेंस होता है। एग्जीक्यूशन के लिए भी तो सिचुएशंस होनी चाहिए, फंड्स होना चाहिए, फंक्शनरीज होनी चाहिए, एक आपके पास सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं था। मैक्सिमम कांग्रेस की जो भी जितने भी लीडर्स थे वो महात्मा गांधी की किसी भी एडवाइस को इग्नोर नहीं करते थे, कर ही नहीं सकते थे। लेकिन इस मामले में महात्मा गांधी का जो इनके जो एडवाइस थी ग्रास रूट डेमोक्रेसी की, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसका रीजन ये था कि इंडिया के पास उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं था इलेक्शंस का, कैसे इलेक्शन कराते भाई। एक तो आजाद नहीं हुए, पहली बात तो हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, 1946 की बात है, ब्रिटिशर्स थे, इलेक्शंस का कोई इस तरीके से था कि इससे पहले सभी इंडियंस को वोटिंग के राइट भी नहीं थे, तो आप इतने बड़े लेवल पर कैसे इलेक्शन कराते, और वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। इतना पैसा, इतना फंडिंग कहां से लेकर के आते कि मेंबर्स जाकर के अपने आप को वहां पर सबके सामने अपना कैंपेनिंग करते कि आई वांट टू बी ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्लीज वोट फॉर मी। इतना टाइम, इतनी मनी कहां से लाते, क्योंकि उस टाइम का, उस समय तो जो उनका टाइम था लीडर्स का, जो पैसा था वो तो अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर भेजने के लिए था, यूज करना था। तो वो मतलब बिहेवियरली अगर हम देखें ना, व्यवहारिक तौर पर देखें तो वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता था महात्मा गांधी का जो ये प्लान था ना ग्रास रूट डेमोक्रेसी का। इसलिए बाकी सभी ने, जवाहरलाल नेहरू और बाकी जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट किया, क्योंकि हम काफी टाइम से ब्रिटिश के अंडर थे और ब्रिटिश में जो क्या था, किस तरीके का सिस्टम था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वहां पर संसदीय लोकतंत्र था, और उन्हीं को ही हमने इतने टाइम से सीखा भी, इतने सारे एक्ट्स आए, इतने सारे टाइम टू टाइम टाइमली जो नंबर्स ऑफ एक्ट जो हमने देखे, तो हमें जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का था, तो हमारे लिए ईजी था वो चीज को अडोप्ट करना, तो हमने अडोप्ट किया। महात्मा गांधी बोले ठीक है भाई मैं नहीं बनूंगा, है ना, तो मेरी बात ही नहीं मान नहीं है, ठीक है चलिए ये हुआ। तो महात्मा गांधी उसमें नहीं थे, उसका रीजन ये था कि वो नहीं बनना चाहते थे, इस का हिस्सा नहीं आना चाह रहे थे। अब संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली थी उसको देख लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन डिसंबर 9, 1946। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कर लीजिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा आता है एमसीक्यूज में, ठीक, एमसीक्यूज के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई विद डेट, तो आपको याद होना चाहिए 9th दिसंबर 1946। दैट मीन हमारी संविधान सभा की फर्स्ट जो मीटिंग थी वो बिफोर इंडिपेंडेंस हो गई थी, आजादी से पहले, ठीक है। तो इसको पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इसके बाद उसमें आपको ये पॉइंट्स, की पॉइंट्स जो है यहां पर आएंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। द मुस्लिम लीग बायकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब ये तो होना ही था, क्योंकि वो तो पहले से ही चाहते थे कि भाई ठीक है हम अपना अलग, कैबिनेट मिशन जो आया उस कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग इलेक्शन हो गए थे, उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग को सीट्स भी 70 प्लस सीट्स भी मिल गई थी, उस समय तक ठीक थी, रेडी थी। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति होते थे माउंटबेटन, ठीक है, और भी ब्रिटिशर्स के कई सारे लोग होते थे, उन्होंने देखा कि यार हमने इतनी कोशिश की कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अच्छे से वर्क ना कर पाए, इलेक्ट ही ना हो पाए, आपस में ही डिस्प्यूट होते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शंस हो गए और अच्छे से हो गए और सब लोग खुश भी हैं,
तो उन्होंने पीछे पीछे से जो मुस्लिम लीग की एक हिडन जो उनका एक उनकी दबी हुई जो इच्छा थी पाकिस्तान 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 अलग से डिमांड कर रहे थे, तो उसको उन्होंने पीछे से आग लगाना शुरू किया, है ना, जैसे माचिस लगाते ना कहीं बारूद का ढेर रखा है और बारूद में बस टक आग लगाना होता है माचिस की तिल्ली। आजकल आप लोग तो लाइटर यूज करते हो, सीधा लाइटर से आग लगाते हो, पहले माचिस से लगती थी। तो वो काम वो कर रहे थे, तो उन्होंने कभी भी मुस्लिम लीग को चुपचाप बैठने नहीं दिया, उन्होंने समझाते रहे डिमांड, है ना, डिमांड करो पीछे पीछे। ऑफिशियली वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन रियलिटी में यही होता था। ब्रिटिशर्स इस तरीके से काम करते थे, डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसी थी, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहां पर भी चला रहे थे। वो चाहते थे कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम ही ना करे, आपस में लड़ते रहे। तो जब फर्स्ट सिटिंग हुई तो फर्स्ट सिटिंग में मुस्लिम लीग ने उसको कंप्लीटली बायकॉट कर दिया, बोले कि ना हम नहीं आएंगे भाई, हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए, अलग, वी वांट अवर अलग पाकिस्तान, ये इस तरीके से कहते थे। तो उन्होंने इस मीटिंग को बायकॉट किया। अब उसके बाद केवल 211 मेंबर्स जो थे उन्होंने इसको अटेंड किया पहली मीटिंग में, सारे मेंबर्स नहीं थे, ठीक है, मुस्लिम लीग बायकॉटेड हो गई थी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो यहां से क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है, वो ये कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वॉज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। अब बनने के बाद पहले ही दिन, फर्स्ट डे डायरेक्ट वर्क करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आप ऑफिशियली कंडक्ट कराने के लिए आपको एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं ना पीठासीन अधिकारी। तो हमारे पास तो था नहीं, कौन कंडक्ट कराता, कौन इनिशियली उसको हैंडल करता। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो डिसाइड किया गया कि हमारी पार्लियामेंट, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से कॉन्सेप्ट निकलने वाला है, जो अभी का कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाऊंगा कि यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकला। तो सभी मेंबर्स ने डिसाइड किया कि यार जैसे फ्रांस में होता है वैसे हम भी करते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसको हम फिलहाल टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना देते हैं, और जब परमानेंट प्रेसिडेंट आएगा उसका इलेक्शन होगा उसके बाद वो हट जाएंगे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो टेम्परेरी थे, परमानेंट नहीं थे, ठीक है। अब इसमें समझना, यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकला, यहां से कॉन्सेप्ट निकला प्रोटेम स्पीकर का। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर का नाम सुना है आपने कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? आपको पता है इंडिया में जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के बाद लोकसभा वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, गठित की जाती है, सारे मेंबर्स लोकसभा में जाते हैं, और लोकसभा की का जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, उसको हम स्पीकर बोलते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, स्पीकर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और जो बाकी जो उनके नीचे की हायरार्की में आते हैं, वो जब कोई एक नहीं होता तो दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं होता तो तीसरा आ जाता है, इस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली उसका हेड जो है वो स्पीकर होता है। लेकिन ध्यान में रखिए कि स्पीकर इज ए इलेक्टेड पोस्ट, इलेक्टेड होता है। अब स्पीकर का इलेक्शन करवाएगा कौन, फर्स्ट सिटिंग की बैठक कौन करेगा, उसको मैनेज कौन करेगा, ओथ कौन दिलवाएगा, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इंडिया में जब भी लोकसभा के लिए या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन होते हैं और नए मेंबर्स लोकसभा में जाते हैं, तो पहली सिटिंग उनकी जो होती है उस टाइम स्पीकर नहीं होता है, क्योंकि स्पीकर को इलेक्ट करना पड़ता है। मेंबर्स आपस में अपने खुद में से किसी को इलेक्ट करते हैं वोट डाल करके स्पीकर की पोस्ट के लिए। तो उस वोटिंग की, उस इलेक्शन को कौन कंडक्ट कराएगा, जितने भी मेंबर्स उनकी ओथ सेरेमनी, उनके ओथ कौन दिलवाएगा, क्योंकि विदाउट टेकिंग ओथ तो आप लोकसभा के मेंबर नहीं कहलाएंगे। तो उसके लिए प्रेसिडेंट क्या करता है कि जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा के, उनमें जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसको वो प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर देता है। प्रोटेम स्पीकर अस्थाई अध्यक्ष बोलते हैं। और वो प्रोटेम स्पीकर फिर क्या कराता है, जितने भी लोकसभा के एमपीज हैं उनको ओथ दिलवाएगा, स्पीकर का इलेक्शन होगा, उसको कंडक्ट करेगा। ये बेसिकली दो काम वो करता है। तो प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने रियलिस्टिकली, वास्तविकता में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी एग्जीक्यूट कर दिया था।
हालांकि उस समय हमें आइडिया नहीं था, लेकिन वो हो गया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो उस समय एक्टिंग या टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, वहां से वो कॉन्सेप्ट आज के टाइम में आपको प्रोटेम स्पीकर के साथ आप जोड़ करके देख सकते हैं। ये मैं समझाऊंगा आपको जब मैं पार्लियामेंट वाले चैप्टर पर आएंगे ना, चैप्टर नंबर शायद 20 या 21 में है पार्लियामेंट इंडिया का, तो उसमें मैं प्रोटेम स्पीकर को भी बड़े डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर बस मैंने सिर्फ आपको एक कनेक्ट करके दिखाया, एक कनेक्शन बताया कि किस तरीके से चीजों को हम कनेक्ट कर सकते हैं यहां से, कि ये बताना जरूरी क्यों था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, ये चीजें जानना जरूरी था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चंस जो है पूछ लिया जाता है, तो इसको वो कर लेना है। अब अगले पर चलते हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन होने थे परमानेंट स्पीकर के लिए, ठीक है, जो टेम्परेरी स्पीकर थे वो तो अपॉइंटेड थे, इलेक्टेड नहीं थे, तो उनको तो थोड़े टाइम के लिए अपॉइंट किया गया, सीनियर मोस्ट थे क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा। फिर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इंडिया के परमानेंट हेड जो है, प्रेसिडेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो बन जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर देना, ये भी आपके नोट्स के अंदर होना चाहिए कि फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिकॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज नॉट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ही इज नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट हु हैव टू वर्क फॉर सम वाइज सम टाइम, है ना, बिफोर द इलेक्टेड प्रेसिडेंट कैन या विल, मेरी ग्रामर थोड़ी खराब है, विल टेक ओवर, इस तरीके से होते हैं, इंग्लिश की ग्रामर में लोचा है थोड़ा सा, तो मैं कई बार नहीं आ पाता, लेकिन कोशिश करते बोलने की। तो ये होते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले हमारे स्थायी अध्यक्ष थे, पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये हुआ। अब इसके साथ साथ हमने एक और, हमारे जो जिसको बोलते हैं ना वाइस प्रेसिडेंट, अगर आप बात करें तो दो लोगों को सिमिलरली, बोथ एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णमाचारी वर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, ठीक। तो वी टी कृष्णमाचारी और एच सी मुखर्जी, इन दो को हमने उपाध्यक्ष, ठीक है, या वाइस प्रेसिडेंट इनको हमने बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो उपाध्यक्ष थे, यह चीज ध्यान रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अभी आप देखते हैं कभी भी, जैसे हमारा लोकसभा हुआ या राज्यसभा हुआ, तो जो डिप्टी स्पीकर होगा उपाध्यक्ष होता है, या वाइस चेयरमैन, तो जिसको एक एक ही पोस्ट होती है, वो यहां पर दो थी, दो को रखा गया था, ठीक है, एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी, उन दोनों को यहां पर हमने उपाध्यक्ष बनाया। अब इसके मतलब दो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब पहली सिटिंग हो गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए, सारा काम छोटा मोटा जो निपटाना था वो निपटा लिया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो होता है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। और उस दिन क्या किया जाता है, उस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। ऑन दिसंबर 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इन द असेंबली। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है उसको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले बस आपको ये जान लेना है, फर्स्ट सिटिंग 9th दिसंबर 1946 को हुई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13th दिसंबर 1946 को लाया गया, किसने प्रेजेंट किया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया। ये तीन की पॉइंट्स है जहां से एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो आपको वो नोट डाउन कर लेना है। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए पहले एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क बनाते हैं, है ना, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली गए और एग्जीक्यूट करना चला गए। फॉर एग्जाम्पल आपको आईएएस बनना है, आपको यूपीएससी क्लियर करना है, सिविल सर्वेंट बनना है, तो उसके लिए आप एक फ्रेमवर्क रेडी करेंगे ना कि फर्स्ट पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, है ना, फिर उसके बाद इकोनॉमी,
इंडियन सोसाइटी, एथिक्स, ये चीज़ें पढ़ेंगे, इनके लिए मैं फिर क्लासेस भी करूँगी या करूँगा, फिर उसके बाद मैं नोट्स भी बनाऊँगा या बनाऊँगी, है ना, आई हैव टू मेक नोट्स ऑल्सो। इस तरीके से एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और उस स्ट्रेटेजी, उस फ्रेमवर्क के बेस पर तैयारी करके फिर आप एग्जाम पास करते हैं। ऐसा डायरेक्ट तो है नहीं ना कि गए और जा करके सीधा यूपीएससी की एग्जाम की डेट डिक्लेयर हुई और जा करके बैठ गए एग्जाम में कि ये लो भाई आ गए एग्जाम में, शहंशाह महाराजा, है ना, चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, बिना पढ़े ही सब कुछ कर देंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इंडिया में भी क्या था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, क्या क्या चीजें हम उसमें चाहते हैं, किस तरीके की उसमें राइट्स होंगे, किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या बेसिक बेसिक चीजें हैं वो हमें चाहिए, उन सब चीजों का एक हमने छोटा सा एक फ्रेमवर्क रेडी किया। उसी फ्रेमवर्क को हमने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में प्रेजेंट किया कि देखो भाई हमारा आइडिया है कि इंडिया में राइट टू इक्वेलिटी हो, इंडिया में सोशल जस्टिस हो। इन्होंने ये फ्रेमवर्क बना दिया। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो बाकी के लोग थे उनका ये वर्क था, खास करके ड्राफ्टिंग कमेटी का, कि वो डिसाइड करें कि अब ये सोशल जस्टिस कैसे आए। सोशल जस्टिस चाहते तो, लेकिन उसके लिए क्या प्रोविजन होगा, इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी हमारे पास है, हम चाहते हैं, लेकिन राइट टू इक्वेलिटी के लिए हम किस किस तरीके से प्रोविजन बनाएं, कैसे अनटचेबिलिटी के लिए करें, कैसे अवार्ड्स को हम अबोलिश करें, कैसे हम गवर्नमेंट सेक्टर में इक्वेलिटी लाएं, वो सब चीजें बाद की बात थी, लेकिन एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क तो बना दिया। तो वो मोटा फ्रेमवर्क, एक जो जिसको हम बोलते हैं इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स या फिलोसफी, उसको हमने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में प्रेजेंट किया। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना कि 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया। इसके मेन मेन की फीचर्स जो थे उसको समझ लेना, और उस की फीचर्स को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां से ही हमने मैक्सिमम चीजों को अडॉप्ट कर लिया, उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सोल्व रिजोल्व टू proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution। ठीक है, यानी कि इन्होंने भारत की जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा को इन्होंने इंडिपेंडेंट, सोवरन, रिपब्लिक, स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य ये घोषित किया। क्लियरली ये बता दिया कि ये बॉडी जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो किसी की नहीं सुनती, कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं है, अपने डिसीजन खुद बनाती है, अपने आप से लेगी, और ये गणतंत्र के तहत चलेगी, जिसमें लोगों का तंत्र, गणतंत्र मतलब जनता का तंत्र, लोगों का तंत्र, राइट्स जो हैं, पावर जो वो पीपल्स के पास रहेंगे, उस चीज को दिखाया। ये चीज जब पढ़ते हैं तो आपको एक चीज याद आती होगी, हमारी प्रीएम्बल, हमारी उद्देशिका, उसमें इस तरीके के वर्ड्स आप देखते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रीएम्बल वो किससे बनी, कहां से बनाई गई, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही बनाई गई, जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये एक इसमें वो रखा। दूसरा, इसमें ये भी बोला गया कि where in the territories that now comprise British India, the territories that now form the Indian states and such other parts of India as are outside India and the states as well as their territories are as are willing to be constituted into the independent sovereign India shall be a union of them all। तो इन्होंने ये भी कहा कि British India के जितने भी area हैं, जितनी भी territories हैं, या India के जो states हैं, ये भारत के बाहर के भी कोई स्टेट्स है, कोई एरिया है, कोई टेरिटरी है, वो अगर सब इंडिया में इंक्लूड होना चाहता है, उन सबको हम इंडियन यूनियन का हिस्सा हम बनाएंगे। तो एक एक बेसिक आइडिया ये बना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है वो यूनियन के ऊपर रहेगा, फेडरल स्ट्रक्चर, जिस हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते ना, फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, तो फेडरलिज्म में क्या होता है, स्टेट्स अलग ना, सेंटर अलग, तो दोनों के अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं, दोनों के पास अलग अलग पावर्स होती हैं। ठीक है, तो वो फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ हमने एक यहां पर कदम उठाया, ये भी हमने कहा। इसको आप स्किप कर सकते हैं, आपके लिए काम का नहीं है, ठीक है, एग्जाम में नहीं है,
और इसको भी आप स्किप कर सकते हैं कंप्लीटली, ये भी आपके लिए यूजफुल नहीं है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर की है वो वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पर मैं इंपॉर्टेंट आपको मार्क करवा रहा हूँ, और जो बाकी मैं स्किप करा दे रहा हूँ वो रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेवेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन काम नहीं है, ठीक है, नोट्स में भी काम नहीं आएगा, तो आप स्किप कर सकते हैं इनको। तो ये चीजें मैं जो स्किप करा रहा हूं आपके काम का नहीं है वो, ठीक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या कहेगा, वेयर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरन इंडिपेंडेंट इंडिया इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। इन्होंने क्लियरली ये बोल दिया कि जब हम आजाद होंगे तो आजाद इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, तो उसके लिए जितनी भी पावर्स जो मिलेगी सरकार को, गवर्नमेंट को, ठीक है, जो अथॉरिटी मिलेगी वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उनके पास नहीं आएगी, बल्कि उनका सोर्स जो है वो इंडिया के लोग रहेंगे, इंडिया के पीपल रहेंगे, भारत की जनता रहेगी। इसका मतलब क्लियरली उन्होंने ये बता दिया कि राइट टू इलेक्ट, राइट टू मेक गवर्नमेंट, ये पावर इंडिया के सिटीजन्स के पास होने वाली है। दैट मीन उसका मतलब इसी को बेस बनाते हुए हमने क्या किया, अडल्ट फ्रेंचाइजी यूज की, है ना, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। उस टाइम 21 इयर्स की एज होती थी स्टार्टिंग में, 21 इयर्स, अगर आप 21 साल के हैं तो आप वोट डाल सकते हैं। बाद में इसको 1980s के एंड में आकर के इसको 18 इयर्स कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। तो ये यहां से आया कि पावर जो है वो इंडियंस की जनता के पास होगी, लोगों के पास होगी, कोई भी सरकार वैसे नहीं आई। ऐसा प्रोविजन क्यों किया गया, इसका रीजन था, इसका रीजन ये था कि हमने इससे पहले ब्रिटिशर्स का रूल देखा, और ब्रिटिशर्स के रूल में हमने ये महसूस किया कि लोगों के पास पावर नहीं है, पावरलेस है, और लोगों के पास पावर नहीं है तो उनकी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं होती, उनकी प्रॉब्लम्स सोल्व नहीं होती, उनको राइट्स प्रोवाइड नहीं होते, है ना, वो ह्यूमन एक इनह्यूमन लाइफ के लिए वो बाध्य हो गए हैं, है ना, उनको फोर्स किया गया इनह्यूमन लाइफ स्पेंड करने के लिए, जीने के लिए। तो वो सारी चीजें दूर करनी थी, इन्हीं के अगेंस्ट तो हमने रिवोल्ट किया था, इसी के अगेंस्ट तो हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट डिमांड करते थे, उनको भगाना चाहते थे, क्योंकि वो उस तरीके का क्रूअल उनका सिस्टम था। तो हम उस चीज से समझते हुए हम इंडिया के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे जिसमें सभी लोगों को राइट्स मिले, इक्वल राइट्स मिले, और पावर का सोर्स जो है वो कोई गवर्नमेंट या कोई एक पर्सन के पास ना रहे। क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट या एक पर्सन के को हम पावर दे देंगे, सोच लेते उस टाइम तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट वही थी, उसके अलावा तो कोई किसी को जानते ही नहीं था। सपोज उस टाइम की अगर ये प्रोविजन कर दिया जाता कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ही परमानेंट इंडिया की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को टेक केयर करेगी, ठीक है, ये लीडर लोग यही आपस में एक दूसरे को इलेक्ट करेंगे, यही एक, तो कितना खतरनाक हो जाता, डिक्टेटरशिप हो जाती, है ना। तो वो उस डिक्टेटरशिप वाली या जो पॉलिटिकल अनरेस्ट जैसी सिचुएशन ना आए, लोगों के पास राइट्स हो, तो इसलिए हमने सीधा क्लियर कर दिया कि पावर जो है वो पीपल्स के पास रहेगी, जनता के पास रहेगी। अब पावर इनके पास क्या होती है, यही है इलेक्ट करने की, वोट डालने की, वो मेन पावर यहां पर आई। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये क्लियर कर दिया, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बड़े क्लियर डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन की, बनाया कि लोगों के पास पावर कैसे होगी, जनता के पास पावर कैसे होगी, पावर का सोर्स वो कैसे रहेंगे। तो इसके लिए हमने 5 ईयर प्लान बनाया कि 5 ईयर में इलेक्शन होंगे परमानेंट, है ना, रेगुलर होंगे, जो भी जनरल इलेक्शन है 5 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होंगे, कोई भी गवर्नमेंट 10 ईयर 20 ईयर 15 ईयर्स तक विदाउट इलेक्शन वर्क नहीं करेगी, है ना। इसका रीजन क्या रहा, ये इसलिए भी किया गया ताकि जो भी गवर्नमेंट आए वो हिटलर टाइप से अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट ना हो जाए, बहुत ज्यादा डिक्टेटर टाइप की गवर्नमेंट ना हो जाए, वो बार बार लोगों के लिए काम कर ले, है ना, पीपल ऑफ इंडिया, उनके लिए वर्क करे। उनके लिए वर्क कब करेगी, जब वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और टुवर्ड्स इंडियन पीपल्स, उनके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल कैसे होगी, जब उनको इलेक्ट करने का, उनको पावर में आने का जो अधिकार है वो लोगों से मिले, है ना। अगर लोग वोट नहीं देंगे, इलेक्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट नहीं बनेगी, लोग इलेक्ट करेंगे वोट देंगे तो गवर्नमेंट बनेगी, दैट मीन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंडियन पीपल्स। तो उनको इनके लिए वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते इंडियन पीपल को, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो अगली बार वो वोट नहीं देंगे तो इलेक्ट नहीं होगी। तो मेन पावर सोर्स जो है इंडियंस के पास, इंडिया के पीपल्स के पास, इन्होंने किया।
अब इसके साथ साथ इन्होंने और भी चीज कही कि वेयर इन साल बी ग्रांटेड एंड सिक्योर्ड टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस। ठीक है, अब जस्टिस के लिए बात करते हैं, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वेलिटी, ठीक है, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप वोकेशन एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली यहां पर हमने तीन चीजों की बात कर दी, एक इक्वेलिटी की, एक जस्टिस की, एक फ्रीडम की, ये हमने बात कर ली। तो ये तीनों चीजें और एक ब्रदरहुड की भी बात आ गई। हम जब प्रीएम्बल हमारी देखते हैं तो हमारी प्रीएम्बल में ये सारे वर्ड आपको मिलते हैं, हालांकि थोड़े मॉडिफाइड स्ट्रक्चर में मिलते हैं, एज इट इज नहीं मिलता, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो मेन फीचर था उसी से ही तो फिर हमने प्रीएम्बल बनाई। तो हमारी प्रीएम्बल में भी हमने इस तरीके से फ्रीडम देखते हैं, जस्टिस देखते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ इक्वेलिटी वो भी लिखा रहता है। तो यहां से वो चीजें आई, वेर इन एडिक्वेट सेफ गार्ड साल बी प्रोवाइडेड फॉर द माइनॉरिटीज बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड देयर बैकवर्ड क्लासेस। रिजर्वेशन का प्रोविजन जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अडोप्ट किया, आप रिजर्वेशन देखेंगे इंडिया के अंदर तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, इन दोनों आर्टिकल्स में आपको रिजर्वेशन का प्रोविजन मिलेगा। आर्टिकल 15 में जो कॉमन प्लेसेस हैं, जो सामान्य जन साधारण वाली जगह हैं, वहां पर आपको एंट्री रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, मंदिर हुआ या कोई भी जो कॉमन जगह है। आर्टिकल 16 गवर्नमेंट जॉब्स, वहां पर आपको कास्ट रिलीजन जेंडर उसके बेस पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये प्रोविजन भी हमने अडॉप्ट किया। तो उसके लिए मेन फ्रेमवर्क कहां से आया, यहीं से आया है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, इधर से ही दिया। तो रिजर्वेशन का प्रोविजन जो हम बाद में बनाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यहीं से ही आता है, इसी के, इन सबको सेफ गार्ड करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, ठीक है, इनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए फिर हमने रिजर्वेशन का प्रोविजन किया। और रिजर्वेशन का प्रोविजन दो टाइप से हुआ। एक रिजर्वेशन का प्रोविजन क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं जैसे स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में आर्टिकल 15 के लिए हो गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आर्टिकल 16 में हो गया। लेकिन हम जब इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शंस की बात करते हैं, यानी कि हम लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, उनमें इलेक्शंस में भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटें रिजर्व की गई, लोकसभा के लिए भी और अलग अलग स्टेट असेंबलीज के लिए भी। तो ये बाद में की हमने, लेकिन उसके लिए फ्रेमवर्क कहां से रेडी हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। एक बेसिक आइडिया आपको बता रहे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कि यहां से हर ईयर एवरी ईयर क्वेश्चन आता ही आता है, पूछा ही जाता है। रीजन ये है क्योंकि मैक्सिमम प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही बेस बना करके बनाए गए हैं, ठीक है। वो एक पूरे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा फ्रेमवर्क आपके सामने रेडी करके रख देता था, ये था। सेम बाकी की सारी चीजें वही हैं कि सुरक्षा प्रदान की जाएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, है ना, ये अगर आप चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, इसका बाकी के पॉइंट्स का इतना कोई वो है नहीं, सब उसमें आ जाते हैं। अब देख लेते हैं कि और क्या होते हैं। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक चीज थी जो आपको समझना है, हम उस समय इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, इंडिपेंडेंस हमें मिली नहीं थी, आजाद नहीं थे, अभी भी हम गुलाम ही थे अंग्रेजों के, उन्होंने फ्रीडम दी नहीं थी हमें। ब्रिटिशर्स का तो प्लान था कि वो तो 1948 में जाकर के फ्रीडम देना चाहते थे, लेकिन हमने थोड़ा और लगाया, जोर लगाया और थोड़ा उनको फोर्स किया, तो 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। और इंडिपेंडेंस देने के लिए एक एक्ट लाया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये लाया जाता है। अब उसमें क्या क्या प्रोविजन होते हैं उसको समझिएगा, इसको देखिएगा कि द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रेजुअली ज्वाइंड इट। हमारी संविधान सभा बन गई। एक चीज समझिए, क्या डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी इन सब चीजों का। SLA का मतलब है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा उसको हम बोलते हैं। डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, उस डेवलपमेंट को एक बार समझिएगा आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं। क्या परेशान हो गए क्या आप लोग, बोर हो गए,
अरे परेशान मत हो, जोश में रहो। हाउ इज द जोश, जोश कैसा है मेरे दोस्त? जरा एक बार हाई सर का आंसर दिखाइए सब लोग। हाउ इज द जोश? एक हाई जोश रखो, एक हाई जोश के साथ क्लास में बने रहो। और देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई नहीं करेगा इतना डिटेल में एक्सप्लेन। मैं आपको बता रहा हूं, इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आपको लाख रुपए लाखों रुपए खर्च करके कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाकर के उस तरीके की चीजें वहां पर मिलेंगी, तब आप एग्जाम पास करोगे। फ्री में कोई नहीं कराएगा, तो उसकी वैल्यू आपको समझनी है। वैल्यू आप कैसे समझेंगे? कि आपको शेयर करना होगा, सबके पास शेयर करें, कमेंट्स करें इसके ऊपर खूब। जब भी वीडियो एंड हो तो कमेंट्स अच्छे से भर देना चाहिए सारी चीजों के बारे में, तो हमारा भी मोटिवेशन उससे बना रहता है ना। क्योंकि फ्री में इतनी क्वालिटी प्रोवाइड करना पसंद नहीं आता लोगों को, लोगों को लगता है कि यार इतनी क्वालिटी क्यों, है ना, उनको पैसा देना पसंद है वो इसके लिए। तो इसीलिए कोर्स बनाए जाते हैं कि आओ क्वालिटी चाहिए तो कोर्स में आओ, यूट्यूब पर केवल डेमो करो, बेसिक बेसिक चीजें करो। और इसीलिए जो बेसिक बेसिक चीजों के चक्कर में रहते हैं वो फंस जाते हैं, वो परेशान रहते हैं, पांच पांच छह छह साल तक पढ़ रहे हैं, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, हो भी रहा है कुछ छोटे मोटे एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, बड़े एग्जाम नहीं हो रहे। तो उसको भी आपको वो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आपके लिए इतना डिटेल में चीजें कराई जा रही, क्योंकि एग्जाम पास करना है तो और कोई सोल्यूशन है नहीं दोस्त। एग्जाम पास करने का सोल्यूशन यही है कि आपको डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी। वो नहीं होगा कि 15-20 घंटे में पूरी बुक खत्म हो गई, ना ना, उससे नहीं निकलेगा एग्जाम कभी भी दोस्त। ट्राई कर लेना कभी भी, एक बार ट्राई करके देख लेना, पहले एक साल केवल वही चीज पढ़ करके देख लेना, फिर अगले साल हमारी पढ़ करके देख लेना, आपको फर्क पता चलेगा, डिफरेंस पता चलेगा। तो शेयर करना है ठीक है, और जोश के साथ रहना है, लाइक शेयर करते चले जाने, और कमेंट्स क्लास के बाद जरूर करना इसको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है ललित यादव की पाठशाला, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। और बाकी इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, ललित यादव की पाठशाला के नाम से हर जगह फॉलो कर सकते हो आप, हर जगह मिलूंगा ठीक है। तो बहुत बार काफी सारे दोस्तों ने, एक चीज मैं बताता हूँ, ये क्लासेस स्टार्ट हुई, दो फर्स्ट चैप्टर हुआ, उसके बाद काफी सारे, ये क्लास थोड़ी सी होल्ड पर आ गई, फिर उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को मैसेज किए, कॉल भी किए कि सर क्लास क्यों रोक दी, कंटिन्यू करो, ये करो वो करो। तो उसका रीजन होता है, समझिए कि जिस चीज की डिमांड होती है उसी चीज की सप्लाई होती है। अब डिटेल्ड क्लासेस की डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं होगी, सिंपल सा चीज। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा डिसीजन नहीं होता है कि कंटिन्यू करे कि नहीं करे, वो डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है, वही डिसाइड करते हैं सारी चीजें। तो अब ऐसे में सबको लगता है कि यहां पर लोगों को पसंद है कि 10-15 मिनट में, 15-20 मिनट में बस एक सारी चीज कंप्लीट करा करके दे दो बस, और ऑडियंस भी उसी में भागती है, उनको लगता है कि अरे वाह, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली 15 मिनट में कंप्लीट हो गया, क्या बात है, आईएएस तो मैं ही बनूंगा, है ना, पूरी लक्ष्मीकांत 20 आवर्स में कंप्लीट होगी, अरे वाह वाह सारी चीज। और वहां पर ऑडियंस आएगी मिलियंस में व्यूज, फिर सभी वीडियोस क्लासेस कैसी आएंगी भाई, वैसी ही आएंगी, क्योंकि मिलियंस में व्यूज तो वहीं आ रहे, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं है। ये रियलिटी है, एक हार्श रियलिटी कि उससे रिजल्ट होगा ही नहीं, लिख करके ले लीजिए, स्टाम्प पेपर पर लिख लीजिए, नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपको हार्डवर्क नहीं करना, सबको इजी गोइंग चीजें पसंद है कि हाँ बस इतना ही कर लें तो हो जाए, तो वो इस चक्के चक्कर में जाकर के वो हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे टीचर जो आपको सिंसियरली पढ़ाना चाहते हैं, मैं सच में पढ़ाना चाहता हूं, मैं सिंसियरली कराना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जितना डिटेल, मेरी भी छोटी छोटी कई सारी क्लासेज है उस पर मिलियंस में व्यूज है, अनअकैडमी की मोस्ट व्यूड क्लासेस जो है वो मेरी ही है, लेकिन जो मैं डिटेल में क्लास करा रहा हूं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेज हैं जिससे आपका रिजल्ट हो जाएगा, पॉलिटी का एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, इवन चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो या डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर इन डिटेल्ड क्लासेस को आप देखते हैं, और फ्री में तो उस पर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और हमारी आज की जनरेशन है उसके पास टाइम तो है नहीं, है ना, उनको तो सारी चीजें छोटे छोटे में चाहिए, मोबाइल में भी हर चीज में, है ना, इतनी बिजी लाइफ है उनकी कि भाई टाइम नहीं है, बिना टाइम दिए हम आईएएस बनना चाहते हैं, ऐसे सपने लेकर के बैठे होते हैं। तो रीजन होता है, फिर क्लासेस होल्ड हो जाती है, वो मैं नहीं करता हूं, वो हो जाती है, फिर आपके लिए वैसी ही क्लास लाई जाती है जैसी आप चाहते हैं, 15 मिनट्स, है ना, 2 घंटे में लक्ष्मीकांत, 3 घंटे में लक्ष्मीकांत, है ना, 20 घंटे में कंप्लीट लक्ष्मीकांत, और आप खुश होकर के आ जाते हैं।
तो वो मत करिए, ऐसा एक ट्रेंड मत बनाइए यूट्यूब पर कि सीरियस स्टूडेंट्स को नुकसान हो, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत होती है और हमारा भी मोटिवेशन डाउन होता है। एज ए टीचर मेरे को देख करके बुरा लगता है, खुद देख करके लगता है कि यार हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फ्री में क्वालिटी दे रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये कि क्वालिटी नहीं चाहते। फिर उसके बाद आरोप भी लगाएंगे, सर हम तो पढ़े थे, आप सिलेक्शन नहीं हुआ, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, हुआ नहीं। तो भाई क्वालिटी वाली क्लासेस तो देखी नहीं, जो चीज देखनी चाहिए वो देखी नहीं, तुम देख रहे हो छिपकली मिल गई है ना, नया लिजार्ड फाउंड हुआ, अमेरिका में तेल की कीमत बढ़ गई है ना, नया तेल का कुआं मिला ईरान के अंदर, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि मेरी पत्नी मेरे को धोखा दे दिया है ना, चाकू मार करके सेलिब्रिटी की हत्या कर दी, कंगना ने लगाई लाल रंग की लिपस्टिक है ना, नीतू अंबानी के पास मिला 1 करोड़ का फोन, उसको देखने के लिए देख रहे व्यूज, मिलियंस में व्यूज, भाई वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, ये चीज समझ लो, नहीं आने वाले एग्जाम में भाई, नहीं पूछेंगे वो फेल होने का काम है, टाइम वेस्ट करने का काम है, लेकिन वही आपको पसंद है। तो एजुकेशन सिस्टम भी डिमांड और सप्लाई पर काम करता है, ये चीज समझिएगा आप लोग। तो ये क्लासेस कंटिन्यू रखने की जिम्मेदारी आपकी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा दूंगा, क्यों, मेरे को तो यहां पर भी पढ़ाना है, मेरे को पेड कोर्स में भी पढ़ाना है, तो हम तो पेड कोर्स में भी पढ़ा देंगे, क्यों आए। अगर आप चाहते हैं इसको कि ये इस तरीके की क्लासेस, डिटेल्ड क्लासेस रेगुलर चले, तो इनको शेयर करें, सभी के साथ शेयर करें, जितने भी बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टेलीग्राम ग्रुप हैं, आपका यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, हर वीडियो बिना कहे शेयर हो जाना चाहिए। जितना शेयर करोगे धीरे धीरे ओवर द टाइम लोगों को पता चलेगा, लोग फिर जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो आएंगे, एग्जाम पास करेंगे, एग्जाम पास करेंगे तब चीजें होंगी, ठीक है, इस चीज को देखते रहना। तो ये सब कंटिन्यू रहेगा, आप शेयर करते रहेंगे, व्यूज होते रहेंगे। तो बाकी मैं तो पढ़ाना है, मेरे को यहां से पढ़ाओ या पेड कोर्स पे पढ़ाओ, एक ही बात है ना। तो आप लोगों को चाहिए कि यहां पर क्वालिटी मिले, तो इसको वो कर लेना, शेयर करना। चलिए आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्टार्टिंग में आए नहीं, अकड़ में थे, राजा हैं, महाराजा हैं, है ना, क्यों हम बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट, भाई हमारे पास तो सुपर पावर है ना, वी आर द किंग्स एंड क्वींस एंड नवाब्स, है ना, वी हैव पावर टू डू एनीथिंग, वी आर लाइक थानोस, चुटकी बजा करके कुछ भी कर देंगे। वो आना नहीं चाहते थे, लेकिन हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी आ गया, और उस टाइम की सिचुएशन से ये डिसाइड हो गया, क्लियर हो गया कि इंडिया को अब इंडिपेंडेंस मिलने ही वाली है, अब ज्यादा देर तक ब्रिटिशर्स उस पर होल्ड नहीं रख पाएंगे, और जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी तो इंडिया में डेमोक्रेसी ही आएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी के सपोर्ट में ही सब कुछ है। तो जितने प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उसमें जो समझदार, ठीक ठाक से समझदार से राजा नवाब होते थे, उनको समझ में आने लगा कि भाई सेपरेट, इंडिया से सेपरेट तो हमारा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में भी सारी चीजें आ गई हैं, तो इंडिया से इंडिपेंडेंट होकर के हम अपना आइडेंटिटी या अपना वर्क नहीं कर पाएंगे, हमें अल्टीमेटली मिलना पड़ेगा इंडिया में ही, ठीक है, या जो पाकिस्तान के साइड के थे वो उनको पाकिस्तान में। तो धीरे 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 बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने क्या किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वहां पर नामांकित कर दिया, करने लग गए, पार्ट बनने लग गए। क्यों बनने लगे, उसका रीजन एक और भी रीजन था, उनको लगा कि भाई जब इंडिया में डेमोक्रेसी आनी ही है, लोकतंत्र आना ही है, राजा महाराजे रहेंगे ही नहीं, हटेंगे ही, तो कम से कम हम अपने कुछ इंटरेस्ट को तो वहां पर रेज कर पाएंगे, अपने कुछ इंटरेस्ट को तो फुलफिल कर पाएंगे, और वो कब होगा, जब हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अगर हम उनसे रूस करके रूठे हुए हैं, साइड में बैठे हुए हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्टी नहीं बन रहे, तब तो भाई हमारी तो कोई भी डिमांड उसमें नहीं जाएगी, और हमारी कोई भी डिमांड इंडिपेंडेंस के बाद फुलफिल नहीं होगी, हम तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये चीज समझ में आने लगी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को कि हाँ, जाना जरूरी है, पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तो धीरे 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 ओवर द टाइम ऑफ पीरियड सब उसके बाद कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो है वो वहां पर आ गए। 28 अप्रैल 1946 तक अगर देखोगे तो धीरे 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 काफी सारी देसी रियासतों के प्रतिनिधि वहां पर आने लगे।
अब इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंट बेटन प्लान ऑफ जून 3rd June 1947 फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट्स टुक देयर सीट्स इन द असेंबली। ठीक, ये माउंटबेटन प्लान क्या था, कैसे इंडिया का डिवीजन हुआ, वो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको करवा दिया कंप्लीट, उसमें मैंने समझा दिया था कि माउंटबेटन ने प्लान रखा कि भाई ठीक है मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया पाकिस्तान हो जाए, इंडियन मेजोरिटी वाला एरिया हिंदुस्तान हो जाए और दोनों की अलग अलग गवर्नमेंट बने, अलग अलग तरीके से वो दो अलग अलग स्टेट यानी दो अलग अलग कंट्रीज के रूप में वो वर्क करें। इंडिया ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग यानी कि नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने उस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया और दो अलग अलग कंट्रीज बन गई थी। जब इंडिया का पार्टीशन फिक्स हो गया, माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट कर लिया गया, उसके बाद सारी की सारी प्रिंसली स्टेट्स जो अपने आप में अकड़े हुए थे ना, जो अपने आप को राजा महाराजा समझते थे, सबकी टाई टाई फिक्स हो गई, सबका जो नवाबीपना था महाराजेपना सब गायब हो गया, उनको पता चल गया कि नहीं अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो जाना पड़ेगा। तो गए फिर मेंबर्स जितने भी थे वो अपना अपना नॉमिनेशन उन्होंने भेज दिया, धीरे धीरे सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया के अंडर थे वो वहां पर आ गए। अब मुस्लिम लीग जो थी, क्योंकि माउंटबेटन ने अपना प्लान बनाया था, ठीक है, माउंटबेटन ने इंडिया के सेपरेशन का प्लान दिया था, तो सेपरेशन का प्लान एक्सेप्ट हो गया था। लेकिन उससे पहले जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो पूरे होल इंडिया को एक यूनिट मान करके इलेक्शन हुए थे, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो मुस्लिम लीग को भी 70 प्लस सीटें मिली थी और वो पूरे इंडिया से मिली थी, ऐसा नहीं है कि कुछ ही एरिया से, अलग अलग एरियाज में। अब जब माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट हो गया, इंडिया का पार्टीशन फिक्स हो गया इंडिया पाकिस्तान, तो मुस्लिम लीग के जो मेजोरिटी मेंबर्स थे वो पाकिस्तान वाले एरिया से इलेक्टेड थे, तो वो वाले तो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन बहुत सारे उसके मेंबर्स ऐसे भी थे जो इंडिया से इलेक्टेड थे, जो एरिया इंडिया में था वहां से इलेक्टेड थे। तो मुस्लिम लीग के इंडियन एरिया वाले जितने भी मेंबर्स थे वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बने रहे और उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड द असेंबली। ठीक है, तो वो लोग भी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ करके अब वर्क करना स्टार्ट करने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे। इससे पहले कंप्लीटली बायकॉट कर दिया था, फर्स्ट सिटिंग 9th December 1946 मुस्लिम लीग हैज बायकॉटेड, कंप्लीटली बायकॉटेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान क्योंकि उस समय सेपरेट नहीं होते तो कंप्लीट मुस्लिम लीग के मेंबर थे, लेकिन अब जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हो गए हैं तो इंडियन एरिया के जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे वो आ गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो अब बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स भी आ गए, इंडियन प्रोविंसेस के जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के जो थे वो भी आ गए और मुस्लिम लीग के जो इंडियन एरिया के लोग थे वो भी आ, तो अब ये कंप्लीट एक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहां पर आकर के हो जाती है। ठीक है, अब ऐसे में चीजें क्या होती है समझिए कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग थ्री चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द असेंबली। अब क्योंकि 15th अगस्त 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो गए, आजाद हो गए, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, संविधान सभा थी, उसमें भी कुछ बदलाव हुए, उसमें भी कुछ चेंज हुए, तो उस चेंज को भी देखना है कि क्या क्या चेंजेस हुए, उन सभी चेंजेस को थोड़ा सा यहां पर हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या हुआ कि द असेंबली वॉज मेड ए फुली सोवरन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इससे पहले फुल्ली सोवरन नहीं थी, क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स हम पर रूल करते थे, अब क्योंकि ब्रिटिशर्स हम पर रूल नहीं कर रहे, हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी फुल्ली सोवरन हो गई। अब तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता किसी चीज के लिए, ना तो हमें परमिशन लेनी, ना ही हम किसी को बताने वाले, अब हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो फुल्ली सोवरन सोवरन बॉडी जो है हमारी असेंबली अब यहां पर बनी, पहली चीज। ठीक है, अब इसमें एक और पावर दे दी गई, फुल्ली सोवरन होगी। अब फुल्ली सोवरन का मतलब क्या होता है, पावर टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने की शक्ति, है ना, थानोस कुछ भी कर सकता है, एवेंजर्स का चुटकी बजा करके, है ना, आधे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, गायब कर सकता है,
जैसे आपके फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली कुछ भी कर लेते हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग चलना होता है ना, आपके डिसीजंस को ओवर रूल कर सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट को ओवर रूल किया जा सकता है। ऐसी बॉडी बन गई है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और क्या कर सकते थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी समझिए कि द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। 1773 में जो पहला एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उससे लेकर के 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो था, यहां तक जो जितने भी एक्ट आए थे इंडिया में, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये फुल्ली पावर दे दी गई कि भाई आप चाहो तो इन सारे के सारे एक्ट्स को उड़ा सकते हो, खलास, चाहो तो इनको बने रहने दे सकते हो, चाहो तो अमेंड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यानी कि अब हम अपने अकॉर्डिंग इन एक्ट्स की चीजों को अडोप्ट करने के लिए फ्री थे, या इन एक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कंप्लीटली अबोलिश करने के लिए भी फ्री थे। तो ये एक पावर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास आई, इसीलिए उसको बोला जाता है अब वो फुल्ली सोवरन कंट्री होगी, फुल्ली सोवरन बॉडी होगी। लेकिन पहले नहीं कर सकती थी। पहले क्यों नहीं कर सकती थी, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया उसको अगर उसको खत्म करना है, अगर अबोलिश करना है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही वो पावर थी, हमारे पास नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फुल्ली सोवरन बॉडी का स्टेटस मिल गया, तो वो भी इन सारे एक्ट्स को कंप्लीटली अबोलिश कर सकती थी। इवन अगर वो चाहे तो 1947 के एक्ट को भी कर सकती थी। तो ये पावर हमारे पास आई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट है, वो क्या है। हाँ, ये आर के सिंह ने जो मेरे यहां पर नंबर दिया है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये मेरा ही नंबर है, हमारी ही डिटेल है, और टेलीग्राम चैनल भी लिख करके बता दो यार दोस्तों को, कोई जिनको पीडीएफ चाहिए वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दो, क्योंकि मैं कमेंट्स में ध्यान नहीं दे पाता हूं जो मैं क्लास ले रहा हूं, तुम लाइव क्लास में, ठीक है। क्लास के एंड में मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, जब क्लास खत्म होती है ना, तो आप मेरे से जो चाहे पूछना है पूछ लो, जो मर्जी जो मन में आए पूछना, सबका आंसर मिलेगा। लेकिन क्लास के बीच में थोड़ा सा क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो नहीं पूछते। अब देखिए क्या हुआ, समझिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज, जो सेकंड चेंज आया, वो सेकंड चेंज ये आया कि द असेंबली ऑल्सो बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। तो इसका समझना कि इन अदर वर्ड्स टू सेपरेट फंक्शंस वर असाइंड टू द असेंबली, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया एंड इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्रीज। अब आप कहोगे सर ये पार्लियामेंट कैसे बन गया, विधायिका कैसे बन गई, ये क्या सिस्टम है, ये क्या चीज है। तो समझिए हमारा पहला इलेक्शन कब हुआ, देखिए हम आजाद कब हुए इसको समझिएगा, मैं आपको टाइमलाइन से समझाता हूं, यहीं पर इसको मैं एक बार वो करके टाइमलाइन से समझाते हैं। हम इंडिपेंडेंट कब हुए भाई, इंडिपेंडेंस हमें कब मिली, 1947 में, ईयर लिख देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो कब लागू हुआ, 1950 में, ठीक है। और हमारा जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए वो हुए 1952 के अंदर, हमारी पहली जो असेंबली बनी। अब इस टाइमलाइन को लिखने का कारण था, समझिएगा 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए, उसके बाद से लेकर के 1952 में हमारा पहला जनरल इलेक्शन हुआ, पहली लोकसभा, जो फर्स्ट लोकसभा इंडिया की आई वो 1952 में आई। अब ये 5 साल का टाइम था, 1947 से 1952 तक, तो क्या 5 साल तक हम देश को ऐसे छोड़ देते, क्या इंडिया को कोई रूल मतलब गवर्न कैसे करोगे, शासन कैसे चलाओगे, हमारे देश में शासन कैसे चलता है, लॉज के ऊपर, कानून के आधार पर, कानून कौन बनाता है, लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। लेकिन उस समय पार्लियामेंट था, नहीं था, पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट थी, यस थी, क्यों, ताकि लॉज बनाए जा सके, क्यों, ताकि लोगों को ऊपर गवर्न किया जा सके, इंडिया को गवर्न किया जा सके, इंडिया को आगे ले जाया जा सके, शासन किया जा सके।
तो अब ऐसे में इलेक्शंस तो हो थे नहीं, और इंडिया में इतने फंड्स भी नहीं थे, इतनी फंक्शनरी भी नहीं थी, इतनी मशीनरी भी नहीं थी कि पूरे इंडिया में इलेक्शन करवा लिया जाए, इतना बड़ा है इंडिया। क्योंकि जब 1947 में हम आजाद हुए तो हम कोई अमीर राष्ट्र तो थे नहीं, हम तो गरीब थे, पुअर, है ना, वेल्थ थी नहीं, बहुत पुअर, इंडिया इज वेरी पुअर, बहुत पुअर कंट्री थी उस टाइम, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिस्टम नहीं था, बहुत होल इंडिया लेवल पर इलेक्शन कराने के लिए अडल्ट फ्रेंचाइजी बेस पर उसका एक्सपीरियंस नहीं था। अब मान लेते हैं कि 1947 में ही ये सारा काम करवा देते तो क्या ये पॉसिबल होता? नहीं होता, हो ही नहीं पाता भाई, इलेक्शन हो ही नहीं पाते क्योंकि फ्रेमवर्क ही नहीं था हमारे पास। इलेक्शन हो भी जाते तो ये फ्रेमवर्क नहीं था कि वो वर्क कैसे करती हो पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से करती है और पार्लियामेंट किस तरीके से करता। तो बहुत सारे हमारे सामने रिस्ट्रिक्ट लिमिटेशंस, इसको बोलते हैं सीमाएं, उस टाइम की सीमाएं थी, लिमिटेशंस थी। तो ये चीज समझा गया कि यार इंडिया के अंदर लॉ बनाने, कानून बनाने हैं। अब लॉ बनाने के लिए हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, समझदार चाहिए, इंटेलेक्चुअल चाहिए, पढ़े लिखे चाहिए, इंडियन जो पैट्रियट हैं, जो भारत देशभक्त हैं, उस तरीके के लोग चाहिए। अब वो लोग तो ऑलरेडी हमारे पास है ही ना, कहां, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है। सिंपल सी बात है भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो असेंबली थी उसमें कौन थे? इंडिया के सारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स थे, जितने भी बड़े बड़े, वही तो थे। तो उन्होंने, जिन्होंने इंडिया को फ्रीडम दिलवाया, उनसे ज्यादा अच्छा इंडिया के लिए लॉ कौन बना सकता है? तो ये डिसाइड किया गया कि भाई इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम दो काम सौंपेंगे, एक और वर्क देंगे। एक वर्क तो ठीक है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ये तो आपका मेन वर्क है ही, लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट बन नहीं जाता, जब तक इंडिया में इलेक्शंस नहीं हो जाते, तब तक डे टू डे वर्क और अलग अलग लॉज बनाने के लिए एक पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट है। वो पार्लियामेंट की का जो रोल है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्ले करेगी, संविधान सभा करेगी, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉज, जो सामान्य कानून है, उसको लिए बनाने के लिए। तो इसको ड्यूल वो दे दी गई, ठीक। तो दो अलग अलग सेपरेट फंक्शंस हो गए, एक तो एनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज और दूसरा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसको ध्यान में रखिएगा, नोट्स में भी बना लीजिएगा। एम लक्ष्मीकांत की बुक अपने सामने रखिए, जब भी क्लास लेते हो तो एम लक्ष्मीकांत की बुक को मेरे सामने, अपने सामने रख करके फिर क्लास लीजिए, तो मैं आपको नोट्स भी, आपके नोट मेकिंग भी करवाता रहूंगा। तो ये हुआ, इसको देख लीजिए। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूल वर्क उसने किया, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, साथ में एक टेम्परेरी पार्लियामेंट के रूप में भी उसने वर्क किया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। दीज टू टास्क वर टू बी परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डेज, अलग अलग दिन होने थे। अब ऐसा भी नहीं था कि एक ही दिन संविधान बनाए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिस्कस हो रहे हैं और उसी दिन कोई लॉ बनाने के लिए, तो उसके लिए भी हमने दो अलग अलग सिस्टम बना दिया कि भैया जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बात करेगी, उस दिन हम ऑर्डिनरी लॉज पर बात नहीं करेंगे, और जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास टाइम होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रही होगी, तो उस दिन हम उस ऑर्डिनरी लॉ को एनेक्ट करने के रिगार्डिंग उसकी मीटिंग करेंगे। तो दो अलग अलग करने का हुआ। तो यहां से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा, हु वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो भारत की फर्स्ट पार्लियामेंट जो है वो असेंबली थी, थस द असेंबली बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है, फ्री इंडिया। आजादी के बाद भारत की पहली संसद जो है वो संविधान सभा ही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही थी जिसने आजादी के बाद भारत की पहली संविधान सभा के रूप में कार्य किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको लाइन कर लेना। अब एक और चीज समझिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही पर्सन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम को भी संभाले, हेड करे, और वही पर्सन नॉर्मल लॉज को बनाने के लिए भी वर्क करे। तो ऐसे में क्या होता, वो कंफ्यूज हो सकता था, उसका फोकस लूज हो सकता था, और इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से बनाया जाए। तो ये भी डिसाइड किया गया कि अगर पार्लियामेंट, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो दो वर्क कर रही है, दो टाइप के काम कर रही है, एक संविधान का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग, दूसरा
एनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज यानी कि पार्लियामेंट के लिए भी काम कर रही है, टेम्परेरी पार्लियामेंट या एक्टिंग पार्लियामेंट, तो उन दोनों के लिए दो अलग अलग हेड होने चाहिए जो अलग अलग टाइम पर वो काम करे। तो इसीलिए वेन एवर द असेंबली मीट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी इट वॉज चेयर्ड बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंस संविधान बनाने के लिए जब भी बैठक होती तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको चेयर करते। एंड वेन इट मीट एज द लेजिस्लेटिव बॉडी इट वॉज चेयर्ड बाई जी वी मावलंकर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये भी आपको कर लेना है, नोट्स में बना लेना है। जी वी मावलंकर हेड होते थे, अध्यक्ष होते थे जब संविधान सभा एक संसद की तरह काम करती थी, पार्लियामेंट के फॉर्म में वर्क करती थी। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अभी आपको ड्यूल टाइप का वो देखने को मिलता है, ड्यूल टाइप की हेडशिप, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो तब जब संविधान सभा संविधान बनाने के लिए काम करे, एक जीवी मावलंकर जब वो पार्लियामेंट के रूप में काम करे तो वो उसके हेड होते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कई बार कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब संसद की तरह कार्य करती थी तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन होते थे, तो ऐसे में आपको कई सारे ऑप्शंस दे देंगे, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैक्सिमम लोग इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इसका करेक्ट आंसर आएगा जीवी मावलंकर, वो आपको यहां पर देख लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज क्या हुआ कि दीज टू फंक्शंस कंटिन्यूड टिल नवंबर 26, 1949 व्हेन द टास्क ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्यों है जो समझिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट सिटिंग कब हुई, फर्स्ट सिटिंग अगर हम बात करते हैं तो वो कब हुई, वो 9th दिसंबर 1946 में हुई, और 26th नवंबर 1946 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट कब हुआ, कंप्लीट कब हुआ अपना हो गया था 26th नवंबर 1950 तक, ओ सॉरी 1949 ये हुआ। तो इस टाइम पीरियड में हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब बना लिया, कंप्लीट कर लिया, अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तो कोई रिक्वायरमेंट रही नहीं, क्योंकि उसका मेन काम तो यही था ना कि संविधान बनाए। अब संविधान बना दिया तो अब उसके लिए अलग से असेंबली के रूप में उसकी बैठक करने की कोई जरूरत थी नहीं। इसलिए 26 नवंबर 1949 तक हमारी असेंबली ने दो टाइप से काम किया, एक टेम्परेरी पार्लियामेंट और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके रूप में जब हमारा संविधान कंप्लीट हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो उसके बाद उन्होंने एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनका वर्क जो है वो खत्म हो गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भंग नहीं की गई, अबोलिश नहीं की गई, डिस्ट्रॉय नहीं की गई, ओवर नहीं की गई, ठीक है, खत्म नहीं की गई। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी भी एक वर्क था, एक मेजर वर्क, कि जब तक इंडिया में परमानेंट पार्लियामेंट एस्टेब्लिश नहीं हो जाती तब तक भाई कानून तो बनाना है, लॉ तो मेकिंग करनी है, तो उसके लिए टेम्परेरी पार्लियामेंट तो चाहिए, एक्टिंग पार्लियामेंट के टाइप में। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1952 तक, जब तक हमारी फर्स्ट वो नहीं होता तब तक उन्होंने टेम्परेरी पार्लियामेंट के टाइप में काम करना कंटिन्यू रखा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, ये आपको एक दख रखना है। द मुस्लिम लीग मेंबर्स हेलिंग फ्रॉम द एरियाज इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फॉर इंडिया। जो मुस्लिम लीग के मेंबर जो पाकिस्तान के एरिया में चले गए थे तो वो पाकिस्तान के अंदर हो गए, इंडिया से अपनी मेंबरशिप उन्होंने विदड्रॉ कर ली, एक ये चीज भी। कॉन्सिक्वेंटली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली केम डाउन टू 299 एज अगेंस्ट 389 ओरिजिनली फिक्स्ड इन 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि कई बार यहां से फैक्चुअल डिटेल्स आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें कर दीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज में आते हैं, एमसीक्यू का टाइप का जो भी एग्जाम होगा वहां पर आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द इंडिपेंडेंस तो कितना हो गया, तो उसमें
आपको आंसर देना 299। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल ओरिजिनली कितना था बिफोर इंडिपेंडेंस था, तो वो 389 था। ये दोनों के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। ये मेंबर्स कम क्यों हो गए 389 से 299 क्यों हो गए, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स जो पाकिस्तान के एरिया में चले गए थे और जो प्रिंसली स्टेट्स जो पाकिस्तान के एरिया में चले गए थे वो लोग इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं रहे, ठीक है, उन्होंने यहां से विड्रॉ कर लिया, वो अब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी वो उसका पार्ट बन गए। ये चीज आपको ध्यान रखना। ओरिजिनली कितना 389, आफ्टर इंडिपेंडेंस 299, इसको आप कंप्लीट करना है, ठीक है, बाकी लोग चले गए। आगे देखते हैं, ये देसी रियासत और इसको आप छोड़ सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यहां पर फैक्ट्स में और डाटा में कंफ्यूजन हो जाएगा कि प्रिंसली स्टेट से कितने थे और उनसे कितने, वो ओरिजिनल वाला जो था वो ठीक है, ओरिजिनल देख लेना, यहां पर करने की जरूरत नहीं है। फिर भी लेकिन अगर दिल नहीं माने, आत्मा स्वीकार नहीं करे और मन करता हो कि कुछ तो करे ही जाए और पढ़े ही, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनसे 70 सीटें थी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 70 सीटें रह गई आफ्टर इंडिपेंडेंस, बाकी जो थी वो पाकिस्तान में चली गई थी। अब कुछ अलग अलग फंक्शंस थे, कुछ और भी काम किए, और वो काम क्या क्या किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, उन कामों को देख लेते हैं। मेन वर्क सबसे पहला, क्योंकि पार्लियामेंट भी थी ना भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट का भी वर्क कर रही थी, तो उसने सबसे पहले किया गया, इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मे 1949। राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है, अब कॉमनवेल्थ क्या है, राष्ट्रमंडल क्या है, उसको समझाते हैं। आपने गेम सुना है, एक कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, इंडिया में भी हुए और हमारे इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स उसमें मेडल्स लेकर के आते हैं, टॉप थ्री टॉप फोर में हम इंडिया उसमें रहते हैं हमेशा, ठीक है, बहुत सारे प्राइजेस जीतते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम आखिरकार क्या है और ये कॉमनवेल्थ क्या है, तो समझिए, देखिए जब हम इंडिपेंडेंट हुए, इंडिपेंडेंस हमें मिली, तो उस टाइम केवल हम अकेले नहीं थे जो ब्रिटेन के अंडर में थे, जिनके ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था। ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज के ऊपर कब्जा किया हुआ था, उनके ऊपर वो रूल करते थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सारी की सारी वो कंट्रीज, वो कॉलोनीज थी, वो फ्रीडम की डिमांड करने लगी और धीरे धीरे फ्री होते चलेगी। तो जितनी भी कंट्रीज जो ब्रिटेन के अंडर में थी, ब्रिटेन के रूल में थी और वो इंडिपेंडेंट हो गई, उन सभी कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया गया, एक समूह बनाया गया, उसको कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है, कॉमनवेल्थ। उसका रीजन ये था कि जितने भी जगह पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, तो ब्रिटिशर्स तो एक ही जैसा रूल करते थे हर जगह, सेम वही स्ट्रक्चर अपना वाला लगाते थे, तो सभी इन कंट्रीज में कुछ फीचर्स सेम सेम से देखने को मिलते थे, है ना, जैसे सेम ही हिस्टोरिकल क्रुएलिटी इन लोगों ने झेली, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के साथ जो क्रुएलिटी की, ऐसे ही बाकी कंट्रीज में भी क्रुएलिटी की, उनके साथ कोई प्यार मोहब्बत तो आया नहीं अलग से, ठीक है, लव अफेक्शंस तो था नहीं कि भाई उनके लिए अलग से बिहेव करें, तो वो रहा। जिस तरीके के एक्ट्स ब्रिटिशर्स इंडिया में लेकर के आते थे, ऐसे ही एक्ट्स अदर कंट्रीज में भी वो वहां पर एग्जीक्यूट करते थे, तो वहां का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी, उसमें भी सिमिलैरिटीज मिलती थी। तो ये देखना, जितने भी ब्रिटिशर्स कॉलोनीज थी उन्होंने बाद में मैक्सिमम ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट किया, और उसमें भी बाइकैमरलिज्म को अडॉप्ट किया उन्होंने, तो ये सारे के सारे कॉमन फीचर्स थे। तो इन सब लोगों का एक मिलकर के ग्रुप बना जिसको कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है, और वो सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज की यूनिटी और ब्रिटिश जो हुकूमत जो थी, जो उसकी क्रुएलिटी थी, उसके अगेंस्ट एक सूचक, जिसको बोलते एक सिंबल, एक सिंबॉलिक ग्रुप था बस, बाकी कुछ नहीं था। ये वैसा ग्रुप नहीं था जैसा कि नाटो या वारसा पैक्ट जो हुआ, या जो नॉन अलाइन कंट्रीज थी, नेम कंट्रीज थी, ठीक है, या सिएटो उस टाइप का, या जो सार्क हो गया, या आसियान हो गया, ओपेक हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गए, उस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये, सिंपल एक तरीके सिंबॉलिक ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा फीचर्स नहीं है, ठीक है। ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी तो सब लोगों ने एक अपनी यूनिटी प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए एक सिंबॉलिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो हमने इसकी मेंबरशिप को रेटिफाई कर दिया,
सत्यापन कर दिया, फाइनल कर दिया कि हाँ भाई ठीक है हम इसके मेंबर रहेंगे। अब कॉमनवेल्थ का मेंबर होने का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश क्राउन की अंडर आ गए हम, ना ब्रिटिश क्राउन के अंडर नहीं, बल्कि उसको इक्वल हो गए। कॉमनवेल्थ का मतलब ये भी है, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स की जो हायर अथॉरिटी है और जो इंडिया की हायर अथॉरिटी है बोथ आर इक्वल, हम उनसे किसी मामले में कम नहीं है, ठीक है। तो इक्वल स्टेटस, हमारे प्रेसिडेंट से बड़ा स्टेटस पूरे वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के हेड को हम नहीं देते हैं, उसके इक्वल स्टेटस दिया जाता है। तो ये हुआ सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कॉमनवेल्थ के लिए। दूसरा क्या हुआ, झंडा भी तो चाहिए था भाई हमें, हमारा फ्लैग भी चाहिए था, और हमारा फ्लैग के बिना कैसे होगा, फ्लैग भी तो है, उसकी हिस्ट्री अलग रही कि कैसे कैसे आया, लेकिन उस फ्लैग को हमने फाइनलाइज किया, हमारा तिरंगा झंडा ट्राई कलर्स में। इट अडोप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन July 22, 1947। इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में लिख लेना है, यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमारा नेशनल इंडियन फ्लैग जो था उसको कब अडॉप्ट किया गया ऑफिशियली, तो 22 जुलाई 1947 इसको किया गया, आजादी के थोड़ा सा पहले, ठीक है, आजादी से थोड़ा सा पहले, इसके कुछ ही दिनों के बाद हम आजाद हो गए थे अगस्त में, 15 अगस्त में, लेकिन उससे पहले ही हमने हमारे नेशनल फ्लैग को कर लिया, लगा रहता ना झंडा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, गाना सुना होगा आपने, एक अलग ही जोश आता है, जज्बा आ जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं मेरे तो जब भी मतलब इस तरीके की चीज आती है ना, झंडे को लेकर के, देश को लेकर के, कंट्री को लेकर के, राष्ट्रगान को लेकर के, नेशनल एंथम को लेकर के, आप सब में भी होता होगा, ये कुछ है हम इंडियंस के अंदर की भाई इसको देख करके होता है, झंडे को देख करके अलग ही एक अंदर से देशभक्ति निकलती है सभी की, ठीक। तो ये झंडा हमने 1947 22 जुलाई को हमने अडॉप्ट किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किया। इसके साथ साथ हमारा नेशनल एंथम उसको भी हमने अडॉप्ट किया, इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। और आप में से कितने लोग हैं जिसको राष्ट्रगान पूरा आता है कोई आप में से जिसको कंप्लीटली नेशनल एंथम आता हो, नेशनल एंथम आता है पूरा, कौन कौन है जिसको नेशनल एंथम बहुत अच्छे से आता है, जनगण मन अधिनायक जय है, नाम तो सुना होगा आपने नेशनल एंथम का, अपने स्कूल की असेंबली में तो गाया ही होगा, कहीं और ना भी गाया हो तो कम से कम अपने स्कूल की असेंबली में गाया होगा जनगण मन, ठीक, बिल्कुल। तो वो याद रहना चाहिए, वो एक अलग फीलिंग होती है, पेट्रियार एकदम बिल्कुल बोलते ना पेट्रो, अरे यार प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, जो पेट्रोइट जिसको बोलते ना, मतलब एकदम देशभक्त वाली योद्धा वाली फीलिंग आती है, वो वाली फीलिंग आती है जनगण मन से। एक क्लास में हमने लाइव ये गाना, ये हमने नेशनल एंथम जो है हमारा वो हमने गाया भी था, हिंदी वाली क्लास थी, हम लक्ष्मीकांत की मैंने हिंदी की क्लास कराई थी, 7 आवर की थी, फर्स्ट वो था मेगा मैराथन क्लास थी, तो उस क्लास में हमने उस टाइम, आज से शायद 2 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले की, तो उस लाइव क्लास में हमने गाए थे, तो हिंदी में ये था कि ऑडियंस बड़ी अच्छी रहती है हमारे पास, तो काफ़ी लंबी चौड़ी ऑडियंस थी, सभी लोगों ने एक साथ वहां पर गाया, किसी का कमेंट नहीं आया जब तक नेशनल एंथम गाया, जब तक किसी ने भी चैट बॉक्स में एक भी कमेंट नहीं आया, क्योंकि सारे लोग इतने अच्छे थे, समझदार थे, कि सब लोग खड़े होकर के वो नेशनल एंथम गा रहे थे। नेशनल एंथम खत्म होने के बाद फिर मोबाइल उठाकर कमेंट करने लगे कि अरे सर आपने तो एकदम से स्टार्ट कर दिया, हम तो सोए हुए थे, है ना, कोई रजाई में बैठा हुआ था, कोई खाना खा रहा था, कोई बाथरूम में सब्जी बनाते हुए देख रहा था, है ना, कोई टॉयलेट में बैठा हुआ था, पोर्ट पर बैठ करके देख रहा, सब खड़े होकर के नेशनल एंथम में लग गए। फिर बाद में खूब गालियां बकी उन्होंने मेरे को कि सर ऐसे थोड़ी करते, एकदम से स्टार्ट कर दिया सर, हमारी हालत तो देख लेते, पहले बता तो देते हमें, ताकि हम एक सही पोजिशन में आकर के खड़े हो जाते। चलिए तो ये देखना है, आगे चलते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया, अभी नहीं करूंगा ना वो गलती, अभी वो गलती वो फिर से करेंगे तो आप लोग अलग अलग सिचुएशन में रहेंगे। इट अडोप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24, 1950, राष्ट्रीय गीत को भी हमने अडोप्ट किया। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है आप सभी को कि भाई नेशनल एंथम क्या है और नेशनल सॉन्ग क्या है,
ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं। मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग हैं वो इनको एक जैसा मान लेते हैं, सेम समझ लेते हैं, ठीक। और मैक्सिमम लोग, समझना, उनको पूछ लोगे कि भाई भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, फिर कहेंगे कि राष्ट्रीय गीत क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे, चक्कर खा जाएंगे क्या। आपने टीवी पर, यूट्यूब पर कई सारे ऐसे वायरल वीडियोस देखे होंगे जो आते हैं, जो प्रैंक वीडियो शूट करते कई सारे लोग, और वो जाकर के आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहे होते हैं कि बताओ ऐसा कौन सा वर्ड है जो पी से स्टार्ट होता है और ओ आर एन पे खत्म होता है ना, फिर कहेंगे पॉपकॉर्न, है ना, मतलब डर्टी डर्टी डबल, आपसे डबल मीनिंग के वर्ड्स पूछना चाहते हैं आपके माइंड की, क्या भाई किस तरीके का माइंड सेट है। वही लोग आपके पास आकर के नॉलेज भी टेस्ट कर रहे होते हैं, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके। और फिर उसमें लोग अलग अलग जवाब दे रहे होते हैं, कोई कहेगा महात्मा गांधी, फिर कोई कहेगा सरदार पटेल, है ना, ऐसे ही उनसे पूछ लेते हैं ना कई बार नॉर्मल पीपल से कि इंडियन नेशनल एंथम कौन सा है, फिर उनसे पूछ ले कि इंडियन सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग कौन सा है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या होता है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हर इंडियन को आनी चाहिए, हर छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े तक, बच्चे तक को आना चाहिए, है ना। तो नेशनल सॉन्ग जो है हमारा वो है वंदे मातरम, और नेशनल एंथम जनगण मन, दोनों को ही सेम डे हमने 24th जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया, ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया, ये काम किया, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फोर्स में आया, जो लागू हुआ, वो लागू होने से दो दिन पहले ही हमने सारी की सारी चीजें कर ली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। उसने 1950s में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट के में भी इलेक्ट किया, चुन लिया गया। अब आप कहोगे सर इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो पार्लियामेंट करता है। अभी अगर इंडिया के प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन होता है, हमारा लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, स्टेट प्लस यूटीज, जिसमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, इन तीनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो मिलकर के इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। लेकिन भाई उस समय तो हमारे पास तो ये तीनों ही नहीं थी अलग से, हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही टेम्परेरी पार्लियामेंट के फॉर्म में वर्क कर रही थी। तो हमारी मतलब बेसिकली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही पार्लियामेंट थी। अब ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, हम 26 जनवरी 1950 को लागू करने जा रहे हैं, एग्जीक्यूट करने वाले थे, तो उससे पहले हमें जरूरी था कि हमारे पास एक अथॉरिटी तो हो, ताकि बाद में वो चीजों को मैनेज कर सके, जिनके नाम पर, जिनके बेस पर शासन चलाया जा सके। आर्टिकल 53 इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बोलते हैं ना भाई, आर्टिकल 53 कि इंडिया का जो सारा वर्ग है वो प्रेसिडेंट के नेम पर होगा, है ना। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है, कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम पर किया जाए। तो वो होता कैसे जब राष्ट्रपति ही नहीं होता, प्रेसिडेंट ही नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि भाई अभी इनिशियली जो हमारा पहला प्रेसिडेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर मिलकर के इलेक्ट कर देते हैं, फिर बाद में जब इनका टेन्योर पूरा होगा 5 साल का, उसके बाद ये पार्लियामेंट जब होगी तो वो कर लेगी, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स होने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट लागू होने से पहले ही हमने इलेक्ट कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे आपके रिलेटिव्स लोग, या आपके अंकल होंगे, या आपके कोई बड़े रिश्तेदार हैं वो लोग पूछते होंगे, बड़े भैया टाइप के लोग ना, जो फैक्चुअल नॉलेज बहुत रखते हैं, चाहे बेसिक वैसे नॉलेज ना हो लेकिन फैक्ट्स, कुछ कुछ फैक्ट्स बड़े रखते हैं। जैसे कभी बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, कभी ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हैं, और बस में और ट्रेन में ट्रेवल करते टाइम आपको साइड में कोई अंकल मिल गए, है ना, वो पूछ रहे बेटा क्या करते हो, फिर आप कहोगे अंकल मैं तो यूपीएससी के लिए स्टडी करता हूं। अच्छा, तो जरा ये बताओ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में बना,
यूपीएससी की तैयारी करते हो, बता बता, फिर वो आपका नॉलेज चेक करने लग जाते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति टाइप में वहीं पे स्टार्ट हो जाता है, ट्रेन में और बस में ही वहीं पर, और फिर आपको पता नहीं रहता, और फिर आपको बड़ा ह्यूमिलेशन लगता है कि यार बेइज्जती होगी यार, अंकल ने तो बेइज्जती कर दी, आते ही नहीं, फिर आप नहीं बता पाओगे, फिर ऊपर से बोलेगा भी, है ना, बेइज्जती भी करेंगे आपको, ह्यूमिलेट और करेंगे और नीचे करेंगे। तू तो कह रहे थे कि तू, जैसे मेरे साथ भी कई बार हुआ बचपन जब ग्रेजुएशन में होते थे, तो नहीं पता होती चीजें, सबको नहीं पता होती थी भाई, तो नहीं पता होती थी उनको, केवल वही चीज है जो उनको पता है उसी चीज को पूछते थे, हम उनसे कुछ भी पूछ लेते तो वो भी नहीं बता सकते थे, है ना, लेकिन उसका भी उनके पास एक काउंटर आंसर होता था, आंसर नहीं देता, यो बने वो आईएएस, भाई तेरा लक्षण तो ना लागी, तेरा लक्षण तो ना दिख रहा आईएएस बनने का, हरियाणा में टिपिकल है, आईएएस बनने के तेरे है नहीं, दिख नहीं रहे, तेरे साइंस आ नहीं रहे, नहीं बनेगा, है ना, सीरियस नहीं है, बड़ा बहुत ही इंटेलेक्चुअल फेस बनाते हो, सीरियस नहीं है बेटा, ऐसे आईएएस नहीं बनेगा, ऐसे वो आपको पूछते हैं, तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनने में कितना टाइम लगा, कितने पैसे खर्च हुए, है ना, कितने दिन लगे, कितने एक्ट्स थे उस टाइम, ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखें कि इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 इयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज, तो ये आपको ध्यान रखना है, 2, 11, 18, है ना, 2 साल 11 महीने 18 दिन का हमारा टोटल टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, बहुत लंबा टाइम है, छोटा टाइम नहीं है, है ना, कम टाइम में नहीं बना, हमने काफी लंबा टाइम लिया इसको बनाने में, उसका भी रीजन रहा, उसको भी हम समझाएंगे, ठीक है, ये सारा रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आपको भी एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, लेकिन कभी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो कोई आस पास का साइड का कोई अंकल है, उन अंकल जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं वो पूछ ले कितने दिन में, तो बता सको कि हाँ भाई देखो हमें भी पता है कितने दिन में बना। और एक और बड़ा, मेरे तो गाड़ी चल रही, मेरे तो बिल्डिंग ही प्रॉपर्टी है, किराए वारो है बहुत, है ना, तो वो उस तरीके से आपको आंसर देंगे कि भाई हमें नहीं बनना आईएएस, हमें नहीं करनी नौकरी, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आईएएस तो तेरे को बनने, तो तेरे को पता होना चाहिए, तो वो भी रियलिटी है, तो हमें पता होना चाहिए, हमें बेसिक चीजें हमारे संविधान के लिए, हमारे इंडिया की हिस्ट्री के लिए, इन बेसिक बेसिक चीजों के बारे में बहुत डीपली आपको नॉलेज होनी चाहिए, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट ना सही तो एज ए इंडियन सही, लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक है, तो ये जरूरी है, ये देख लेना, ठीक, वो इंपॉर्टेंट था, वो कर लेना है। बाकी हुआ क्या कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो हमने केवल अपने इंडिया के बेस पर तो बनाया नहीं, उसके लिए हमने अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन उसको फॉलो किया, ठीक। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है शायद, है ना, साउंड क्लियर है ना, ठीक है, ठीक, चलिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम भी हमने अलग अलग कंट्रीज को वो किया, तो हमने क्या किया कि द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गोन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज एंड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडर्ड फॉर 114 डेज। तो हमने लगभग 60 कंट्रीज जिनका उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बहुत अच्छे से डिटेल से थोरोली स्टडी किया, थोरोली स्टडी करते हुए फिर वहां से हमने बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो क्या क्या चीज थी उनको हम अब थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर कितना खर्चा हुआ, तो 64 लाख हमारे उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में खर्च आए, तो आपको लगेगा 64 लाख तो क्या ही होते हैं, आ ही जाते हैं, आजकल तो हमारे यहाँ पर एक छोटी सी सड़क या छोटा सा एक कमरा बनाने में लोग इतना रुपए लगा देते हैं, लेकिन उस टाइम के लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी 64 लाख। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो, काम का नहीं है आप,
ये कर दीजिए, ठीक है, ये आप अगर स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, तो नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं, बस अगर एज ए इंडियन या नॉलेज के लिए आप जानना चाहते हो तो जान सकते हो, नहीं तो फिर आप फिर भी अभी यहां पर क्लास में ये चीज पढ़ा रहे ना तो नहीं देखेंगे, लेकिन आपके लिए इसी को एक अलग से टाइटल बना करके कोई करंट अफेयर वाले टीचर आपके लिए वीडियो बना दे, जानिए कितना खर्चा आया भारत के संविधान बनाने में, एक टाइटल थंबनेल बड़ा सा बना दे, तो संविधान बनाने में हुए इतने पैसे खर्च, है ना, 5 से 10 मिनट का, और फिर उसमें वो पहले बिल्डअप करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ऐसे आया, ऐसे ऐसे बना, और इसको बनाने में खर्च हुए 64 लाख रुपीज, और मैं देखता हूं ऐसे वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज, है ना, और काम का कुछ है नहीं, लेकिन एक्साइटमेंट की बात है, वो आप लोग उसमें हो जाते हैं, तो ये काम का नहीं है, एक बेसिक नॉलेज के लिए जानना चाह रहे हो तो जान लीजिए, बाकी काम का है नहीं। संविधान सभा की हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो लास्ट मीटिंग हुई, लास्ट बैठक हुई, वो देख लीजिए कि ऑन January 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन, और उस फाइनल सेशन में हमने नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, तो कुछ मेजर मेजर वर्क थे, वो सारे के सारे मेजर मेजर वर्क जो है हम यहां पर हमने देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, किट हाउएवर डिड नॉट एंड एंड कंटिन्यूड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम January 26, 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1951-52। तो बेसिकली 52 में जो हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट बनी तब तक इसने प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में काम किया, तब तक ये खत्म नहीं हुई, एंड नहीं हुई, ये समझा दिया था मैंने आपको, एक्सप्लेन कर दिया था। अब कुछ कमेटीज है, इन कमेटीज को देख लेते हैं, बहुत सारी कमेटीज थी पार्लियामेंट इसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, सभी नहीं पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ना है, वो मैं आपको बता देता हूं, और उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, नाम याद रखना पड़ेगा, मेमोराइजेशन बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं तो समितियां क्यों बनाई गई, कमेटीज क्यों बनाई गई, आप लोग, आपके माइंड में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन तो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ऑलरेडी थी ही, तो ये अलग अलग कमेटीज क्यों बना दी, ये हम पर क्यों सर पर बोझ दे दिया, है ना। एक तो संविधान सभा भी पढ़ो, उसके बाद उसकी कमेटियां भी पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को भी पढ़ो, फिर उसके बाद कमेटीज के मेंबर्स को भी जाने, सर कितना पढ़ेंगे, है ना, तो फालतू में नहीं बनाते तो ठीक रहता, ऐसा माइंड में आता है जब एक नॉर्मल स्टूडेंट के, जब वो स्टडी कर रहा होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमेटीज है उसको स्टडी करता है, तो इसका रीजन है, समझिए भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो इतने सारे मेंबर थे, अब वो सारे लोग किसी भी इशू के ऊपर डिस्कस करेंगे तो एक एक करके भी अगर कोई डिस्कस करेगा तो बड़े दिन लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाता, और सबके ही अलग अलग व्यू पॉइंट आते, ठीक है, तो कोई भी डिसीजन या कोई भी काम जल्दी नहीं हो पाता, तो इसलिए क्या किया गया, कुछ सेपरेट कमेटीज बना दी गई, और हर कमेटी को ग्रुप में डिवाइड करके उनको अलग अलग काम दे दिया गया कि लो भाई एक काम करो तुम ड्राफ्ट रेडी करो, एक काम करो तुम रिसर्च करो, और रिसर्च करके बताओ फंडामेंटल राइट्स या स्टेट्स के बारे में बताओ कि क्या होना चाहिए, चलो तुम रिसर्च करो एक और कमेटी की, तुम माइनॉरिटीज के बारे में बताओ, अपने व्यू पॉइंट दो, इस तरीके से, जैसे कि आप लोग देखते ना कि हाँ क्रिकेट टीम में भी सबके काम अपने अपने में डिवाइड करते, टीम एक ही है क्रिकेट की जैसे इंडिया की टीम, लेकिन वर्क डिवाइड है, कुछ बैट्समैन है, है ना, कुछ बॉलर्स होते हैं, एक विकेट कीपर होता है, कुछ ऑलराउंडर भी होते हैं, तो ऐसे ही ताकि वो सब लोग अपने अपने काम को, अपने अपने ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी कमेटीज बनाई गई ताकि सभी वर्क को, जो भी काम जो संविधान बनाना चाहते हैं उसको हाईली एकदम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेटर तरीके से वो हम बना पाए और बेटर प्रोविजंस हम कर पाए। अब कई सारी समितियां थी, अब इन कमेटीज में से 8 कमेटीज थी जो बहुत बड़ी बड़ी कमेटीज थी जिनको आपको याद रखना है, कौन कौन से उनको हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी समितियां, मेजर कमेटीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, या मैं कहूं कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से MCQ क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आएंगे ही आएंगे, और मैं भी टेस्ट लेने वाला हूं आप सबका, कब, 29th स्पेशल क्लास में, अनअकैडमी के ऐप पर स्पेशल क्लासेस होती हैं, फ्री होती हैं, वो वहां पर मैं MCQ का टेस्ट लूंगा, जितनी भी मेरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तब तक, तो वो मैं वहां पर टेस्ट लूंगा, ऑलमोस्ट 6 क्लासेस होंगी जो MCQ टेस्ट के लिए रहेंगी, 2 आवर्स की, और इसी मंथ होंगी, तो वहां पर भी आना है स्पेशल क्लास। टेलीग्राम चैनल पर मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा आपको,
लिंक शेयर कर दूंगा, तो उस टेस्ट में भी सबको आना है और वो टेस्ट भी फ्री में आप दे सकते हैं। और उसके लिए लेकिन रेफरल कोड याद रखिए, ये रेफरल कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा LYLIVE। कभी भी कोर्स ज्वाइन करें तो इसी रेफरल कोड के साथ ज्वाइन कीजिएगा LYLIVE, तो फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी, फीस में डिस्काउंट भी हो जाएगा, हमारी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी। कभी कोर्स ज्वाइन करना हो तो भी हमारी प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस आपको इससे मिलेगी। तो जो यूनियन पावर कमेटी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू उसके हेड थे, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी उसके जवाहरलाल नेहरू हेड थे, ठीक है। संघीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल थे, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अंबेडकर थे। तो अगर इनमें भी अगर आपको कभी वो करना हो, सेलेक्शन करना हो कि कौन कौन सी ही पढ़े जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझिएगा। सेकेंड नंबर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है इंडिया की, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अंबेडकर उसके हेड थे, ये आपको याद रखना है। अगले पर चलते हैं, एडवाइजरी कमेटी जो है उन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, उसके लिए सरदार पटेल थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझिएगा। एक मैंने टेंडेंसी देखी है मैक्सिमम स्टूडेंट्स में कि कमेटी से क्वेश्चन आते हैं, आते ही आते हैं, 100% आना ही आना है, आएगा हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और उसमें ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि भाई जो ट्राइबल एंड अगर हम बात करते हैं कि कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, या बोल देंगे कि माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए जो कमेटी है, ठीक है, उसके हेड कौन थे। अब सबको लगता है कि भाई माइनॉरिटीज के लिए तो डिमांड, रिजर्वेशन की डिमांड की थी बी आर अंबेडकर ने, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स उसके लिए भी स्ट्रोंग जो दिमाग लगाया वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने लगाया, तो मैक्सिमम लोग इसमें डॉक्टर बी आर अंबेडकर को टिक कर देते हैं, उनको लगता है कि हाँ वही होंगे बी आर अंबेडकर, क्योंकि उन्होंने ही संविधान में सबसे मेन रोल प्ले किया था और रियलिटी है सबसे मेन रोल उनका रहा था, सबसे मेन आइडिया रहे थे। तो और क्योंकि रिजर्वेशन भी उनसे जुड़ा हुआ है, डिमांड उन्होंने की थी, ठीक, उन्हीं के कारण आया, तो सबको लगेगा कि माइनॉरिटीज वाली कमेटी, फंडामेंटल राइट्स वाली कमेटी वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर की होगी। ऐसा नहीं है, सरदार पटेल उस कमेटी के हेड थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट मैंने लगा दिया क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन के लिए रहता है। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे उसके अंदर, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगले पर चलते हैं, कुछ सब कमेटीज भी थी इसी कमेटी की, सब कमेटीज थी तो उनको आप छोड़ सकते हैं, ठीक, आपके लिए काम की नहीं है, इनको आप स्किप कर दीजिए, मेन के ऊपर ही फोकस कर लीजिए, ठीक है, इनको छोड़ दीजिए, ये आपके काम की नहीं है। हाँ, सिक्स्थ कमेटी पर आ जाते हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये रही। स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स जवाहरलाल नेहरू, इंपॉर्टेंट है बहुत, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर भी एक कंफ्यूजन होता है सबको, और वो क्या कंफ्यूजन होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। इंडिया का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, मैंने बताया, और इंडिया के इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले किसने किया, सरदार पटेल ने। कैसे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन सबको इंडिया में इंक्लूजन के लिए उन्होंने एफर्ट्स लिए, तीन प्रिंसली स्टेट्स जो इंडिया में नहीं आना चाहते थे उनको भी उन्होंने करवाया, है ना, किसी को डंडा मार करके, किसी को रेफरेंडम से, किसी को उनके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके, डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना, विलय पत्र साइन करके। तो सभी को लगता है कि यार इंटीग्रेशन के फादर भी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। अब ऐसे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक कमेटी भी थी और उसका नाम है कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स, राज्यों के साथ समझौता करने वाली समिति। और इस स्टेट कमेटी के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि हु वाज द हेड ऑफ स्टेट्स कमेटी, या हु वाज द हेड ऑफ स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स, और उसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, और सबका आंसर आएगा सरदार पटेल। तो वो कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए, जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से आता है क्वेश्चन आते हैं और यहां से इस तरीके की प्रॉब्लम भी रहती है, तो जवाहरलाल नेहरू करेक्ट इसका आंसर रहेगा, ठीक है।
एक और है जिसको हम स्टीयरिंग कमेटी बोलते हैं, संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये इसके हेड रहे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इन आठ में से चार कमेटीज, पांच कमेटीज जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रख लेना है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। कुछ छोटी समितियां थी, ठीक, इन छोटी समितियों को आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, आपके लिए नहीं आएंगे। अगर आप यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपेयर करते हैं, आप स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी करते हैं, आप नेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, नहीं आएगा। हाँ, अगर एसएससी में कर रहे हो या और लोअर लेवल के क्लेरिकल या इन रेलवे टाइप के एग्जाम की, तो उसमें कई बार हल्का फुल्का पूछ लिया जाता है, तो आप इन कमिटीज को देख सकते हो। लेकिन जो हायर लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा कंप्लीट। ठीक है, कोई काम का नहीं है आपका। ठीक है, इनको छोड़ दीजिएगा, इनको स्किप कर देना पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी, उसको देख लीजिए। और वो क्या है? वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब इसका गठन जो है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? अगस्त 29, 1947। तो आपको एस्टेब्लिशमेंट देखने की जरूरत नहीं कि कब एस्टेब्लिश हुई, बस आपको बेसिकली इसके मेंबर्स का पता होना चाहिए और इसके वर्क का पता होना चाहिए कि इसने क्या वर्क किया। इट वॉज दिस कमेटी दैट वॉज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो जिम्मेदारी दी गई, वो इस ड्राफ्टिंग कमेटी को दी गई। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया, तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जितनी भी कमेटीज थी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी है? तो ड्राफ्टिंग कमेटी है। ठीक है, सात मेंबर थे, इट कंसिस्टेड ऑफ सेवन मेंबर्स। कौन कौन से मेंबर थे? इन मेंबर्स को आप याद कर लीजिएगा, नाम देख लीजिएगा। चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, इनके हेड थे, अध्यक्ष थे। और ये सातों मेंबर्स के नाम आपको टिप्स पर होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, एन माधव राव। पहले क्या है, एक बी एल मित्र नाम के एक पर्सन थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर थे, लेकिन उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती थी, तो हेल्थ अच्छी नहीं होती थी। तो देखो कितना अच्छा था उस टाइम का सिस्टम, कितना अच्छा था, लोग कितने ऑनेस्ट होते थे, कितने मोरल होते थे, मोरलिटी कितनी अच्छी थी, देश के लिए देशभक्ति कितनी अच्छी थी। कि कोई पर्सन है जो ड्राफ्टिंग कमेटी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको ड्राफ्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, उसका मेंबर है बी एल मित्र, बी एल मित्र नाम के, और वो बीमार है, वो हेल्थ सही नहीं है, खुद ही रेजिग्नेशन दे दिया हेल्थ इश्यूज के कारण, कि देखो भाई कि मैं हेल्दी नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, तो मैं अपना अच्छा, मैं पूरा अपना इनपुट नहीं दे पाऊंगा, तो इससे हमारे इंडिया को नुकसान होगा, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को गलत गड़बड़ होगी, तो क्यों मेरी जगह कोई और ज्यादा योग्य और एलिजिबल पर्सन यहां पर हेल्प करे। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है, आज के टाइम में तो इंसान अगर कोई मेंबर बन गया तो जब तक मरण भी नहीं जाएगा ना, लास्ट स्टेज पर भी होगा, तब तक भी खुद से रिजाइन नहीं देगा कि यार मेरी जगह कोई एलिजिबल कैंडिडेट आ जाए, वो तो जीतते जीत मरने के बाद ही उसकी सीट खाली होगी। तो एन माधव राव थे, वो बाद में आए, ओरिजिनली उसका मेंबर नहीं थे, लेकिन जो बीएल मित्र थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो उसके बाद एन माधव राव आ गए। अब ऐसे ही एक और पर्सन थे जिनकी डेथ हो गई थी, दो सीनियर लोग होते थे ना उस समय, सारे के सारे सीनियर लोग थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवान लोग बहुत कम थे, यंग जनरेशन के जो लोग थे ना वो बहुत ही कम थे, यंग जनरेशन जो थी वो थोड़ी गर्म खून वाली थी, तो भगत सिंह टाइप की, सरदार जो भगत सिंह टाइप की, सुभाष चंद्र बोस टाइप की होती थी, गर्म खून का है ना, तबाही कर देंगे, ये मचा देंगे, बम फोड़ देंगे, ब्रिटिशर्स को गोली मार देंगे, इस तरीके की। उस टाइम में समझा जाता था कि जो सीनियर लोग, जो बड़े हैं, तजुर्बेकार हैं, वो लोग ज्यादा बेटर काम कर सकते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी मैक्सिमम जो लोग थे, जो मेंबर्स थे, वो थोड़े सीनियर मेंबर थे, और कुछ तो बहुत ज्यादा सीनियर टाइप के मेंबर थे, तो बीच बीच में डेथ भी होती रही होगी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें डीपी खेतान नाम के एक व्यक्ति थे, एक पर्सन थे, उनकी डेथ हो गई, तो उनके बाद वहां पर टीटी कृष्णाचारी ये यहां पर आए। तो ओरिजिनली कृष्णाचारी और एन माधव राव, ये दोनों ओरिजिनली ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में बाद में एड हुए दो मेंबर्स की जगह पर। तो ये टोटल सेवन मेंबर्स हैं जो आपको यहां पर याद करना है, जिनको ध्यान रखना है।
ठीक है। अब भाई अब ये करेंगे सर, अभी एक बार उनकी एक्टिंग करिए, अब इतना भी एक्टर नहीं हूं मैं, तो आप लोग बोर ना हो तो कॉमेडी कर देते हैं बीच बीच में, अब जबरदस्ती की एक्टिंग कहां से कर दे, आते थोड़ी है वो, अगर ऐसी चीज होती तो आज यहां थोड़ी होते, फिर आपको मुंबई में मिल रहे होते कहीं पर, है ना, एक्टिंग करते हुए देख रहे होते हैं वो, तो आपके लिए थोड़े कार्टून पंथी कर देते हैं हम एज ए टीचर, है ना, कि चलो आप लोग बोर ना हो, हम ही कार्टून बन जाते हैं, अपने ऊपर ही हंस लें दुनिया, है ना, तो अपने ऊपर हंसा दिया जाए तो अच्छी चीज है ना हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हंसने से ब्लड फ्लो अच्छा रहता है ना, मूड फ्रेश हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि प्रोफेशनली एक्टर है कि अब हर किसी की एक्टिंग करके बताएं कि कौन किस किस तरीके से था, कौन कैसे था, जहां पर जरूरत होती है जिसको आती है वो कर देते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया कि द ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द प्रपोजल्स ऑफ द वेरियस कमेटीज prepared the first draft of the Constitution of India, which was published in February 1948. तो हमारे Constitution का पहला draft बनाया। Draft का मतलब क्या है समझिए कि हमारे Constitution में जितने भी articles होंगे, जितने भी schedules होंगी, जितने भी parts होंगे, उनके अंदर में उन सब categories क्या होंगी, किस article में क्या चीजें होंगी, इन सब को एक साथ एक जगह पर इकट्ठा किया गया और एक जगह इकट्ठा कर करके फिर उसको draft बनाया गया, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट, यानी कि उसमें कंप्लीट सारी चीजें आ गई। तो वो जो ड्राफ्ट है ना वो परमानेंट नहीं था, उसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए, बहुत सारी चीजें जुड़ी, ऐड की गई, बहुत सारी चीजों को रिमूव किया गया, बहुत सारी चीजों को अमेंड भी किया गया, तो लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास आ गया कि हाँ भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन है, अब इस पर डिबेट करो, अब इस पर डिस्कशन करो कि इसमें क्या और बेटर कर सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट रेडी किया, बाकी सभी कमेटीज के जो अलग अलग उनके चीजें जो उन्होंने प्रपोजल दिए थे उनको लेकर के। ठीक है, अब द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट्स। तो भारत के लोगों को टाइम दिया गया 8 महीने का पहले ड्राफ्ट के बाद कि भाई एक काम करो, डिस्कस करो, बातचीत करो, खूब करो, और उसके ऊपर बताओ कि क्या अमेंडमेंट होना चाहिए, किस तरीके से। और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई सीक्रेट टाइप से काम नहीं करती थी, सीक्रेसी नहीं होती थी, उन्होंने पूरे इंडिया के लिए पब्लिकली खोल दिया, बताओ भाई, कॉमन पीपल भी, आम आदमी भी हो, अगर आपका भी कोई आइडिया तो आप भी आइडिया दो, सभी लोग मिलो, सब लोग बताओ कि और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले लोग तो थे ही, लेकिन जो कॉमन पीपल थे उनसे भी हमने सजेशंस मांगे, बेसिकली आइडिया लिया, 8 मंथ का टाइम दिया कि बता दो भाई कि क्या करना है, क्या क्या अमेंडमेंट इसमें प्रपोज हमें करने हैं, ये वर्क हुआ। अब ऐसे में इन द लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड सजेशंस, द ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड ए सेकंड ड्राफ्ट व्हिच वाज पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1948। द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट, इट ऑल इट सेट ओनली फॉर 140 डे। ये सेकंड ड्राफ्ट वगैरह का आपको काम का नहीं है, आपको बस सिंपल से समझना है फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया, सेकंड ड्राफ्ट कब आया, ये आपको पीएचडी नहीं करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, यहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको बस बेसिक से ये चीज समझनी है कि भाई एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने सभी कमेटीज के रिकमेंडेशंस पर उनके प्रपोजल्स को लेकर के एक जगह पर उनको कंबाइंड करते हुए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया। उस ड्राफ्ट को उन्होंने इंडिया के सभी पीपल्स के लिए ओपनली पब्लिकली प्रेजेंट किया कि भाई आप बताओ इसमें क्या कमियां हैं, है ना, मेरिट्स और डिमेरिट्स सब पर डिस्कस करो, बताओ, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको और बेटर करेंगे। तो ये ऐसा ही हुआ इंडिया में हर चीज के लिए, कुछ इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ, बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी किए गए, तो उनको सुधारा गया, इंप्रूव किया गया, तो ये एक बेटर चीज थी। आज के टाइम में ऐसा होता नहीं है इंडिया में, वो जो एरा था ना वो अलग ही एरा था। आज के टाइम में तो अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट लेकर के आती है बिल, और गवर्नमेंट को लोगों के लिए, पीपल्स के लिए काम करना होता है, लोगों के लिए एक्ट बनाते हैं। अब गवर्नमेंट करती क्या है कि लोगों से पूछती नहीं है पहले, बिना पूछे पहले कोई बिल बना लेगी, फिर उसको एक्ट बना देगी, ठीक है, पार्लियामेंट से पास भी करवा देगी, उसके बाद उसको पता चलता है कि भैया ये बिल अच्छा है कि खराब है, क्यों, क्योंकि लोग फिर अपोज करना स्टार्ट करते हैं, सड़कों पर धरना प्रदर्शन, हड़ताल करते हैं, कुछ लोग उसके समर्थन में, है ना, उसके मेरिट्स को लेकर के उनके साथ में आते हैं, डिवाइड हो जाता है, बहुत ज्यादा होचपोच वाली सिचुएशन हो जाती है। अच्छी चीज ये कि वो बिल लाने से पहले, ऐसी चीजें लाने से पहले एक बार कंसेंट ले लिया जाए, सभी से पूछ लिया जाए
कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, क्या हो सकता है क्या नहीं, वो चीजें हम इतना नहीं करते, उतनी मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन उस समय देखो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उस टाइम इतनी मैच्योरिटी थी कि हमने बाकी इंडियंस को भी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही, कॉमन इंडियंस को भी इन्वॉल्व किया। तो ध्यान रखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसके बारे में आलोचना की जाती है कि कुछ ही लोगों ने बनाया, ऐसा नहीं है, आइडिया दिमाग सबसे, सजेशन सबसे लिए गए, ये देख लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे मेंबर थे, इनमें एक मेंबर जो है थोड़े से एक्स्ट्रा है, पर सात मेंबर्स यही है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर यहां पर है, ठीक है, आप देख लीजिए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स एक फोटो आपके लिए पिक्चर लेकर के आए हैं। अब बात कर लेते हैं कि एनेक्टमेंट कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, किस तरीके से एनेक्टमेंट हुआ, क्या क्या चीजें हुई, और क्रिटिसिज्म वगैरह वो भी देख लेंगे। अब होता क्या है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली ऑन नवंबर 4, 1948, फर्स्ट रीडिंग हुई, द असेंबली हैड ए जनरल डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 डेज टिल नवंबर 9। ये आपके लिए काम का नहीं, इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, बिना बात के आप परेशान होंगे, नोट्स बनाने के लिए भी काम नहीं है, ठीक है, कि कब कब, बेसिकली यही चीज है कि जो फाइनल ड्राफ्ट आया उस फाइनल ड्राफ्ट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस हुआ, हर पार्ट पर, हर इशू पर बारी बारी से, है ना, सीक्वेंस में सब लोगों ने डिस्कस किया, डिस्कशन करके कंप्लीट हो गया उसके बाद, और काफी सारे कितने अमेंडमेंट आए, है ना, कितनों पर डिस्कशन हुआ, तो ये सारी चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, ये आपसे आएगी नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हाँ वो अलग बात है कि कोई कोई टीचर कोई आपको यूट्यूब पर कोई ऐसे बना करके दे दे, जानिए भारत की संविधान सभा में कितने संशोधन प्रस्तावित किए गए, डू यू नो हाउ मेनी अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फर्स्ट ड्राफ्ट, एक ऐसा टाइटल लगा करके, और फिर भागे भागे जाएंगे सब मिलियंस में उसके ऊपर, अरे बाप रे, फिर नॉलेज करके फिर अपने आसपास के लोगों को बताएंगे, डू यू नो कि इंडियन 2473 प्रपोजल आर अमेंडमेंट्स आर प्रपोज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फाइनल ड्राफ्ट। तो दूसरा कहेगा नहीं यार मेरे को तो नहीं पता था, आई डोंट, देखा मेरे को पता था, आई एम द वन हु हैव नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर, है ना। तो फिर ऐसे में अपनी बड़ाई दिखाने के लिए वो करते हो, एग्जाम के लिए नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम के लिए बकवास है, काट दीजिए, स्किप कर दीजिए, ऐसे चीजों में टाइम वेस्ट भी नहीं करना है आपको, ठीक है, इसको देख लेना है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को देखते हुए चल लेना है, क्या कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर मूव्ड ए मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ठीक है, एक मोशन, एक प्रस्ताव इन्होंने रखा, पेश किया, जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन नवंबर 26, 1949 and received the signature of the members and the president. तो ये डेट थी भाई, इसीलिए इस डेट को हम रखते हैं कि जिस दिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया, लागू नहीं, ठीक है, हमने अडोप्ट किया, अपना लिया, फाइनल हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम, क्या भाई रेडी है, बिल्कुल फाइनल हो गया। तो 26 नवंबर 1949 की डेट इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, तो ये डेट इसको इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। अब इसके बाद कितने मेंबर उपस्थित थे, कितने दिन किए, साइन किए, तो ये छोड़ दीजिए, इसका पहली लाइन काम के नहीं है, ठीक है, इसको समझ लीजिए, ठीक। तो एक और देख लेना है कि यहां तक कि केवल पहली लाइन, ये लाइन को आप काट देना, सेकंड लाइन आपको पढ़ना है, दिस इज ऑल्सो द डेट मेंशनड इन द प्रीएम्बल एज द डेट ऑन विच The people of India in Constituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves this constitution. यानी कि जो हमारी preamble है, जब आप preamble पढ़ेंगे ना, preamble को read करेंगे, we the people of India, है ना, we the people of India, और उसमें last में date लिखी रहेगी, तो उसमें वो जो date है वो date यही है, कौन सी, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, यही डेट दी जाती है,
क्योंकि इस डेट हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, ये हो गया था। बाकी हमने सिंबोलिकली 2 महीना डिले किया, 2 मंथ के लिए हमने डिले किया। रीजन क्या था, क्योंकि जो पुराने टाइम में 1930s में जो कांग्रेस थी उन्होंने फर्स्ट भारत की जो थी, आपको अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि स्वतंत्रता की घोषणा की थी, है ना, इंडिपेंडेंस का अनाउंसमेंट किया था, तो वो डेट 26 नवंबर होती थी, 26 नवंबर थी, तो उस डेट को सिंबॉलिक मानते हुए, एज ए सिंबल अडोप्ट करते हुए हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन को 2 महीने के लिए डिले किया कि ठीक है हम इसको फोर्स जो लागू करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हम 26 जनवरी 1950 तक वेट करेंगे। लेकिन काम रेडी हो गया था, सब कुछ कंप्लीट रेडी कर करके बैठ गए थे, 26 नवंबर 1949 तक हो गया था, ये देख लेना। बाकी आप सब प्रियम्बल को देखेंगे तो उसमें जो हमने 26 नवंबर को जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट किया उसमें इट कंटेन्ड ए प्रियम्बल, एक प्रियम्बल थी, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थी, ठीक है। द प्रियम्बल वॉज एनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी एनेक्टेड। तो प्रियम्बल जो है उसको हमने जब हमारा संविधान लागू हो गया उसके बाद ही लागू किया, उससे पहले नहीं, ठीक है। रीजन क्या था कि समझिए कि प्रियम्बल में क्या है, यहां पर प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, यहां पर सारी चीजें मिलती हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जिस्ट देखने को मिल जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जिस्ट मतलब जो मेन मेन चीजें हैं, फीचर्स हैं, वो सब आपको यहां पर मिल जाती हैं कि भैया क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, किस तरीके का जस्टिस है, किस तरीके का फ्रीडम है, ब्रदरहुड है, सोशल जस्टिस है, राइट्स हैं, कौन से राइट्स हैं, इक्वेलिटी है, कैसे है, है ना, सोवरनिटी है, कैसे है। तो बेसिकली हमारे पूरे, हम ये चीज तभी बना सकते हैं ना जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन हो, उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने समराइज कर दिया, एक तरीके से समरी है हमारे पास प्रियम्बल, तो वो हुआ। और प्रियम्बल जो है वो पूरा कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन जब इनेक्टेड हो गया उसके बाद ही उसको इनेक्ट किया गया, उससे पहले नहीं था, ठीक है। अब इसके साथ साथ डॉक्टर बी आर अंबेडकर, देन लॉ मिनिस्टर, उस समय कानून मिनिस्टर होते थे, पायलोटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली, ठीक है। संविधान के प्रारूप को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने वहां पर रखा था, बाकी आगे की चीजों को स्किप कर सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है। हाँ, अगर आप डॉक्टर बी आर अंबेडकर पर पीएचडी करना चाह रहे हैं और सोशल जस्टिस के बहुत बड़े पैरोकार हैं तो आप वो चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हिस्ट्री का एरिया है, तो हिस्ट्री वाले एरिया में आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पॉलिटी के लिए अपने को बेसिक यहीं तक ही लिमिट रहना है ना। हाँ, ये अलग बात है कि ये रियलिटी है कि उनका रोल, उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा और उन्हीं का ही बहुत इंपैक्ट इस पर पड़ा, और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इतना अच्छा बनाने के लिए ट्राई किया, तो उन्होंने प्रेजेंट किया था, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये इस लाइन को आप अपने नोट्स में कर लेना, ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के संविधान के पिता डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कहा जाता है। तो यहां से आपका क्वेश्चंस भी आ जाएंगे आपके एमसीक्यू में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को नोट्स में बना लेना है, ठीक है, कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो बी आर अंबेडकर है, ठीक, ये देख लेना है। अब इसके साथ साथ और भी देख लेना है कि दिस ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मनु, आधुनिक मनु की संज्ञा उनको दी जाती है। तो ये लाइन्स आपको क्लियरली बता देते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बी आर अंबेडकर का कितना ज्यादा रोल था, बहुत बेहतरीन उनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में वो था। आधुनिक मनु, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही नहीं कहा जाता किसी को भी, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने सच में ही रियलिटी में ऐसा काम किया, जो आज आपके सामने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है ना उसमें मेजर पार्ट उनका ही था, उनका आइडियोलॉजी उनकी थी, ठीक है, उसके लिए अलग अलग प्रोसेस, इंटेलेक्चुअलिटी, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन थे भाई, इतनी सारी डिग्री, और ऐसी वैसी डिग्री नहीं जो आज के टाइम में कर लेते हैं, अलग अलग इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज, बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज, वहां से डिग्रीज, वहां की इंटेलेक्चुअलिटी का लेवल बड़ा हाई, आज के टाइम का तो हाईएस्ट लेवल का इंटेलेक्चुअल भी मेरे को लगता है उनके सामने 50% भी नहीं होता,
इतनी हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, इतनी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग रियलिटी की, रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग वो थी, तो उसका यूज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, भारत के संविधान को बनाने में, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये वर्क उन्होंने कहा, ठीक है, इस चीज को देख लेना है। आगे चलते हैं, अब एनफोर्समेंट का देख लेते हैं कि एनफोर्समेंट कब हुआ, हमारा संविधान कब लागू हुआ। तो ये तो आपको पता ही कि एनफोर्समेंट 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन कुछ आर्टिकल्स उससे पहले ही अनेक्ट हो गए थे। कुछ आर्टिकल्स जो है उससे पहले ही हो गए थे। सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजनल एंड शॉर्ट टाइटल कंटेंट इन आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 63, 324, 366, 67, 379, 80, etc. came into force on November 26, 1949. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिनको एज अर्ली एज पॉसिबल, एज एप आप जिसको बोलते हैं, जल्दी से जल्दी रिक्वायर्ड था कि आ जाए, खासकर के सिटीजनशिप, क्योंकि सिटीजनशिप का बड़ा मुद्दा था, इशू था वहां पर कि इंडिया के सिटीजन कौन होंगे, क्योंकि जब डिवाइड हुए भारत पाकिस्तान तो इंडिया से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया में आए, तो उनको शरणार्थी बोला जाता था, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो यहां से इंडिया से गए पाकिस्तान में, उनको लगा कि पाकिस्तान में रहेंगे, लेकिन फिर उनको पाकिस्तान पसंद नहीं आया तो फिर वापस आ गए। तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी था कि इंडिया का सिटीजन कौन होगा। तो ऐसे कुछ मेन मेन आर्टिकल्स जो थे, और भी उसके अलावा बाकी के अदर आर्टिकल्स थे, वो उनको हमने 26 नवंबर 1949 को ही, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, तभी से ही वो एनफोर्स में आगे लागू हो गए थे, हो, ठीक है। अब बाकी के जितने भी प्रोविजन बच गए, जो मेजर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, वो द रिमेनिंग प्रोविजंस, द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। दिस डे इज रेफर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। 26 जनवरी 1950 तारीख याद कर लीजिए, उस दिन हम गणतंत्र हो गए, है ना। तो पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में, पहले चैप्टर में हम आजाद हुए थे, हम इंडिपेंडेंट हुए, और आज के चैप्टर में हम रिपब्लिक हो गए, गणतंत्र हो गए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। और बधाई हो आप सब लोगों की, आप सब लोग इस जर्नी में रहे साथ, हालांकि उस टाइम हम पैदा नहीं हुए हम सब लोग, लेकिन हमने वो जर्नी देख तो ली और विजुअलाइज भी कर ली। अगर आपने क्लास देखी होगी तो आप विजुअलाइज भी कर पाए होंगे कि वो कैसे वो जर्नी चली। तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, एनफोर्समेंट हो गया, और अब हम रिपब्लिक हो गए, ठीक है। 26 जनवरी 1950, वही रिपब्लिक जिस दिन आप इंडिया गेट पे परेड देखते ना, इंडिया गेट के ऊपर पूरे की पूरी जो रिपब्लिक डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, किसी फॉरेन कंट्री के उसके हेड को यहाँ पर इनवाइट करते हैं, वो आते हैं, और फिर हम सब लोग अपने अपना अलग अलग झांकियाँ और वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, है ना, मार्च फास्ट करते हैं, एक प्राउड मूवमेंट होता है, एक रोंगटे खड़े देने कर देने वाला मूवमेंट होता है ना, वो वाला, तो वो हम यहाँ पर हो गए। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं। जनवरी 26 वाज स्पेसिफिकली चूजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस। हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस मैंने आपको बता दी थी कि क्यों 26 जनवरी ही सेलेक्ट किया गया, ठीक है। अगर नहीं जाना है तो फिर से एक और आप देख लेना है कि जैसे ही विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद ऑल एनेक्टमेंट्स अमेंडिंग और सप्लीमेंटिंग द लेटर एक्ट वर रिपेल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था और उसके जो वो सब कंप्लीटली यहां पर क्या हो गए, समाप्त हो गए, क्योंकि पहले उन्हीं के अकॉर्डिंग हम गवर्न कर रहे थे, शासन चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग चीजें हो रही थी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो वो सब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, खत्म हो गया, मामला समाप्त, ठीक है। अब हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस और देख लीजिए कि हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस क्या था। इट वॉज ऑन दिस डे इन 1930 दैट पूर्ण, ये पूर्ण है, PURNA, ठीक है, पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन इन दिसंबर 19
29 ऑफ INC, ठीक है। 1930 में ये देखो यहां की एक पिक्चर है आपके सामने जो 1929 में जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जो लाहौर अधिवेशन जिसको हम बोलते हैं, तो पुराने टाइम में इस तरीके से अधिवेशन होते थे। उस टाइम हम कोई आज की जैसी मॉडर्न असेंबली या मॉडर्न गैदरिंग नहीं होती थी कि चारों तरफ सोफे लगा रखे हैं, है ना, कंफर्टेबल सोफा सेट है, उसके ऊपर बैठे हैं कंफर्टेबली, मजे सामने, हर किसी के पास माइक है ना। उस समय तो इस तरीके होते, इस तरीके से ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं क्या मार्केट जैसा, तो इस तरीके से ही गैदरिंग होती थी। एक ही माइक होता था, एक मंच होता था, ठीक है, एक स्टेज होता था, उस स्टेज के ऊपर सिंगल माइक, तो उस पर जवाहरलाल नेहरू ने, यहां पर आप देखोगे ना, तो इन्होंने डिमांड की थी, इन्होंने एक्सेप्ट वो रखा था, तो पूर्ण स्वराज की जो डिमांड हमने रखी थी वो 26 जनवरी को रखी थी, तो उस डिमांड को सिंबॉलिक मानते हुए हमने 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्समेंट में लाने का प्रावधान किया। अब इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, एक मिनट रुकिए, ये आपके काम का नहीं है, इसका यूज नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये इसको आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ये वाला जो है एक्सपर्ट कमिटीज ऑफ कांग्रेस, इसको आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, काम का नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली स्किप कर दीजिए, काम की नहीं है। ये भी स्किप कीजिए कंप्लीट। ये पूरी कमेटी वाला जो है वो स्किप कर देना है, जो कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के नाम से जो पूरे जो लाइंस हैं ये आप इनको कंप्लीटली स्किप कर दीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के लिए नहीं आने वाले, ठीक है। हाँ, अगर आप PhD कर रहे हैं उस चीज को लेकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करनी है तो उस बोझ को नहीं लेना है, नोट्स में भी नहीं रखना है, हटा देना है। अब मेजर चीज पर आ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या एकदम अपने आप में कंप्लीट थी, तो ऐसा नहीं था। इंडिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसकी कोई क्रिटिसिज्म ना हो, आलोचना ना हो, आलोचना हर चीज की होती है। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने इतना अच्छा वर्क किया, उसका भी इतना क्रिटिसिज्म किया उस टाइम भी और आज भी करते हैं लोग। मैं तो अभी भी कमेंट बॉक्स में भी देख रहा था कुछ कर रहे थे, उन कमेंट्स को मैं आपको बताता हूं उसको कैसे टैकल करना है, उसका आंसर कैसे लेना है, क्योंकि ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप UPSC की तैयारी करते हैं तो ये मेंस का क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपका मेंस का आएगा, कैसे आएगा वो मैं समझाऊंगा। क्रिटिसिज्म को ऊपर चलते हैं। अब कुछ चीजें थी जिसका क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ, और इंडिया में ऐसा होता भी है, हम कुछ भी कर लें किसी के लिए आपकी आलोचना तो होनी है, आप जान भी निकाल करके दे दोगे तो भी आलोचना होनी है ना। जैसे कई बार हम स्टूडेंट्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हम अपने सब कुछ लगा देते हैं, फिर भी आलोचना, फिर भी डिसलाइकर्स जो हेटर्स हैं वो आते हैं डिसलाइक करके, है ना, दिल निकाल करके भी रख देते ना सामने कि लो देख लो, दिल ले लो, तुमसे कितना प्यार है, तब भी ये कहेगा कि ना यार तुम्हारा दिल है ना ढंग से धड़का नहीं, हार्ट इज नॉट बीटिंग एग्जैक्टली, थोड़ा कम धड़का, उसमें भी कमी निकाल लेते हैं। ऐसे लोग होते हैं, उनको हर चीज में कमी आती है। शादी में खाना खाने जाएंगे, फ्री में खाना मिल रहा है तो वो ये नहीं देखेंगे कि फ्री में खाना हो रहा है, वो वहां पर कमी निकालेंगे, रसगुल्ला थोड़ा साइज में छोटा था, बड़ा नहीं था, चाट तो बकवास ही थी, चाट तो इतनी गंदी थी, नमक बहुत ज्यादा डाल रखा था, है ना, है? इनके खाने में मतलब 10 प्रकार की रोटी होंगी, अलग अलग टाइप की रोटी होंगी, है ना, नान होगा, लच्छा परांठा होगा, मेसी रोटी होगी, सिंपल रोटी होगी, तवा रोटी, फिर कहीं रुमाली रोटी नहीं थी भाई, बाकी तो ठीक थी, रुमाली रोटी नहीं थी। मतलब वो क्रिटिसिज्म आदत है भाई, वो अंदर लेकर के आते, नेगेटिविटी अंदर से लेकर के आते हैं, और कुछ चीजों के बारे में सही तरीके से भी क्रिटिसिज्म होता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेकर के भी बहुत सारे चीजें रही, लोगों के मन में डाउट रहे, ठीक है, तो वो सारी की सारी यहां पर होता है, तो उसको समझाते हैं कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के क्या क्या क्रिटिसिज्म हुए, और इसको भी सोचते हैं, ठीक है, इसको भी देखते हैं कि किस तरीके से आंसर देना है, क्योंकि वो ठीक है,
हर कोई कोई भी इंसान कंप्लीटली पूरा नहीं होता एक दूसरे के अंदर, ये ध्यान रखना है ना, फुल्ली कोई कंप्लीट नहीं है, कोई ऐसा चमत्कारी व्यक्ति नहीं है भगवान ने या ऊपर से कोई पैदा होकर के आया वो फुलफिल है कि वो सब कुछ जानता है सब कुछ करता है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी ऐसी ही थी भाई, हम आजाद हुए थे नए नए, कोई हमारे पास एक्सपीरियंस थोड़ी था। ब्रिटिशर्स की अंग्रेज अमेरिकन जो थे उन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो एकदम से थोड़ी बन गया था, उनको भी कई सौ साल लगे थे, उनके पास उतना एक्सपीरियंस था तब जाकर के उनका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बना। इवन आप मान करके चलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करता हूं, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक अमेरिका और ब्रिटेन ने विमेन्स को वोटिंग के भी राइट नहीं दिए थे, जबकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पहले से बन चुका था। 1960s तक आप देखोगे अमेरिका के अंदर पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, रंग भेद की नीति थी, ब्लैक पीपल्स को राइट्स नहीं थे, है ना। तो अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म तो हम हर चीज की कर सकते हैं, आलोचना करने वाले तो हर कोई करते हैं, उनका एक अंदर तक वो छुपी रहती है, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जितनी भी आलोचना हुई नेगेटिवली वो ज्यादातर फॉरेन जो लोग रहे हैं ना, जो फॉरेनर्स रहे हैं, जो वेस्टर्न जो राइटर्स है ना, उन लोगों ने की। हमारे इंडिया की कोई भी चीज हम ग्रोथ करते हैं, अच्छी चीज करते हैं, तो उसका क्रिटिसिज्म सब करने की कोशिश करते हैं लगते कि, लेकिन इस चीज को समझना है कि उस समय की कंडीशंस क्या थी, सिचुएशंस क्या थी। तो एक एक करके एक क्रिटिसिज्म को लेते हैं और उसको बताते हैं कि वो क्रिटिसिज्म सही क्यों नहीं है, गलत क्यों है, इसको देखते हैं। देख लीजिए कुछ बेसिस हैं। पहला बेस क्या कहते हैं, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये कहा जाता है कि प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। और इसके लिए क्या कहा जाता है, द क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एज इट्स मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। बात तो बिल्कुल ठीक है कि भाई हमारी इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर इलेक्ट नहीं हुई थी, ये बात बिल्कुल ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई। लेकिन ये क्रिटिसिज्म आप आज बैठ करके कर सकते हो, यहां पर आज के टाइम में जब आपके सामने एक लंबी हिस्ट्री है इंडिया के इंडिपेंडेंस की, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की 70 ईयर्स की हिस्ट्री है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब क्या इससे पहले आपने कभी एक बार भी इलेक्शन करवाए थे पूरे होल इंडिया में? क्या ऐसी फंक्शनरीज हमारे पास थी? क्या हमारा इलेक्शन कमीशन इतना कैपेबल था उस टाइम कि पूरे इंडिया के अंदर फेयर इलेक्शन करवा लिया जाता, कंप्लीट इलेक्शन करवा लिया जाता? क्या इतने ऑफिसर, इतना स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल था? क्या इतना पैसा, इतनी मनी हमारे पास थी? नहीं थी, रीजन ये था। तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं था पहली चीज तो ये क्रिटिसिज्म करना कि भैया डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, तो वो एक तो पहली चीज तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। दूसरी ये चीज कहना कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, ये गलत है, ये फुल्ली रॉन्ग है, इसको समझिएगा। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का मतलब ये होता है कि आपको किसी कम्युनिटी को या किसी स्पेशल कैटेगरी को वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सभी थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, विमेन्स थी, है ना, बहुत अमीर लोग भी थे, बहुत गरीब लोग भी थे, नॉर्मल लोग, हर किसी को, ईच एंड एवरी सेक्शन, हर किसी को यहां पर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया था। कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं था जिसको रिप्रेजेंटेशन ना मिला हो, ठीक है। तो पॉपुलेशन के बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन तो सबको मिला था, लेकिन यह बात कहना उस टाइम के लिए कि भाई यूनिवर्सली अडल्ट फ्रेंचाइजी पर नहीं हुई थी, तो भाई वो पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए नहीं हुई थी। आज भी, आज के टाइम में भी इंडिया में जनरल इलेक्शन होते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल इलेक्शंस की, इंडिया के अंदर लोकसभा के लिए ले लीजिए। आज तो हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ईवीएम मशीन है, क्या आज के टाइम में भी जनरल इलेक्शन आप एक ही बार में करवा सकते हैं? इसको भी मंथ्स लग जाते हैं, 2-3 महीने का टाइम लग जाता है, अलग अलग स्टेजेस में इलेक्शन होते हैं, और उसके लिए कितने ज्यादा फंड, फंक्शनरीज, मशीनरी, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है, फिर भी कोई ना कोई इलेक्शन में गड़बड़ी की, धांधली की कंप्लेंट्स आती हैं। उस टाइम तो हमारे पास था ही नहीं, ये कुछ भी नहीं था, और हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंडिपेंडेंस का, हम एकदम पैदा हुए थे। अब पैदा होते ही बच्चे से तुम कहो कि तुम भाग करके मैराथन जीत लो तो वो तो सही नहीं है भाई, है ना, रैशनल नहीं होता है।
तो यहां से क्वेश्चन आएगा आपसे, मेंस में पूछ लिया जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज क्रिटिसाइज ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट दैट इट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द डायरेक्टली इट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिंग. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, है ना, क्रिटिकली इवेल्युएट. इस तरीके से क्वेश्चन आपको बना करके दे दिया जाएगा. तो वो चीज आपको यहां पर समझना है. तो उसमें आपको ये बताना है कि हाँ, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट ए डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, इट इज ए पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी, बट इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट इट इज नॉट ए फुली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, है ना. इस तरीके से लिखते हुए आंसर देना है. फिर आपको बताना है, रीजन बताना है कि भाई क्या क्या रीजन रहे कि क्यों अडल्ट फ्रेंचाइजी से हमने इलेक्शन नहीं करवा पाए, और रीजन भी हमें ये भी बताना है कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्यों ना कहना क्यों गलत है, है ना. क्योंकि रिप्रेजेंटेशन सबका था, क्योंकि जो इलेक्शंस हुए थे उस समय आपने देखिए ब्रिटिशर्स ने जो इलेक्शन की जो वो किया था वो ऐसा किया था कि हिंदू हिंदू को सिलेक्ट करेंगे, मुस्लिम मुस्लिम को सिलेक्ट करेंगे, है ना, जनरल जनरल को सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से था. तो इस तरीके से टैकल करते हुए आपको आंसर में लिख देना है, और कंक्लूजन में चीजों को बताना है कि इट इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन मॉडर्न एरा विदाउट नोइंग द रियल फैक्ट्स या विदाउट नोइंग द रियल एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ दैट टाइम, है ना. सिचुएशन जो डिफर्स होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है. सो उस टाइम अकॉर्डिंग टू दैट टाइम आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाएगी वो उस टाइम उस सिनेरियो के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल असेंबली थी जो हमारे पास थी, क्योंकि उन गिवन कंडीशंस में इससे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी नहीं बना जा सकती थी. तो ये आपको मेंस में यहां पर लिखना है आंसर, ठीक है. ये हो गया एक चीज यहां पर मेंस. अब अगले पर चलते हैं, एक और सेकंड क्रिटिसिज्म, इसको भी समझ लीजिए. हर क्रिटिसिज्म से एक मेंस का क्वेश्चन आपका बनेगा, और उस मेंस के क्वेश्चन को आपको यहां पर लिखते हुए रहना है, ठीक है. समझ, इस चीज को समझना है. ये जो चीजें जो डिस्कस कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं हम, ये बेसिकली आपको प्लस पर ही मिलेंगी. हाई क्वालिटी की जो क्लासेज हैं, जो टीचिंग की हैं, जो हाई क्वालिटी का कंटेंट है, वो आपको यहीं मिलेगा पेड कोर्स में. तो यहां पर आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब पर फ्री में दे, लेकिन इसको शेयर करें, लाइक शेयर करें. मजा नहीं आता है देखते ना कि सीरियस है ही नहीं. तो फिर अगली बार से पेड कोर्स पर ही क्लास होगी, जिसको कोर्स जो लेगा उसको पड़ेगा, है ना. क्योंकि आप लोग फिर शेयर तो करते नहीं है, शेयर करा करें भाई इसको, क्योंकि डिटेल में फिर हम भी नहीं जाएंगे. फिर हम ऐसा ही इस पूरे चैप्टर को 5 मिनट में खत्म करवा सकता हूँ. मेरे लिए 2 मिनट 10 मिनट में खत्म कराना कोई बड़ी बात नहीं. इस चैप्टर को मैं करा सकता हूँ, बड़ी चुटकी में खत्म करा सकता हूँ. दिस एंड दैट, ये वो कमेटी है, ये वो कमेटी है, इस दिन संविधान बना, इस दिन संविधान लागू हुआ, ये आलोचना हुई, बात खत्म. डिटेल में जाने के नहीं, है ना. क्यों? क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है डिटेल में जाना. क्यों? क्योंकि उनको फेल होना है. क्यों? क्योंकि उनको पास नहीं होना है. क्यों? क्योंकि पास करने के लिए मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, और एफर्ट्स तो हम करेंगे नहीं. वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, डोंट बिलीव इन एफर्ट्स. तो 10 लाख जो है, 10 लाख लोग हैं, वो एग्जाम में फॉर्म भरेंगे, पास कितने होंगे? 700 750. कौन 750? जिन्होंने एफर्ट किया, कंटिन्यूस एफर्ट्स किया, मेहनत की, स्ट्रगल किया, वो लोग. और बाकी के लोग भेड़ चाल. फिर वो क्रिटिसिज्म में रहेंगे, गवर्नमेंट डजंट प्रोवाइड जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं देती, सरकार से नौकरी नहीं मिलती, है ना. हम ग्रेजुएट हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही. भाई नौकरी के लायक योग्य तो बनो, एलिजिबल तो बनो, वो चीज बहुत जरूरी है. हम उस चीज को नहीं देखते. क्रिटिसिज्म करने में हम बहुत आगे आते हैं, एफर्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम आउटपुट चाहते हैं कि मिल जाए, बस फ्री में मिल जाए, 15 लाख मिल जाए अकाउंट के अंदर, बस जाकर के वोट डाल देंगे फ्री में, वो चीज. लेकिन कोई ये कहते हैं कि मेहनत करो, एफर्ट करो, हमारे साथ काम करो, तब नहीं होगा. ये चीज ध्यान रखना है. तो उसको करते रहो, शेयर करना है क्लास को, ठीक है. चलिए एक और था, इट नोट ए सोवरन बॉडी कहा गया है, संप्रभुता का अभाव भी इसके बारे में कहा गया है, इसको भी देख लेते हैं. द क्रिटिक्स मेंशन दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए सोवरन बॉडी एज इट वाज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. फर्दर दे सेड दैट द असेंबली हेल्ड इट सेशन विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. ये बात बिल्कुल ठीक है. पहली चीज कि भाई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो ब्रिटिश प्रपोजल से ही बनी, उनके प्रपोजल, कैबिनेट मिशन आया, उनके प्रपोजल उन्होंने रखा, उससे हम ये बने. लेकिन ये चीज कहना कि वो सोवरन बॉडी नहीं है, गलत है. रीजन एक समझिए,
क्योंकि उस टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस हम सोवरन बॉडी नहीं थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड असेंबली, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे पर, तो वही प्रपोजल लाते थे, वही एक्ट लाते थे, उन्हीं को हमें मानना पड़ता था और उन्हीं से हमें पूछना भी पड़ता था। लेकिन 1947 में, ध्यान रखिए 1947 में तो हम आजाद हो गए ना भाई, इंडिपेंडेंट हो गए, और जो माउंटबेटन प्लान था उस टाइम में आपने देखा ना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कंप्लीट फुल्ली सोवरन बॉडी हमने डिक्लेयर कर दिया था, और ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट उसमें क्लियरली मेंशन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज ए फुल्ली सोवरन बॉडी, अब फुल्ली सोवरन बॉडी हो गई, और साथ ही उसको ये भी पावर दी गई कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने जितने भी एक्ट बनाए उन सभी एक्ट्स को कंप्लीटली अबोलिश डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो वो तो कोई पावर वही बॉडी कर सकती है ना जो सोवरन बॉडी होगी, तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवरन बॉडी थी। ये क्रिटिसिज्म किया जाता है वो करने वाले करेंगे, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना आपको बताना है कि यस इट इज राइट दैट एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट ए सोवरन बॉडी, ये नॉट ए फुल्ली सोवरन बॉडी, बट आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेट्स द फुल फ्लेज्ड स्टेटस ऑफ सोवरन बॉडी, ठीक है, इट हैज द पावर टू अबोलिश ऑल द एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, अब अबोलिश अमेंड इंप्रूव एनीथिंग कुछ भी बोल सकते हो, तो ये चीज इसको इस तरीके से समझाना है, ये एक बताना है आपको तरीका है कि आप वहां पर बताओगे तो यहां पर आगे जाकर के चीजें होंगी, ठीक है, तो ये है, तो इसको भी समझना है बताना है। और आजादी के बाद तो हमने किसी से परमिशन ली नहीं भाई, ये बोल रहे हैं कि परमिशन ले लेकर के तुम अपने सेशंस करते थे, भाई जब हम आजाद हो गए उसके बाद हमने नहीं ली परमिशन, क्योंकि अब हम फ्री हैं, जब आजाद नहीं थे तो हम किसी के अंडर में थे तो लेनी पड़ती थी, वो मजबूरी थी, ठीक है, तो वो था लेकिन आजादी के बाद नहीं लिया, तो इसको बोलना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो सोवरन बॉडी है। ये सब वेस्टर्न थिंकर्स है ना जो पाश्चात्य विचारक है वो क्रिटिसिज्म करते हैं इंडिया का, इंडियंस को बढ़ते हुए नहीं देख पाते हैं, ये चीज समझो, उनको लगता है यार हम तो इतने हाईली इंटेलेक्चुअल वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, इतना ज्यादा हमारे हमारे पास खूब सारे बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, ये इंडियंस आज ही आजाद हुए और ये कैसे कर सकते हैं, तो वो क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, वेस्टर्न थिंकर्स जो हैं वो मैक्सिमम क्रिटिसाइज करते हैं इंडिया के सिस्टम को, लेकिन हम जिंदा है ना भाई आज भी, और मजबूती से जिंदा है और आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, जल्दी डेवलप्ड बड़े बड़े कंट्रीज को टक्कर दे रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी, आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो यही बात है, तो इसलिए इसके साथ क्रिटिसिज्म भी आता है। अब इसके साथ साथ एक और चलना है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको भी देखिए, अगला क्या था कि टाइम कंज्यूमिंग, समय की बर्बादी, ये कहा जाता है कि संविधान समय की बर्बादी, इसको समझिए, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक अनड्यूली लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, दे स्टेटेड दैट द फ्रेमर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 months टू कंप्लीट देयर वर्क, एक अलग लेवल की क्रिटिसिज्म, आलोचना, अनड्यूली लॉन्ग टाइम, भाई जल्दबाजी का क्या हुआ काम, कैसा होता है प्यार, एक ही दिन में हो जाता है क्या आपको, अब आप कहोगे सर आजकल तो फास्ट फॉरवर्ड मामले, प्यार पहले ही नजर में हो जाता है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है ना, लव एट फर्स्ट साइट, भाई लव एट फर्स्ट साइट तो हो गया, लेकिन क्या उस रिलेशन को ग्रो तुम एक ही दिन में कर सकते हो, शादी बच्चा आगे तक उसको कंटिन्यू रखना, बहुत हैप्पी फैमिली बनाए रखना, क्या वो एक ही दिन में हो जाएगा, यू हैव टू गिव टाइम, टाइम देना पड़ेगा, क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा, है ना, यूपीएससी का एग्जाम एक ही दिन में क्रैक कर लोगे क्या, 4 ही महीने में क्रैक कर लोगे, 5 ही महीने में क्रैक कर लोगे, जैसे कि टेंडेंसी है सबको चाहिए कि ना ना अभी सर छोटी छोटी चीजें मिल जाए उसी से क्रैक कर लेंगे, है ना, नहीं होता ना, टाइम लगता है, टेक टाइम, 1 year 2 year 3 year इस तरीके का टाइम लगता है, 2 year एवरेज ड्यूरेशन आती है, तो कोई भी अच्छा काम करने के लिए आपको टाइम लगेगा, अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में 2 year 11 month 18 days का टाइम लगा बनाने में, लेकिन भाई उतना टाइम लेकर के हमने बनाया तो उसका बेनिफिट भी तो हमें मिला, उसी के कारण हम आज तक हमारे इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में देख लो आज तक कोई भी इस तरीके से डिक्टेटरशिप नहीं हुई, एक छोटा सा अपवाद एक्सेप्शन छोड़ दे 1975 का जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, तो इसके साथ साथ हमारे इंडिया में ना तो कोई आर्मी ने कभी कंट्रोल किया,
ना ही किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर आकर के कंट्रोल कर लिया या इंटरफेयर करता हमारे मामले में कि हम उनके बिल्कुल दुम बिल्कुल पूछ बन करके टेल बन करके घूमते नहीं घूमते ना भाई। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग है और इतना स्ट्रांग इसलिए हो पाया क्योंकि उसके लिए पूरा प्रॉपर टाइम दिया गया जो जल्दी जल्दी में बनाए थे। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन या और भी कई सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन उनका हाल देख लो जरा, कभी मिलिट्री रूल हो रहा है ना, कभी पॉलिटिकल अनरेस्ट आ रहा है ना, कभी दूसरी कंट्री के पूरे कंट्रोल में आ गए, गरीब से गरीब होते चले जा रहे हैं। लेकिन इंडिया रेगुलर ग्रो किया इंडिया ने आगे, उसका रीजन ये था कि हमने एक्स्ट्रा टाइम दिया, हमने इन्वेस्ट किया। ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं था, ये इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम था जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ा गया और जिसके लिए बोल रहे हैं ना कि अमेरिका 4 मंथ में बना लिया अमेरिकन ने। भाई उनके पास पॉलिटिकल और बाकी लीगेसी थी, कितनी लंबी लीगेसी थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन आकर के बनाने से पहले कितना हिस्टोरिकली उनके पास था, क्रांति भी उनके पास, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स और वो सारी की सारी आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उनके पास बहुत लंबी लीगेसी थी। और उनका कहते हैं कि 4 महीने में बना दिया, तो इस 4 महीने वाले से एक बार पूछो कि विमेन राइट्स कहां है, विमेन राइट्स कहां है, नहीं थे। 1920s में आकर के दिए इन्होंने, 1920s में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। हमने कब दिए? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, सेम डे इक्वल राइट फॉर विमेन्स एंड वो मेल एंड फीमेल इक्वल राइट्स। अमेरिका में थे? नहीं थे। अब पॉलिसी ऑफ अपार्थाई, रंग भेद की नीति, 1960s में यहां पर जाकर के इक्वल राइट मिले ब्लैक पीपल कलर्ड पीपल्स को, उससे पहले नहीं थे, राइट टू वोटिंग और कुछ भी है ना, सेपरेट सारी चीजें होती थी। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बारे में बता रहे, 4 मंथ में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, भाई 4 मंथ का तो ऐसा ही होगा है ना, ये चीज समझिए। ये दो दो दिन का जो चीजें होती हैं है ना, ऐसा ही होता है, जो फास्ट फॉरवर्ड प्यार होता है ऐसा ही होता है ना, पहला पहला प्यार हुआ पहली नजर में देख करके, फिर जल्दी 2-3 दिन में झगड़ा भी हो गया, लड़ाई झगड़ा, फिर अलग खत्म जा रहे अलग अलग, फिर अलग अलग ढूंढा जा रहा है, वो हाल होता है। तो इंडिया के ये कहना, इसको भी आपको इसी तरीके से टैकल करना है कि यस इट इज राइट दैट वी हैव टेक मच टाइम है ना, मोर टाइम देन ए यूजुअल कॉन्स्टिट्यूशन, जो दूसरी कंट्रीज जिसमें एक यूजुअली जितने टाइम में बनता उससे ज्यादा टाइम लिया, लेकिन बट इट इंपैक्टेड पॉजिटिवली ऑन इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उसमें बताना है। और उसके कारण हम आज भी डेवलप रेगुलर होते जा रहे हैं, और हमारे कंपैरिजन में जो कंट्रीज जिन्होंने बहुत जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं था, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, बहुत सारी गड़बड़ियां थी, हमने उन मिस्टेक्स ना हो हमारे साथ है ना, हम वो अनजस्टिस ना हो हमारे देश में, सबको इक्वल राइट्स मिले, तो इसके लिए जरूरी था कि हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करें और फिर हम बनाए। तो ये चीज हमने यहां पर की, ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। और भी इन्होंने कईयों ने तो नाम क्या ड्रिफ्टिंग कमेटी वगैरह वगैरह कुछ कुछ बोला गया, ये सब बोल सकते हैं लेकिन रियलिस्टिकली अगर देखेंगे तो नहीं है। एक और इसकी आलोचना की जाती है, क्रिटिसिज्म, कांग्रेस का प्रभुत्व, डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। द क्रिटिक्स चार्ज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी। ग्रीनविल ऑस्टिन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, मैं आपको बता रहा हूं फिर से कि जितनी भी आलोचना है वो मैक्सिमम पॉलिटिकल थिंकर्स ने की है, ठीक है। ग्रीनविल ऑस्टिन, एन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, रिमार्क्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ए वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री, द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया। सिंपल कि कांग्रेस संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये बात सही भी थी भाई, कांग्रेस ही थी, मुस्लिम लीग तो अलग हो गई थी, दो ही पार्टियां बड़ी थी, एक मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस। मुस्लिम लीग के मैक्सिमम मेंबर चले पाकिस्तान में, तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहेगी कांग्रेस। लेकिन एक चीज समझिए कि उस टाइम इसके अलावा कोई पार्टी भी नहीं थी, कौन था? इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में रोल प्ले किसने किया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर और भी बहुत सारे, वो जितने भी बड़े बड़े मेंबर रहे ये कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम कांग्रेस के ही मेंबर रहे, जितने भी हमारे लीडर्स थे, और कोई पार्टी थी ही नहीं। अब भाई जब कोई और है ही नहीं, केवल सिंगल पार्टी ही थी, तो अब ऐसा थोड़ी करोगे कि तुम कि पहले किसी पार्टी के बनने का इंतजार किया जाए, चलो एक नई सेपरेट पार्टी बनाते हैं, लेट्स क्रिएट ए सेपरेट पार्टी सो दैट वी कैन फुलफिल, वी कैन सेटिस्फाई द ईगो ऑफ वेस्टर्न थिंकर्स दैट
इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट मेजरली रूल्ड बाई ए सिंगल पार्टी बट इट हैज ऑल द मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टीज. ऐसा तो कर नहीं सकते थे भाई, मजाक की बात होगी, हंसी मजाक की बात होगी. गजब किस्म की वो करते हैं क्रिटिसिज्म. उस समय एक ही पार्टी थी. देखो समझो, अगर आज का टाइम होगा, अगर आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा तो सारी पार्टियां उसमें रोल प्ले करेंगी. बीजेपी प्ले करेगी, कांग्रेस करेगी, बीएसपी करेगी, एसपी करेगी, टीएमसी करेगी, एनसीपी करेगी, आम करेगी, सभी करेंगे ना भाई. आप ये सारी पार्टी मिलकर करेंगे क्योंकि अभी इंडिया का सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम है. हमारे पास उतनी सारी पार्टीज हैं, उतने सारे लीडर्स हैं अलग अलग पार्टीज से. लेकिन दैट टाइम, उस टाइम एक ही पार्टी थी हमारे पास. दूसरी पार्टी जो मुस्लिम लीग थी वो कंप्लीटली, उसके कुछ मेंबर्स रह गए, बाकी सारे पाकिस्तान में चले गए थे. तो फिर ऐसे में क्या करते, कोई हमारे पास चॉइस तो थी नहीं, ऑप्शंस भी नहीं थे. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज थी. तो इसको समझना है, तो वो टेक्निकली रॉन्ग क्रिटिसिज्म है. अब आपने क्लास सुनी होगी तो आप इसका क्रिटिसिज्म को आप टैकल कर सकेंगे. एक और था कि लॉयर पॉलिटिकल डोमिनेंस, ये बिल्कुल ठीक है, वकीलों राजनीतिकों को प्रभुता थी. इट इज ऑल्सो मेंशनड बाय द क्रिटिक्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस. दे पॉइंटेड आउट दैट अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर नॉट सफिशियंटली रिप्रेजेंटेड. दिस टू देम इज द मेन रीजन फॉर द बल्किनेस एंड कॉम्प्लीकेटेड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये ठीक है, ये बात है भी, ऐसा हुआ भी भारत में. ठीक है, जितना भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो मैक्सिमम लोग या तो पॉलिटिशियन थे या लॉयर थे. लेकिन बात यह है कि आप, अगर आपसे कोई बुक लिखने के लिए कही जाए, आपको कहा जाए कि एक लॉ बनाए, एक बुक लिखिए, तो वो बुक लिखने के लिए आप किसको प्रीफर करोगे? जो जानता हो उस बुक के बारे में, जिसको नॉलेज हो उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को, उन चीजों के बारे में. ठीक है, तो वही बनाएगा ना. मोबाइल फोन आपको चाहिए, एक अच्छा फोन चाहिए, तो एक मोबाइल फोन बनवाना है, तो आप मोबाइल फोन बनाने के लिए किसको लगाओगे? एक टेक्नीशियन को लगाओगे जिसको मोबाइल फोन के बारे में पता हो. ठीक है, या जाकर के किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति को दे दोगे, लो भाई तू मोबाइल फोन बना. नहीं बन पाएगा ना अच्छे से. तो एक चीज समझिए कि उस टाइम हमारे पास जितने भी हमारे लीडर थे सब ने डिग्री कर रखी थी, सब ने लॉ किया हुआ था, सब बैरिस्टर बाबू होते थे, फोरन से बैरिस्टरी करके आते थे. कोई भी देख लो आप, जवाहरलाल नेहरू देख लो, बी आर अम्बेडकर देख लो, महात्मा गांधी देख लो, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के में थे नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, सब लॉ पढ़ करके आते थे. और उस टाइम उसी डिग्री की डिमांड थी, मान्यता भी उसी डिग्री की थी. जिसने भी लॉ कर लिया माना जाता था कि यार यस ही हैज समथिंग, इज द हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन, ही कैन डू समथिंग, ये कर सकता है. जैसे 2000 का टाइम था, वर्ष 2000 का टाइम जो डिकेड था, उस टाइम इंडिया में एक टेंडेंसी चली हुई थी कि जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है वो लगता था कि अरे वाह भैया इसको ही नौकरी मिलने वाली है, इसी को जॉब मिलने वाली है, और नौकरी मिलेगी तो छोकरी भी मिलेगी, और नौकरी और छोकरी केवल उसको मिलेगी जिसने इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया, नहीं किया तो कुछ नहीं. जैसे हम लोग भी पढ़ते थे, आर्ट्स लेते थे स्कूल में, तो हमें लोग बड़े बुरी नजर से देखते थे, बीटेक नहीं करा, नॉन मेडिकल नहीं ली, अरे यार तू क्या करेगा जिंदगी में, तेरी तो शादी भी नहीं होगी, शादी हो भी गई तो दहेज भी नहीं मिलेगा, इस तरीके की चीजें बातें होती. तो वो चल पड़ा था ट्रेंड उस टाइम, लो ही करते थे, वही एक डिग्री होती थी. तो लॉयर्स थे सारे के सारे. अब उनकी गलती तो है नहीं कि भाई वो लॉयर्स थे, वो तो जरूरी था, इंटेलेक्चुअल थे, है ना. अब अगर वो लॉयर्स नहीं होते और वो पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिशियन नहीं होते, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता भी नहीं. हाँ, ये अलग बात है कि जब लॉयर होगा तो इसका एक बैकड्रॉ होता है कि वो बहुत टिपिकल लैंग्वेज लिखते हैं और बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को लिखते हैं. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बड़ा जरूर बन गया, लेकिन अच्छा तो बना, बेस्ट भी बना, ये भी समझिए, है ना. बेस्ट, बेटर, जो आज तक वर्क कर रहे हैं, उसका रीजन यही था कि इन लॉयर्स और पॉलिटिशियन ने बनाया था, जो हाईली एथिकल थे, मोरल थे, है ना, देशभक्त थे, इंटेलेक्चुअल थे. उन्होंने उस टाइम 1946 से 50 के टाइम में नेक्स्ट 70-80-100 ईयर्स की कंडीशंस को कंसिडर किया कि क्या हो सकता है, और उनको कंसिडर करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया. ऐसा आज के टाइम में बना सकते हो? नहीं ना, उन्होंने उस टाइम कर दिया, तो इन्हीं के कारण हुआ. तो ये चीज भी बताने कि ये क्रिटिसिज्म ठीक है, ये किया, और ये भी ठीक है कि लेंदी हो गया, टिपिकल लैंग्वेज होगी, आम इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन
इसी कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही तो हम आज जीवित हैं, आज हम अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उन्होंने अच्छा भी किया, ये भी बताने हैं। ठीक है, अगला, डोमिनेटेड बाई हिंदूस, हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वाज ए हिंदू डोमिनेटेड बॉडी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जरूर है कि हिंदू उसमें ज्यादा थे, लेकिन इंडिया में रिप्रेजेंटेशन सबको दिया गया था अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट में रिप्रेजेंटेशन था, तो डोमिनेशन नहीं था वो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी तो इसलिए उनकी संख्या ज्यादा होगी, सिंपल सा था, यह बता देना। ठीक है, लॉर्ड विस्काउंट साइमन, ठीक है, कॉल्ड ए बॉडी ऑफ हिंदूस, फॉरेन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर, इंडियंस ने नहीं, वेस्टर्न थिंकर्स कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अभी भी कंटिन्यू है उनकी, अभी भी बता दो, भिड़ा दो हिंदू मुस्लिम, ना संविधान तो है ना हिंदुओं ने बनाया, मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी ने नहीं बनाया, तो तुम्हारा नहीं है, एक काम करो लड़ो आपस में, मरो एक दूसरे के साथ, डिवाइड एंड रूल वाली जो जो उनकी लीगेसी है ना, जो उनकी थॉट है, औपनिवेशिक मानसिकता है, मेंटेलिटी, वो बाद में भी कंटिन्यू रही उनकी, लेकिन ऐसा नहीं था वो, हम लोग तो समझते हैं, हमें पता है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन था, तो रिप्रेजेंटेशन सबको मिला। ठीक है, अगला, एक विंस्टन चर्चिल, अलग ही लेवल, और चर्चिल तो बड़े पहुंचे हुए इंसान थे, उनका तो मैं सेकंड वर्ल्ड वार की क्लास आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, कैसे अमेरिका और सोवियत संघ उनको भी भड़काने में, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में भी फाइट करवाने में इनका बड़ा रोल था, ये भी इनकी क्रिटिसिज्म को साइड में कर देना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मेन फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं, क्या है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, इसमें समझाने वाला एक्सप्लेनेशन वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कि एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मोहर होती है ना सील, जिसको ऐसे मारते ना ठप्पा थड़ाप, तो वो एलिफेंट था। ठीक है सर, जो बी एन राव, ये बी है आर नहीं है, ये बी एन राव है। ठीक है, बी एन राव जो है वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एंड लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बी एन राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ठीक है, एच वी आयंगर वाज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सचिव जिनको बोलते हैं, तो वो एच वी आर आयंगर थे, ये भी कर लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब एल एन मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ये नाम है, ये फैक्ट्स हैं, ये मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्लेनेशन वाला है ही नहीं, आपको ये नाम याद रखने बस। ठीक है, कि प्रेम बिहारी नारायण राजदादा, ठीक है, वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुलेखक, जिन्होंने हाथ से लिखते ना कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसकी राइटिंग अच्छी होती है वो बढ़िया तरीके से लिखते हैं, तो इन्होंने उसको लिखा, राइट डाउन किया, जो है कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। ठीक है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन बाई हिम इन द फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल, तो फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में इन्होंने लिखा था, और बहुत अच्छी हैंडराइटिंग थी, गजब, मतलब हैंडराइटिंग के अगर नंबर मिलते तो 100 में से 100 ऐसे वो थी, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन हाथ से लिखा गया था, और वो किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, इटैलिक उसमें। ठीक है, इसके साथ साथ द ओरिजिनल वर्जन वाज ब्यूटीफाइड, ब्यूटीफाइड का मतलब क्या होता है, जैसे ये है, इसके साइड में ये कुछ ये बना दिया, इधर देखो ऐसे कुछ बना दिया, कुछ फोटो बना दी, कुछ साइड में कलर, कलर स्कीम कैसे हो, ये होता है ना जैसे ब्यूटीफाइड कर देना, अच्छा कर देना, वो द ओरिजिनल वर्जन वाज ब्यूटीफाइड एंड डेकोरेटेड बाई आर्टिस्ट फ्रॉम, अगर हम बात करें शांति निकेतन, इंक्लूडिंग नंदलाल बोस, ठीक है, नंदलाल बोस एंड ब्यूहर राममोहन सिन्हा। ठीक है, तो इन्होंने इसको ब्यूटीफाई किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना है, सेम इसको भी कंटिन्यू कर लेना है, राम मनोहर सिन्हा इल्यूमिनेटेड ब्यूटीफाइड एंड ऑर्नामेंटेड द ओरिजिनल प्रीएम्बल कैलीग्राफ्ड बाय द प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये भी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट्स हैं, ये आपको याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो इंग्लिश में था, इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन उसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन हुआ था, ऐसा नहीं है कि हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं हुआ, तो हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ,
उसको क्या हुआ, द कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाई, ठीक है, एंड एलिजेंटली डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाई नंदलाल बोस। तो हिंदी वर्जन जो है वो वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा, इंग्लिश वर्जन में था लेकिन उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखा जो गया, तो वो वर्क किया वसंत कृष्ण वैद्य ने, ठीक है, ये है आपको करना है। हिंदी टेक्स्ट इसको भी देख लेना है। तो हमारे में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको आप चाहें तो इसमें केवल एक ही इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, ज्यादा नहीं है, इसको देख लेना है कि ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज। लेटर ए प्रोविजन इन दिस रिगार्ड वॉज मेड बाई द 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। तो मूल संविधान जो था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें हिंदी के पाठ के संबंध में कोई प्रोविजन नहीं था। 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको 1987 में इसको ऐड किया गया। यह आपके लिए इतना काम का भी नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। एक आर्टिकल 394 इसमें ऐड किया गया, और उसमें क्या क्या प्रोविजन थे इसको देखना, कि द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, द मॉडिफिकेशन विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इट इन कन्फर्मिटी विद द लैंग्वेज स्टाइल एंड टर्मिनोलॉजी अडोप्टेड इन द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल एक्ट इन हिंदी कैन बी मेड इन इट। तो यानी कि भाषाई जो संविधान का जो हिंदी अनुवाद है, किसी भी प्रकार के अगर उसमें अमेंडमेंट की जरूरत हुई, संशोधन की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए भाषाई स्वरूप और शब्दावली केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। आप इसको कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, आपका काम नहीं है, ठीक है। जितने भी बेसिकली इसका मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हिंदी में था वो सब इंग्लिश में जो था उसको हिंदी में लिखा जाएगा बाद में, सिंपल सा ये चीज है, ठीक है। जो इंग्लिश में था उसको हिंदी में भी अनुवाद किया जाएगा, वही था, आप इसको स्किप कर दीजिएगा। सेम एज इट इज, आपको बस हल्का सा मेमोराइज करना है और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिकली यही है कि जो इंग्लिश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा, और जो हिंदी इंग्लिश का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वही हिंदी का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाएगा, अलग से लिखा नहीं जाएगा हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक सिंपल सी चीज इसमें कही गई। तो ये सीटों का आवंटन और ये सब चीजें आपको मैंने टोटल बताई दी थी क्लास के अंदर, हमने देख ली थी, तो ये टेबल एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है। और इलेक्शन जो थे उसमें भी देख लेना कि कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को कितनी कितनी सीटें मिली थी, किस किस को कितनी सीटें थी, ठीक। समुदाय देख लीजिए कितनी कितनी थी, तो जो बोलते कि केवल एक ही समुदाय के थे तो 163 हिंदू थे, 1946 की बात करें 80 मुस्लिम थे, 31 एससी, 6 ईसाई, 6 बैकवर्ड क्लास, 4 सिक्स, 3 एंग्लो इंडियन, 3 पारसी, यानी कि उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये सब कुछ था, ठीक है। मेंबरशिप जो थी ये आपके लिए काम का नहीं है, इसको देख लेना है। रियासतें जो थी ये भी आपके लिए काम की नहीं है, क्या है, ठीक है। कौन कौन से सेशंस हुए, कौन कौन से सत्र हुए, अगर आप नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ज्यादा जरूरी है नहीं, ठीक है। टाइम किस किस ने कितना कितना टाइम लिया, किस देश ने, तो ये आप एक बार अगर देखना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, बाकी टेबल को छोड़ करके ये देख सकते हैं, ये सब टेबल आपको दिख जाएगा। तो यही था, इतना ही आपका आज का चैप्टर आपका कंप्लीट। अपनी कोशिश यही रहेगी कि हर क्लास में कोशिश करें कि चैप्टर कंप्लीट करें, थोड़ा मैं डिटेल से पढ़ाता हूं। एक और चीज ध्यान रखना आप सबको कि शेयर करना यार, शेयर नहीं करोगे तो नहीं आएंगी क्लासेस, मैं आपको बता रहा हूं, उस वो मेरे हाथ में रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी एनर्जी से जान लगा करके पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो सीरियस चीज है, जिस क्वालिटी की डिमांड प्लस पर बहुत हाई है, प्लस पर बच्चे परेशान है कि सर यहां पर लो क्लास, पैसा देने के लिए तैयार है ना, वो फ्री में मिलता है ना तो उसकी वैल्यू होती नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, वो वाला हाल है। तो शेयर करो, अगर चाहिए कि रेगुलर कंटिन्यू रहें, डिटेल में पढ़ें, तो इसको शेयर करें, और क्लास के बाद कमेंट्स करें खूब सारे, वो होगा तभी चीजें पॉसिबल होंगी। और अनअकैडमी का कोर्स अगर इन फ्यूचर कभी भी जिंदगी में लेना चाहो, कभी भी लेना चाहो कोई भी कोर्स, तो ये रेफरल कोड लगाइएगा LYLIVE, ध्यान से सुनिए, इसी रेफरल कोड से लेना है, LYLIVE, कोड टू योर सक्सेस इज LYLIVE, ठीक है। ये रेफरल कोड है, इसको लेना है LYLIVE कोड के साथ, आपको फीस में डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको मेरी प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, ठीक है। मेरी पूरी प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस मिलेगी एग्जाम पास होने तक,
मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली ही गाइड करता हूँ, प्रॉपर पर्सनल गाइड करता हूँ, ठीक है। और हमारे हेटर्स भी बहुत हैं, कुछ लोग हैं वो उल्टा फुल्टा हुआ ही फैलवाते रहते, वो फैलते, तो उनको जवाब भी आपको ही देना है। तो जो हमारे प्यार करने वाले हैं वो आप अपना प्यार ऐसा दिखाओ कि वो हेटर्स लोग चुप हो जाएं, लेकिन वो बड़ा शिद्दत से हेट करते हैं, वो रेगुलर आते हैं, डिसलाइक करके जाते हैं, है ना, उल्टे सीधे कमेंट भी करके जाते हैं, वो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं, उनको भी चैन नहीं पड़ता हमारी शक्ल देखे बिना, ले आते हैं। तो ऐसे जो हमारे दोस्त हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पसंद करते हैं, तो आप भी अपनी ड्यूटी फुलफिल करो, उसको शेयर करो, खूब लाइक शेयर हर जगह करो। और अनअकैडमी का कोर्स लो तो ये कोड जरूर यूज कीजिएगा, आपके इसकी कोड को भी आपकी बहुत जरूरत है, कभी भी ज्वाइन करें तो ये कोड हमेशा लगाना है, डिस्काउंट मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, एग्जाम पास होने तक वन ऑन वन वीडियो कॉल पर पर्सनली गाइड करूंगा मैं आपको। ध्यान रखिए, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली ही गाइड करता हूं, किसी चीज की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने देंगे। तो इन फ्यूचर कभी भी लें अनअकैडमी से, कहीं से भी कॉल आए आपके पास कोर्स के लेने के लिए और आपका लेने का मन हो, तो उनको बोलना कि यही कोड लगाएंगे भाई, ललित सर के कोड से ही लेना है बस, ठीक है। और फिर मेरे को टेलीग्राम चैनल पर मेरे डिटेल्स हैं, मेरे नंबर हैं, सब कुछ है, आप वहां पर मैसेज कर देना, नंबर निकाल बात कर लेना, डायरेक्ट मेरे से ही बात होगी, पूरी प्रॉपर गाइड करूंगा मैं आपको, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम याद कर लीजिए, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला टेलीग्राम चैनल है, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला मेरा टेलीग्राम चैनल है। 9 PM पर 12th क्लास की NCERT जो इंटरनेशनल रिलेशंस की है उसका सेकंड चैप्टर होगा, कंप्लीट सेकंड चैप्टर कराने की कोशिश करूंगा मैं आज ही रात में, तो रात में 9 बजे उस क्लास में आ जाना सभी लोग, वो प्रॉपर हिंदी में होगी, इंग्लिश में कंटेंट नहीं रहेगा, केवल हिंदी का कंटेंट रहेगा, तो 9 PM पर होगी। टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर दूंगा, PDF एक दो दिन में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सेशंस बिल्कुल मैं कंटिन्यू रखा करूंगा। थैंक यू आप सभी को, जितने भी हमारे दोस्त हैं सबको थैंक यू। कल होगी क्लास, कल एक बार और मैं ट्राई करूंगा, अगर व्यूज का ठीक ठाक रहा तो मैं तो लगाऊंगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर आगे मेरे हैंड में नहीं है, अगर नहीं आए तो व्यूज तो वो देखना पड़ेगा, वो लोग देखेंगे अपने आप, वो बताएंगे क्या करना है। बाकी अभी मेरी क्लास है प्लस पर, तो मेरे को जाना होगा, मेरी एक जगह पर और कहीं क्लास है तो मेरे को लेना पड़ेगा, तो मेरे को जल्दी से निकलना पड़ेगा, 5 बजे फिर से क्लास है। चलिए, तो आप लोग ये कोड याद रखिए, और हाउस द जोश, कैसे जोश, हाउस द जोश, एक हाई जोश दिखाइए, रेफरल कोड कमेंट बॉक्स में लिखिए LY Live, अपने दोस्तों को भी रेफर कीजिए, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है उनको बोलिए कि LY Live से लीजिए, ठीक है, गाइडेंस भी मिलेगी, डिस्काउंट भी मिलेगा। अनअकैडमी पर कभी भी एडमिशन ले, सब्सक्रिप्शन ले, LY Live कोड लगाइए, क्लास को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, आपसे रात में 9 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।